तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स बी रेडी, क्योंकि आज है बारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, दी एंड इन वन शॉट। ठीक है, तो आज बैक टू बैक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर। तो कौन कौन मेरा भाई बहन रेडी है सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, दिमाग में बसाने के लिए, तो फिर से आज मुझे अपने नाम बताओ, क्योंकि तुम वही बच्चे हो जिनके इस साल रिपोर्ट कार्ड पे इंग्लिश में तो 100 में से 100 पक्के लिखे होंगे, मेरी गारंटी है। जस्ट वॉच दिस इंटायर वीडियो केयरफुली, तुम 100 में से 100 लेकर आओगे इंग्लिश में, एंड होपफुली ऐसे ही मेहनत करना बाकी सब्जेक्ट्स में भी लेकर आओगे। डन। तो आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ये रही हमारी प्यारी सी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये है हमारी सेकंड बुक। ठीक है, तो अब सेकंड बुक को फुल ऑन कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं जो हमें इसमें बैक टू बैक आज पढ़ने हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। हैरियट जी का चैप्टर है ये हमारा, जिसमें हम ट्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। भैया क्या चैप्टर है ये, यू विल बी जेलस, थोड़े बहुत जेलस आप हो जाओगे इस प्यारे से छोटू से क्यूट से डॉग ट्रिकी से। थोड़ा सा तरस भी आएगा तुम्हें इसके ऊपर कि ये बेचारा क्या कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मालकिन है इसको बहुत ही 5-स्टार वाला ट्रीटमेंट देती हैं। भैया ट्रिकी बेटा ये वाइन पी लो, तुमने सुना है डॉग को वाइन पीते हुए, सुन लेना आज इस चैप्टर में, वाइन पी लो, ये खा लो वो खा लो, चीज केक चॉकलेट केक, ये वाले कपड़े वो वाले कपड़े, भैया ये है रिच 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 डॉग ट्रिकी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जब वो उसको इतना पैम्पर करती थी, इतना उसको जो है इतना उसको 5-स्टार वाला ट्रीटमेंट देती थी और उसको एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करती, तो बेचारे ट्रिकी की हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। और फिर हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं जेम्स हैरियट और ट्रिकी को बचाते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, उसकी जुबानी, प्रॉपर आप पढ़ने वाले हो, एक छोटे से बच्चे के बारे में आप पढ़ने वाले हो जो एक शातिर चोर है। चैप्टर पढ़ेंगे द मिडनाइट विजिटर, एजेंट वाला चैप्टर है ये। देन वी विल स्टडी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें आप एक चोरी देखने वाले हो और बेचारे चोर के साथ क्या होगा ये देखने वाले हो। देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनविजिबल मैन, सुना है तुमने कभी इनविजिबल मैन के बारे में, आज जानोगे कि कोई आदमी जब इनविजिबल होता है तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, देन यू विल स्टडी मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, आई डोंट नो ये चैप्टर बच्चों को लेंथी डिफिकल्ट बोरिंग क्यों लगता है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज्यादा यूजफुल चैप्टर लगता है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है, तो इसको डिफिकल्ट मत समझना। आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा अरे वाह बेहतरीन चैप्टर है। देन वी विल स्टडी द नेकलेस, और ये नेकलेस पढ़ने के बाद पहले ही बता रही हूं, नेकलेस पढ़ने के बाद जैसे लगेगा ना मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जब आप पूरी इसकी स्टोरी जान लोगे तुम्हारे विचार क्या होंगे वो मुझे बता देना। ठीक है, देन वी विल स्टडी भोली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भोली एंड कैसे उसकी लाइफ में उसकी टीचर जो है एक बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। You will be very happy after reading this chapter. बहुत emotional भी हो सकते हो। Last but not the least हम पढ़ेंगे The Book That Saved the Earth. एक amazing सा chapter जिसमें हम चलेंगे जो है एक future के अंदर आप जाओगे बहुत आगे सदियों 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 आगे century में तुम जाओगे और वहाँ जाके पढ़ोगे कि कैसे जब हमारे अर्थ के ऊपर मार्स के लोगों ने आके हमला करा था तो हमें एक किताब ने बचाया था, वो कौन सी किताब थी। ठीक है, तो सारे चैप्टर ऐसे हैं कि किसी में भी आप बोर नहीं होने वाले हो और सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सब ऐसे है कि ऐसा सोचो कि कोई मूवी देख ली हो तुमने, कोई अच्छी सी स्टोरी सुन ली हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी ऐसे दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और ये नहीं है कि तुम्हें बस ऐसे पढ़ा दूंगी कि तुम बोर्ड नहीं हो रहे हो चैप्टर सुन लिया एवरीथिंग। नो गाइस, मेरा एम ये है तुम्हें पढ़ाने का कि तुम्हें चैप्टर समझ में भी आए, बिकॉज नाउ वी आर इन 10th, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चैप्टर को सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ उसके खाली वीडियो देख लेने से भी नहीं होने वाला है। जब तक जब आप मेरी वीडियो में जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी मैं आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, वो भी बिना एनसीईआरटी की लाइनें रीड करे। मेरे दिमाग में एनसीईआरटी छपी पड़ी है, तुम्हें एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर एनसीईआरटी की लाइन बोल कर ही तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन अगर मेरी वीडियो देखने के बाद तुम एनसीईआरटी चेक करोगे तो मैं खुद समझ में आ जाएगा दीदी ने एक वर्ड लीव नहीं करा है और हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है क्या क्या
क्या बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. दिस इज माय एम. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है. ये रहे सभी के सभी नोट्स, ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, मिडनाइट विजिटर, थी स्टोरी, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, सभी चैप्टर के नोट्स मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल एंड यू कैन एक्सेस द नोट ऑल्सो. और इंस्टाग्राम से करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, बट अगर सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो तो गो एंड चेक फ्रॉम कम्युनिटी ओनली. ठीक है, तो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट आवर चैप्टर द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. Everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. ये चैप्टर देखो किसके बारे में है, ये एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी. और ये जो डॉग है ये बहुत ही ज्यादा ओवर पैम्पर्ड है, यानी कि ये अपनी मालकिन का लाडला बेटा टाइप है. ठीक है, तो होने क्या वाला है, तीन मेन करेक्टर्स है इस चैप्टर के. पहला करेक्टर है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी चलने वाली है, वो है हमारा प्यारा सा छोटा सा डॉग जिसका नाम है ट्रिकी. और ये ना बहुत ही अमीर खानदान से है, यानी कि जो इसकी मालकिन है उनका नाम है मिसेस पम्फरी. और ये बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम रिच है, ये इन पे बहुत सारा पैसा है और ये बहुत सारा पैसा खर्च करती है अपने डॉग ट्रिकी पे. कैसे करती है वो भी चैप्टर में पता चल जाएगा. बट जिस तरीके से वो उसके ऊपर जो है इतना लाड दिखाती हैं, तो क्या होता है कि ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है. अब आप सोचोगे लाड दिखाने से, प्यार करने से तबीयत खराब कैसे हो गई उसकी, तो एक्चुअली में वो उसको बहुत खाना खिलाती है. इतना खाना खिलाती है कि ट्रिकी बहुत मोटा सा हो जाता है और उससे चलने तक की हालत नहीं रहती है, इतना उसे खिला खिला के वो लेजी एग्जॉस्टेड बना देती है. तो इसीलिए उनकी हेल्प करने आते हैं ट्रिकी के वेट. वेट कौन होते हैं, जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं ना, वेट, वो आएंगे ट्रिकी की हेल्प करने के लिए और हम जानेंगे कैसे वो ट्रिकी की हेल्प करते हैं. तो जो वेट है उनका नाम है डॉक्टर जेम्स हैरियट, एंड इनफैक्ट वो ही इस चैप्टर के राइटर भी हैं. तो आप सोच सकते हो कि वो एक पेट डॉक्टर हैं और उन्होंने ये कहानी लिखी है, मे बी कुछ सच हो इसमें, मे बी कुछ उन्होंने फिक्शनल ऐड करा हो. तो चलो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को. तो तीन करेक्टर हो गए, ट्रिकी, एक ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फरी, तीसरे हमारे डॉक्टर जिनका नाम है जेम्स हैरियट. ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो हमारे को जेम्स हैरियट जी बताते हैं, वो नरेटर हैं इस चैप्टर के, उनके साथ खुद हुआ है, वो नरेट कर रहे हैं वो इसको. वो कहते हैं मैंने एक दिन ना मैं गाड़ी से जा रहा था, जाते जाते मैंने देखा कि ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पम्फरी, वो ट्रिकी को वॉक पे लेती हुई जा रही थी और मैं देख के बहुत परेशान हो गया ट्रिकी की हालत को. क्यों? क्योंकि ट्रिकी जो है, अब यहाँ पे आप वर्ड्स गाइस, मैंने अगर ये वीडियो देख ली एनसीईआरटी, टच भी मत करना, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली. ठीक है, सब वर्ड्स जो जो आपको जरूरत है, जो जो मेंशन करने हैं वर्ड मीनिंग के साथ, सब यहां गिवन है, सब एक्सप्लेन कर दूंगी. तो वो देखते हैं भैया ट्रिकी और मिसेस पम्फरी वॉक करते हुए जा रहे होते हैं कहीं इस तरीके से, और नरेटर ट्रिकी को देखते ही अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं. ही पुल्ड अप, एकदम से गाड़ी रोकते और कहते मैं बहुत टेंशन में आ गया ट्रिकी को देख के. क्या दिक्कत थी? ट्रिकी ह्यूजली फैट हो चुका था, बहुत मोटा हो चुका था, एक ब्लोटेड फूले हुए सॉसेज जैसा. सॉसेज देखा है आपने, मीट के सॉसेजेस बनते, तो ऐसा लग रहा था ट्रिकी, वो कह रहे एक सॉसेज जैसा ट्रिकी लग रहा था, से सॉसेज के चार पैर लगा दी हूं, उस टाइप का ट्रिकी लग रहा था, इतना मोटा हो चुका था. एंड ही वॉज एग्जॉस्टेड, बहुत एग्जॉस्टेड था, उसे चला भी नहीं जा रहा था, उसे छोटी सी वॉक भी नहीं करी जा रही थी, हाफ रहा था, उसकी आंखें ब्लड शॉट थी, ब्लड शॉट मतलब लाल रंग की आंखें हो चुकी थी और रूमी थी, RHUEMY, रूमी मतलब आंखों में से पानी आ रहा था, यानी कि वो इतना थक चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था. His tongue was out of his mouth. ठीक है, जैसे हाफते हैं तो ऐसे डॉग्स करते हैं ना, तो उसकी बिल्कुल बुरी हालत थी. तो जैसे ही मिसेस पम्फरी को ऐसे देखते हैं वो डॉक्टर हैरियट, तो वो डर जाते हैं और परेशान होते हैं, तो वो रुक जाते हैं. मिसेस पम्फरी भी उनको देख के आती है, ऑब्वियसली डॉक्टर से मिलने तो आएंगी ना. तो जैसे ही मिसेस पम्फरी लेकर आती है अपने डॉग को मिस्टर हैरियट के पास, तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाती है और एक्सक्यूजेस देने लगती हैं. क्या एक्सक्यूज देती है? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो मेरे डॉग की हालत है मेरी वजह से ही हो रही है कहीं ना कहीं. तो आके डॉक्टर हैरियट को एक्सक्यूज देती है, सर ये ना बहुत दिनों से बहुत लिस्टलेस लग रहा है मेरे को. लिस्टलेस मतलब क्या होता है? बहुत ही, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें जान नहीं है, ये इसमें लेजी सा हो गया, ये इसलिए इसका स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए मैं ऐसे बहुत कुछ खिला रही हूँ, सो दैट इसका स्टैमिना बिल्डअप हो जाए. तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं अच्छा आप क्या खिला रहे हो इसको, तो कह रही ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इसको ना, इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, इसे कुपोषण हो गया मेरे डॉगी को. तो वो अपने प्यार में इतनी अंधी है कि वो ट्रिकी को हर समय खिलाती रहती है, उन्हें लगता है अरे मेरा बच्चा, इसको तो भाई मेल न्यूट्रिशन हो गया, सो शी इज़ फीडिंग
ट्रिकी ऑल द टाइम. क्या क्या खिलाती है बताती है उनको, कहती है मैं इसका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए इसे माल्ट खिला रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल पिला रही हूँ इसको मैं, साथ ही के साथ में रात को सोने से पहले कि इसे अच्छी नींद आए तो मैं हॉर्लिक्स खिला रही हूँ इसको दूध में डाल के. बाकी ये अलग खाना है, ये खाने के बीच का है जो उसका खाना चलता है सुबह दोपहर शाम का, उसके साथ में ये और एडिशन उन्होंने कर रखा था. तो मिस्टर हैरियट बड़े परेशान, बट वो क्या बोले उसको क्योंकि वो आंटी समझने वाली नहीं थी. फिर वो पूछते अच्छा ठीक है ये सब आप खिला रहे हो, मीठी चीज़ों पे आपने कुछ कम करा, मैंने आपको कहा था इसे मीठी चीज़ें मत खिलाना. कह रही हाँ मैंने एक आध दिन करा था, बट इसे चीज़ केक क्रीम केक, भाई देख लो डॉग रोज़ चीज़ केक खाता है, ये क्रीम केक खाता है, चॉकलेट खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है. ठीक है, तो कह रही मैं इसे रोज़ खिलाती हूँ क्योंकि मैं इसे मना नहीं कर पाती ना, तो वो उसे नो नहीं बोल पाती है, रोज़ खिलाती है. तो डॉक्टर इतने में ट्रिकी की तरफ देखते हैं, उन्हें बड़ा तरस आता है ट्रिकी, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉग है बट इसकी एक गलती है क्या कि ये बहुत लालची है, ये बहुत ग्रीडी है, इसे दिन में किसी भी समय खाना खिला दो ये खा लेगा. ठीक है, फिर वो पूछते हैं अच्छा चलो ठीक है इतना खाना वाना तो खिला रहे हो, कुछ एक्सरसाइज करा रहे हो ट्रिकी को. तो फिर मिसेस पम्फ्री बताती है एक्सरसाइज हाँ ये इस तरीके से मेरे साथ वॉक पे ही जा रहा है आजकल, वो जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज आपने देखे ना डॉग्स को ऐसे वो फेंकते हैं, डंडी फेंकते हैं, रिंग फेंकते हैं, पकड़ के लेके आते हैं. तो वो कह रही रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइजेज आजकल नहीं हो रही है क्योंकि हमारे घर का जो गार्डनर है उसको एक डिजीज़ हो गई है लुम्बोगो, यानी कि वो कोई बैक डिजीज़ होती है, तो वो तो आ नहीं रहा, तो मेरे साथ ही वॉक करा. अब आप देख लो वॉक कैसी हुई थी ट्रिकी की, तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब हो रही थी. तो फिर मिसेस पम्फ्री को हमारे जेम्स हैरियट कहते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि अब मैंने ना सीरियस होकर उन्हें बोला कि मैम अब आप सीरियस हो जाओ, अगर आप ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कराओगे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. तो कहते हैं मिसेस पम्फ्री मेरी बात समझती हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे झटका के कहती है कि यस सर अब मैं बिल्कुल पक्के से ट्रिकी को अच्छी डाइट पे रखूंगी. और कह रहे हैं वो जाती हैं और जाते हुए बिल्कुल ऐसे फॉर्म ऐसे तुम्हें स्ट्रेटेजी बताती हूँ मैं, तो तुम कहते हो ना दीदी हाँ पक्का जरूर पढ़ेंगे, फिर 10 दिन बाद वही हो जाता है. वैसे ही मिसेस पम्फ्री बिल्कुल पक्का प्रॉमिस करती है डॉक्टर हैरियट को कि नहीं सर मैं तो इसको बहुत अच्छे से डाइट कराऊंगी. बट कहीं ना कहीं जेम्स हैरियट कहते हैं मुझे पता था ये कुछ ऐसा करने नहीं वाली है. जब वो ट्रिकी को पीछे से जाते हुए देखते हैं तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करते, कहते हैं छोटा सा वो ट्रिकी ठीक है वो बंधा हुआ था रस्सी से, वो इतना मतलब कि परेशान होकर चल रहा था, उसका छोटा सा कोट पहन रखा था उसने, यानी कि वो डॉग है और उसकी अपनी पूरी वार्डरोब है. अब वो हमें बताते हैं कि उसने ट्वीट कोट पहन रखा था और अलग अलग मौसम के, सर्दियों का अलग कोट है उसका, रेनकोट बारिश वाले दिनों का, अलग अलग कोट्स हैं इसके पास, पूरी वार्डरोब है इस डॉग ट्रिकी की. ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है डॉग को एक्सेसिव ठंड में कपड़े पहनाने की जरूरत है, बट वो रोज़ उसको अलग अलग कपड़े पहना के तैयार करती है, उसे पैम्पर करती है. चलो भाई ये किस्सा हो गया. अब जेम्स हैरियट को कहीं ना कहीं पता था ये मालकिन सुधरने वाली नहीं है, तो वो होता भी ऐसे है, वो कहते हैं बस कुछ दिनों की बात बीती थी कि मुझे एक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है, जिस दिन का मुझे वेट था वो हो जाता है. एकदम से मिसेस पम्फ्री फ़ोन करके डॉक्टर हैरियट को बताती है डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब वो पूरा दिन अपने कारपेट पर बैठा रहता है और अपनी फेवरेट डिशेज खाने को भी मना कर दिया उसने, हर समय वॉमिटिंग करता रहता है वो, उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी. तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं मेरे पास प्लान एडवांस में था, मेरे को पता था कि अगर ट्रिकी की ऐसी हालत होगी तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है उसको ऑपरेशन कैसे करना है, कह रहे मुझे सब पता था. तो कह रहे मैंने उन्हें कहा कि अब ट्रिकी को कहां लेकर आना पड़ेगा, मेरे क्लिनिक में लेकर आना पड़ेगा, घर पर उसका इलाज नहीं हो सकता. ये बात सुनकर मिसेस पम्फ्री बहुत हैरान हो जाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका प्यारा डॉग उनसे दूर हो, वो कहती नहीं ये भी मेरे बिना नहीं रह पाएगा. बट डॉक्टर हैरियट कहते हैं हम रीडर्स को बताते हैं कि भाई मुझे पता था अगर इसे ठीक करना है तो इसे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा. तो वो मिसेस पम्फ्री को थोड़ा डराती है कि नहीं नहीं इसकी तो बहुत तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैंने इसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा, तो आप जल्दी इसको जो है मेरे पास भिजवा दो. बट वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं था अभी मिसेस पम्फ्री क्या करेगी, तो मैंने खुद अपनी गाड़ी उठाई और मैं इनके घर पहुंच गया कि मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा. अब जैसे ही वो ट्रिकी के घर पहुंचते हैं भैया मेहमान नवाजी देखो ट्रिकी की, वो कहते हैं पूरे घर का स्टाफ 10-15 मतलब कितने ही स्टाफ होंगे, काफ़ी अमीर लोग हैं ये, कोई ट्रिकी के बेड ला रहा है उनकी गाड़ी में रखने के लिए, रात में सोने का बेड, दिन में सोने का डॉग बेड, और जो है साथ ही के साथ में बर्तन अलग अलग, दिन में सोने के वो, दिन में खाने के बर्तन, रात के खाने के बोल्स हो गए, उसके टॉयज हो गए अलग अलग, कह रहे सब मेरी गाड़ी में भर रहे थे, मेरी गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी, मैंने बिठाया ट्रिकी को मैं निकलने लग गया. इतने में क्या करती है मिसेस पम्फ्री कुछ कोट्स लेती है फेंक देती है उनकी गाड़ी के अंदर कि अरे मेरे बच्चे को अलग अलग कोट पहनाने जो डॉक्टर हैं. डॉक्टर कह रहे हैं मैं चला गया गाड़ी लेके, ये ज़्यादा जो है चीज़ें जितनी उनकी गाड़ी में भर पाई उन्होंने भर दी. देन जब वो गाड़ी लेके क्लिनिक तक जा रहे थे तो वो ट्रिकी को देखते हैं, वो कहते हैं उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वो उसको थोड़ा सा प्यार करते हैं तो वो अपनी टेल को बैक करता है और वो उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ अभी तुम्हारे में बिल्कुल भी जान नहीं है बट डोंट वरी मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा. फिर लेट्स सी कि अब बात यह है ट्रिकी कुछ ऐसा ऐसा दिखता था कि अब वो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं.
ट्रिकी का मेजर चीज़ हम ये देखेंगे, क्या उसका कोई ऑपरेशन करा गया, क्या उसका कोई सर्जरी करी गई, जैसा कि चैप्टर का नाम है, अब आप ये समझो। तो वो कहते हैं मैंने उसको कोई सर्जरी नहीं करी, कोई उसे दवाइयाँ नहीं खिलाई, जस्ट उन्होंने ट्रिकी को डाइट देना शुरू करा। पहले दो दिन हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ट्रिकी को वहाँ लेके जाते हैं, तो उनके क्लिनिक में ना बहुत सारे और डॉग्स भी थे, तो वो जैसे ही ट्रिकी को नीचे उतारते हैं गोद में से, तो बाकी सारे डॉग्स आके उसे स्निफ करते हैं, उसको सूंघते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके आप एक नया मेंबर आया था, ट्रिकी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो लोग भी ट्रिकी को छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ट्रिकी के लिए एक लूज कार्टून के बॉक्स, एक डब्बे से मैं उसका जो है बेड लगा दिया, कोई वो लैविश बेड उसके लिए लेकर नहीं है, कह रहे खाली गत्ते का डब्बे का मैंने उसका बेड बना दिया, जैसे बाकी सब का था, बाकी सब डॉग्स का था, और उसे वहाँ पर मैंने लेटा दिया। दो दिन तक उन्होंने ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, पानी पे पानी उसे पिलाते रहे जितना उसको जरूरत था। कहते दो दिन तक तो ट्रिकी इस हालत में भी नहीं था कि वो गौर करे कि मैं अपने घर से कहीं बाहर आ गया हूँ, समथिंग लाइक दैट, नहीं। कहते दो दिन, दूसरे दिन के आखिरी में उसने थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू करा कि अच्छा मैं कहीं नई जगह पर आया हूँ। थर्ड डे पे ट्रिकी थोड़ा एक्टिव होता है, और जब गार्डन में उसे बाकी डॉग्स की आवाज़ आती है, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, तो उसका भी मन करता है कि वो बाहर जाए, और वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो धीरे धीरे उसमें जान वापस आती है, वरना घर पे तो वो वॉमिटिंग कर रहा था, इतना लेजी हो गया था। देन थर्ड डे पे क्या होता है, हमारे ऑथर बताते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी गार्डन में के तरफ जाना चाह रहा होगा सबके साथ, तो उनके जो ग्रुप था बाकी डॉग्स का, उनमें से एक डॉग जो है ट्रिकी को पकड़ भी लेता है, उसको स्निफ करता है, फिर उसको अपने गैंग में एक्सेप्ट टाइप कर लेता है, और फिर ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तो आप समझो कि ट्रिकी के नए दोस्त बन गए थे वहां पे। वो डॉग का नाम क्या था जो ट्रिकी को पकड़ता है, बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बता रही हूँ। उसका नाम था जो, वो एक ग्रे हाउंड ब्रीड का था, ठीक है। अब ट्रिकी उनके गैंग का मेंबर टाइप बन गया था। वो कहते हैं ट्रिकी को मैंने पीछे पीछे जाते हुए देखा अपने बाकी डॉग्स के, ऐसा लग रहा था छोटा सा कोई सिल्क का फर का ऐसा टुकड़ा सा पीछे पीछे उनके चल के जा रहा हो, ठीक है। तो धीरे धीरे अब ट्रिकी में बदलाव आने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो कहते हैं शाम को वो गार्डन में घूम के आ गया, रात को अब ट्रिकी का डिनर का टाइम होता है, तो वो कहते हैं मैंने ट्रिकी को डिनर नहीं दिया। सेकेंड डे की बात है ये, तो उनका जो एक क्लिनिक में काम करने वाला था जिसका नाम था ट्रिस्टन, वो सारे डॉग्स के लिए बाउल लगाता है खाने के, बट वो ट्रिकी को कोई खाना नहीं देता है। बाकी सारे डॉग्स जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद ट्रिकी आता है और जो बाकी डॉग्स के जो बाउल में बचा हुआ खाना था उन्हीं को जो है थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो इमेजिन सिचुएशन, वो डॉग जिसको चीज़ केक, क्रीम केक, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या, बस उसको हाजिर डिमांड भी नहीं करता वो, तो उसे अपने आप हाजिर होती रहती है चीज़ें, उसको उन्होंने दो दिन खाना नहीं खिलाया, और वो बचा हुआ खाना खा रहा था बाकी डॉग्स का। क्यों? क्योंकि वो उसको ठीक करना चाह रहे थे। फिर थर्ड डे से उन्होंने कहा एक नया चमचमाता हुआ बोल हमने ट्रिकी के लिए रख दिया, अब ट्रिकी भी बाकी डॉग्स की तरह जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करता है, क्योंकि इनके डॉग्स के बीच में क्या होता है, सब अपना खाना जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इधर वाले ने अपना खाना ख़त्म कर लिया तो वो मेरा वाला खाने आ जाएगा। तो ट्रिकी फिर धीरे धीरे बहुत मिक्सअप हो जाता है उन बाकी डॉग्स के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब धीरे धीरे ट्रिकी बहुत मर्ज हो जाता है उनके ग्रुप में, घूमता है, चूहे पकड़ता है, भागता रहता है गार्डन में, उनके यहाँ पे एक हैन हाउस है, मुर्गियाँ झा रहती है, वहाँ जाके चूहा पकड़ता है, इधर उधर ट्रिकी के खेलना कूदना बहुत शुरू कर देते हैं उनके क्लिनिक में। वहाँ पे उधर जब ट्रिकी इतना अच्छे से जो है ठीक हो रहा होता है, वहाँ रोज़ मिसेस पम्फ्री के डेली बेसिस पे न्यूज़ लेने के लिए फ़ोन आते रहते थे, सर कैसा है मेरा ट्रिकी, ट्रिकी को कपड़े पहना दिए ना सर्दी वाले, आज गर्मी है गर्मी वाले पहना दिए, ट्रिकी का बेड टेढ़ा कर दिया, ट्रिकी के कुशन लगा दिए, ऐसी ऐसी बातें पूछती रहती थी। तो वो हमेशा मिसेस पम्फ्री को क्या रिप्लाई करते थे, ट्रिकी इज कॉन्वेल्जिंग, ये लाइन मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कॉन्वेल्जिंग मतलब क्या है, कॉन्वेल्जिंग मतलब बीमारी से सही होना। तो वो कहते हैं पता नहीं इस वर्ड ने मिसेस पम्फ्री पे क्या जादू करा, जब भी वो मुझसे पूछती थी हाउ इज ट्रिकी, तो मैं कहता था कॉन्वेल्जिंग, कॉन्वेल्जिंग मतलब रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। अब क्या होता है, वो मिसेस पम्फ्री के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताते, कहते हैं जिस देर ट्रिकी हमारे यहाँ रहा उतने देर मेरी पार्टी थी। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्री तब भी नहीं सुधरी थी, जब तक ट्रिकी वहाँ रहा ना क्लिनिक के अंदर, तब तक वो बहुत सारा खाना जेम्स हैरियट के क्लिनिक पे भिजवाती थी। कह रहे एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ एग्स आने शुरू हो जाते हैं बाय मिसेस पम्फ्री, कितने एग्स, 24 एग, दो दर्जन अंडे एक बारी में वो भिजवाया करती थी। तो वो कहते थे मैं ट्रिकी को तो नहीं खिलाता था, मेरे और मेरे ऑफिस के लोगों के, क्लिनिक के लोगों के मज़े, हम रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट शुरू करते थे दो अंडों के साथ में। फिर वो कहते हैं हम और हैरान हो गए जब ट्रिकी के लिए वाइन आनी शुरू हो गई, वाइन देखो जरा डॉग के लिए, तो वो कह रहे हैं हमने वो भी उसको नहीं पिलाई, वो भी हमने खुद पीनी शुरू कर दी, हमारा तो लंच खाना बिल्कुल मज़ेदार पार्टी हो गई थी रोज़ की, दोपहर में वाइन पी रहे हैं मज़े से, हम रोज़ आती थी, एक दिन नहीं रोज़ आती थी, ठीक है। फिर वो कहते हैं एंड तो तब हो गई
बट जब ट्रिकी के लिए एक महंगी वाली ब्रांडी भिजवाई है मिसेस पंफनी ने कि ब्लड एनरिच होगा इसका, तो वो कह रहे बस यहाँ तो हमारे मज़े हो गए, सुबह दो अंडे, दोपहर में वाइन, रात को ब्रांडी। कह रहे हमें तो ऐसा लग रहा था इसे यहीं रख लेते हैं भैया, हमारी मौज आ जानी है। बट वो कह रहे फिर जब 15 दिन बीत गए तो मुझे लगा नहीं, मिसेस पंफनी से बहुत याद कर रही होंगी, और ट्रिकी का ठीक होने लग गया था। तो वो जो है फ़ोन करते हैं, ये देख सकते हो आप। तो फिर जो है वो इस अंडों का, ब्रांडी का, वाइन का जो वो सारा था ना लालच, वो छोड़ते हैं और वो फ़ोन करते हैं मिसेस पंफनी को कि ट्रिकी ठीक हो गया, आप उसे लेने आ जाओ। वो कहते हैं कि कुछ टाइम ही बीता था बस मुझे फ़ोन नहीं रखे हुए कि भाई 30 फीट की लंबी चमचमाती गाड़ी आती है ब्लैक कलर की, उसका दरवाज़ा खुलता है, मिसेस पंफनी रिच लेडी बैठी थी, तो वो उन्हें कहते हैं अरे मैम आप बाहर मत निकलो, मैं लेकर आता हूँ आपके ट्रिकी को। फिर वो गार्डन में जाते हैं ट्रिकी को लेने, तो वो आप डिस्क्राइब करते हैं ट्रिकी को कि अब ट्रिकी कैसा था। तो दिस इज़ द वेरिएशन जो आपको याद रखना है कि पहले वाला ट्रिकी कैसा था और अब वाला ट्रिकी कैसा है, ठीक है। तो जब वो ट्रिकी को लेने जाते हैं, वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ट्रिकी को उन्होंने चेंज कर दिया। वो ट्रिकी बहुत सारे डॉग्स के बीच में घूम रहा था, सिल्की था वो, सुन के बहुत सॉफ्ट से उसके बाल थे, बहुत क्यूट सा था वो। अब वो कैसा हो चुका था, लिथ, लिथ मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बिल्कुल हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका था वो, कोई मोटापा नहीं था उसके अंदर, कोई ब्लोटेड सॉसेज वो नहीं था, इतना फिट हो चुका था ट्रिकी। और वो पूरे पैक के साथ, सारे डॉग्स के साथ इतना मिक्सअप हो चुका था और तेज़ दौड़ लगा रहा था, जो चल भी नहीं पा रहा था वो डॉग, ठीक है। फिर वो ट्रिकी को गोद में उठा के लेके आते हैं, और जैसे ट्रिकी के पास, ट्रिकी को मिसेस पंफनी के पास ले जाते हैं, तो वो भाग के अपनी मालकिन के पास आते हैं, उनको प्यार करता है, ऑब्वियसली डॉग अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। और फिर मिसेस पंफरी चली जाती है। अब जब मिसेस पंफरी चली जाती हैं, डॉक्टर जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं गाड़ी का, और जब वो जा रही होती है तो गाड़ी के शीशे में से वापस मुड़ के बोलती है, मिस्टर हैरियट दिस इज़ अ ट्रायम्फ फॉर सर्जरी, यानी कि थैंक यू आप, ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत हासिल कर लेना। तो वो कहती है थैंक यू, तुमने मेरे जो डॉग है उसको बिल्कुल बढ़िया कर दिया, तुमने ऑपरेशन करके बिल्कुल ठीक कर दिया। बट एक्चुअली में क्या है, क्या उन्होंने कोई ऑपरेशन करा, क्या उन्होंने कोई सर्जरी करी, नहीं, सिर्फ उसको पैम्पर करना बंद कर दिया, तो ट्रिकी ठीक हो गया। तो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। इस चैप्टर की सिर्फ एक ही सीख हमें मिलती है, मैसेज, या फिर आप इसकी थीम कहो, वो ये है कि प्यार करना सही है, बट ओवर पैम्पर करना भी, या फिर किसी भी चीज़ की अति हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, इस हानिकारक फॉर आर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो ये चैप्टर आ गया आपका एंड, ठीक है। मेन 3 करेक्टर समझ में आ चुके हैं। अब अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चेक करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक गिवन है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, SST के भी, साइंस के भी, हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है मेरी इंस्टाग्राम ID पे गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन सहानी, एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द थीव स्टोरी। तो एक चोर की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, और ये चोर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सा आदमी नहीं है, ये सिर्फ एक 15 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा है, बट बहुत ही शातिर चोर है, ठीक है। बट ये जो बच्चा है, आप देखोगे कि कैसे ये जो चोर है, इसकी लाइफ में एक चेंज आता है बिकॉज ऑफ अनदर बॉय जिसका नाम है अनिल, जो सिर्फ 25 साल का है। तो चलो पढ़ते हैं इनकी कहानी। 2 मेन करेक्टर है, एक है हमारा चोर, जो थ्रू आउट द चैप्टर, उसका असली नाम तो आपको पता चलने नहीं वाला है क्योंकि वो बहुत शातिर चोर है, असली नाम तो वो किसी को बताता नहीं, अपना नकली नाम हमें जरूर पता चलेगा। दूसरा करेक्टर है अनिल, जो एक 25 साल का लड़का है, जो एक राइटर है, ठीक है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड हार्टेड, एक बहुत भला इंसान है अनिल। तो चलो जानते हैं कि क्या है ये चोर की कहानी। तो जो चोर है हमें आज अपनी कहानी पूरी खुद बताने वाला है। तो जैसे चैप्टर शुरू होता है, तो मान लो ये हमारा चोर हो गया, ये अनिल हो गया, तो हमें पूरा वो बताता है कि वो कैसे अनिल को मिला। तो हमारा चोर हमें बताता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था जब मुझे जो है अनिल मिला था, ठीक है, मैं बहुत एक्सपीरियंस चोर था, बहुत चोरियां मैंने कर रखी थी, और अनिल मुझे मिलता है, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अब फिलहाल कोई चोरी नहीं करी थी। तो एक दिन मैं रेसलिंग मैच देख रहा होता हूँ, तो मुझे वहाँ पे दिखता है अनिल। अनिल कौन था, 25 ईयर्स का एक यंग मैन था, दिखने में काफ़ी ना काइंड लग रहा था, भला सा इंसान लग रहा था। तो हमारे चोर को लगता है कि अरे ये बड़ा सीधा सा है, इसको तो मैं अपनी बातों में फंसा के चोरी कर सकता हूँ। तो वो जाके अनिल से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। तो हमारा चोर अनिल के पास जाता है, और जैसे कि वो रेसलिंग मैच देख रहे थे, तो उसको जाके बोलता है अरे तुम तो बिल्कुल रेसलर दिखते हो, और हमें बताता है कि भाई थोड़ी सी ये बटरिंग ना, थोड़ी सी ऐसे फ्लैटरिंग करनी पड़ती है, सामने वाला खुश हो जाता है, चाहे कितना भी लोग बोले मक्खन लगा रहे हैं, जिसको मक्खन लगाया जाता है वो तो खुश हो ही जाता है। तो बेसिकली वो उसके पास जाता है, हमारा चोर अनिल के पास, और वो अनिल मैच देख रहा होता है, रेसलिंग मैच कुश्ती चल रही होती है, उसको जाके बोलता है अरे तुम तो बिल्कुल रेसलर लगते हो। तो अनिल भी बड़ा अच्छा है, वो कहता है अरे तुम भी तो लगते हो बिल्कुल, उसे जवाब देता है हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल उससे उसका नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ देखो
ख्वाब इसने जान पहचान बढ़ा लिया अपनी, अनिल नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताता है, हमारा चोर हरि सिंह, क्या कहता है, मेरा नाम हरि सिंह है और ये उसका नकली नाम था। वो ये भी बता देता है डैड ये मेरा असली नाम नहीं है, ये एक नकली नाम है जो मैंने बनाया है, मैं हर बार अपना नाम बदलता रहता हूँ जिससे कि मेरा पुराना वाला एम्प्लॉयर जिसके यहाँ मैंने पहले चोरी करी है वो मुझे पकड़ा ना जाए या फिर पुलिस वुलिस मेरे पीछे ना पड़े, तो मैं हर थोड़े समय बाद नाम बदलता रहता हूँ। तो वो अपना फेक नेम बताता है अनिल को, क्या नाम बताता है, हरि सिंह। तभी मैंने कहा कि पूरे एंटायर चैप्टर में उसका असली नाम हमें पता नहीं चलने वाला है, तो हमारे लिए वो चोर है हरि सिंह। तो वो कहता है फिर अनिल और मैं बातचीत करने लगते हैं, रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग मैच देखो जान पहचान बना ली ना, थोड़ी बहुत बटरिंग करके दोनों रेसलिंग मैच देखते हैं, बढ़िया तरीके से बातें करते रहे रेसलर्स के ऊपर। रेसलिंग मैच एंड होता है, अनिल अपने रास्ते जाने लगता है। तो फिर ये हरि सिंह क्या करता है, अनिल का पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है, इसके पीछे पीछे चल के जा रहा होता है वो अनिल के। तो फिर अनिल उसको पूछता है ओ हेलो अगेन, ऑब्वियसली तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है तो तुम दोबारा बात करोगे। तो ये डायरेक्टली अनिल को बोलता है हरि सिंह दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, ठीक है। तो अनिल कहता है बट आई कैन नॉट पे यू, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट कि मैं तुम्हें जॉब दूँ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे पे पैसे नहीं है। तो एक मिनट को हरि सिंह सोचता है भाई क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, ये तो गलत आदमी मैंने देख लिया, इसमें तो पैसे ही नहीं है। बट फिर उसे कहता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है अगर तुम कुक कर सकते हो, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो ये हरि सिंह कहता है मैंने अनिल को बोला हाँ हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है, बेसिकली झूठ बोला था ये भी उसने, उसे कुकिंग करनी आती नहीं थी। तो अनिल कहता है ठीक है तुम्हें खाना बनाना आता है तो चलो। वो दोनों अब अनिल के घर जाते हैं, यानी कि अनिल ने उसे अपने घर पे एज अ एम्प्लॉय कर लिया है उसको, मतलब कि उसको नौकरी दे दिया, उसको अपने घर ले जाता है अनिल, ठीक है। उसका घर कहाँ था अनिल का, अनिल का घर था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, याद रखना वन मार्कर है, एक कमरा था साथ में बैल्कनी थी। तो वो हरि सिंह को कहते तुम बैल्कनी में रह लेना, ये मेरा रूम हो गया, तुम खाना बना देना, ठीक है। तो उसको जॉब मिल गई हरि सिंह को। अब जब वो खाना बनाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला था खाना बनाना तो उसे आता नहीं है, अनिल खाना खाता है, खाना इतना बेकार बना था दैट उन्हें वो गली के डॉगीज को स्ट्रे डॉग्स को खिलाना पड़ता है। और फिर अनिल उसे देखता है और उसको जाने को कहता है कि भाई खाना बनाने के लिए तो तेरे को रखा था, तुम तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो वो जाने को कहता है। तो यहाँ हरि सिंह था तो 15 साल का बच्चा ही ना, और चालू भी बहुत था, ये तो ऐसे स्माइल करता है देख के अनिल को, तो अनिल का भी दिल पे गल जाता है, वो कहता है अरे छोड़ो क्या इस बच्चे को, अब मैं भगाऊंगा। उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, उसका ऐसे कंधे पे हाथ रखता है, उसे कहता है अरे कोई बात नहीं मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा मेरे भाई, और तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा, तुम्हें नंबर ऐड करना सिखा दूंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा तुम्हारे को, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप समझो एक अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने कहा अगर एक बच्चे की मदद करने से मेरी अगर उसकी मदद होती हो तो वो चाहे उसे कितने पर उसको क्या जरूरत है, निकाल देता नहीं, देखो वो एक अच्छा इंसान की डेफिनेशन है, कह रहा है चलो खाना बनाना भी सिखा दूंगा तुम्हें, पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। तो फिर इसी तरीके से अनिल और हरि सिंह साथ में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अनिल जो के घर में हरि सिंह रहता है, कहता है कि मैं उसके घर के लिए सब्जियां लेने जाता हूँ, सुबह उसको चाय बना के देता हूँ, कभी कभी जब सब्जी और घर का राशन लेने जाता हूँ तो एक आध रुपये मुझे बच जाते हैं वो मैं रख लेता हूँ हिसाब के, अनिल को पता है बट वो कभी मुझे कुछ कहता नहीं है। तो उनके लाइफ ऐसे चलने लगते हैं, ठीक है। हिसाब के एक दो रुपए हरि सिंह रख लेता है, अनिल कुछ नहीं कहता। अब अनिल के बारे में हरि सिंह हमें बताता है, अनिल एक राइटर है, वो कहता है बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, वो हमेशा वेट करता रहता है मेरा चेक आ जाए मेरा चेक आ जाए, और जब पैसे आते हैं तो क्या करता है सारे पैसे खर्च कर देता है, उड़ा देता है अपने दोस्तों पे। तो ये आपको पता चल चुका है अनिल एक राइटर है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, अनिल घर आता है और हरि सिंह को नोटों का एक बंडल दिखाता है, वो पैसे कमा के आया होता है। ये पैसे उसने कैसे कमाए होते हैं वो बताता है कि मैंने अपनी एक बुक बेची है पब्लिशर को, वहाँ से मुझे ये पैसे मिले हैं। और जिस मौके का हरि सिंह को इंतज़ार था आज वो मौका आ चुका था। उसको क्या था, उस घर पे खाना बनाने के लिए नहीं आया था वो अनिल के, वो आया इसलिए था कि जिस दिन अनिल पे पैसे होंगे मैं चोरी कर लूँगा, ठीक है। तो अब जिस दिन चोरी करनी होती है हरि सिंह को, वो कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता है बैठ के कि चलो आज इस पे पैसे आ गया चोरी करूँगा। तो वो कहता है कि अब मेरे को टाइम आ गया चोरी कर लेनी चाहिए, इतने समय से मैंने चोरी तो करी नहीं इसके घर में, मेरे पास मौके थे बहुत सारे बट मैंने कभी चोरी नहीं करी, अनिल मेरे पे बहुत भरोसा करता है, उसने मुझे घर की चाबी भी दे रखी है, मैं पहले भी कर सकता था चोरी तब नहीं करी मैंने। तो वो कहीं ना कहीं खुद को समझा रहा होता है भाई आज तुझे चोरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहता है अनिल जो मेरे पे इतना भरोसा करता है ना, इतना ट्रस्टिंग पर्सन है वो, इसलिए थोड़ा बहुत उसको लग रहा होता है कि यार चोरी करनी पड़ेगी, वरना वो बताता है कि मैं तो बड़ा ना पक्का वाला चोर हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है चोरी करने में। और कहीं ना कहीं वो बताता है हमारे को चोरों की कहानी, वो कहता है जब कभी किसी लालची आदमी के घर पर चोरी होती है ना तो वो बड़ा गुस्सा आता है उसको, तो मुझे बड़ा मजा आता है, कभी किसी केयरलेस आदमी जिसको पता ही नहीं होता ना अगर मैं उसके यहाँ चोरी कर लूँ तो मुझे मजा नहीं
नहीं आता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चलता चोरी हो गई है। बट अनिल के यहाँ चोरी करने में उसे क्या लग रहा था कि यार अनिल का भरोसा टूट जाएगा। बट दैट्स ऑल, वो खुद को समझाता है, कहते नहीं अब तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, और अपने माइंड में प्लान बना लेता है कि आज रात को जब अनिल सो जाएगा तो मैं पैसे चुरा लूंगा और 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस है उसमें बैठ के मैं भाग जाऊंगा। तो ऐसा ही होता है, रात हो जाती है जब अनिल सो जाता है, उसके बाद हरी सिंह जाता है। अनिल ने क्या करा था, सोने से पहले अपने तकिए के नीचे जो है मैट्रेस के नीचे बेसिकली सारे पैसे छुपा दिए थे। तो वो जाता है, रात हो जाती है, तो हरी सिंह जाता है क्रॉल करके अनिल के पास में और उसके मैट्रेस के नीचे हाथ रखता है सो दैट वो नोटों का बंडल निकाल पाए। वो कहता है जिस समय रात में अनिल के फेस पे चांद की रोशनी आ रही थी तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हो रहा था चोरी करते हुए। कहता है अनिल का फेस बहुत काइंड लग रहा था, तो वो 25 साल का है बट बिल्कुल ऐसा क्लियर फेस था उसका, कोई निशान नहीं थे उसके फेस पे, मेरे फेस पे उससे ज़्यादा होंगे, मेरे फेस पे तो बहुत स्कार्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो चोर है पक्का है ना, उसके फेस पे चोटों के भी निशान लगे हुए। बट अनिल बिल्कुल एक काइंड सोल की तरह सो रहा था। वो कहता है बट मैंने अपने आप को मनाया और मैंने पैसे लिए और मैं घर से भागा, ठीक है। तो उसने सारे पैसे लिए हरी सिंह ने और वो भागने लगा। जब वो भाग रहा था रास्ते में उसने पैसे निकाल के काउंट करे, वो कितने थे, 600 रुपये थे सारे 50-50 के नोट, और बड़ा खुश कह रहा है इसमें तो मैं अरब की तरह रह लूँगा, जैसे अरब के रहते हैं ना ऑयल रिच कंट्रीज़ में, वैसे रह लूँगा मैं। क्योंकि पुराने ज़माने की बात है तब, मतलब आप समझ लो अब भी है 600 की वैल्यू और तब बहुत ही ज़्यादा थी 600 रुपये की वैल्यू। तो वो कहता है मैं पहुँचा लखनऊ सवा वाले इस ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पे और सीधा मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया क्योंकि मैं कोई टिकट विकेट खरीदता नहीं हूँ, मेरी टिकट खरीदने की आदत नहीं है। अब वो कहते हैं मेरे सामने ट्रेन थी लखनऊ एक्सप्रेस, वो धीरे धीरे चल के जा रही थी, मैं चाहता वो स्पीड नहीं पकड़ी थी उसने, मैं चाहता तो ट्रेन में चढ़ जाता बट पता नहीं क्या किस ताकत ने किस शक्ति ने मुझे रोका, आई डोंट नो व्हाट थिंग स्टॉप्ड मी, और मैं ट्रेन में बैठने की जगह वहीं स्टेशन पे क्या हुआ ये खड़ा रहा हमारा अनिल सिंह। ट्रेन निकल गई, हरी सिंह सॉरी, जब ट्रेन चली जाती है तो वो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँ, पूरे पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला एक 15 साल का बच्चा कह रहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी दोस्त के घर जाऊँ, तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्त बनाता ही नहीं, मुझे लगता है दोस्त होना मुसीबत का काम है। और फिर मैंने सोचा अगर मैं किसी पास के छोटे मोटे होटल में रुकूंगा स्टेशन के पास के तो भी मेरे पे शक जाएगा क्योंकि 15 साल का बच्चा अकेला क्या कर रहा है। तो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है मैं क्या करूँ, कहते हैं मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ पूरी दुनिया में, अनिल है वो जिसके घर में चोरी करके आया हूँ, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो ना चल के कहता चलो भाई अब यहाँ प्लेटफॉर्म पर थोड़ी रहूँगा, बाजार की तरफ चल के जा रहा होता है बिकॉज अभी वो बहुत कन्फ्यूज है वो क्या करे। तो इमेजिन करते हैं, कहता है जब भी हम मेरे थीफ के करियर में मैंने देखा है जब भी किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी होती है वो बहुत गुस्सा होता है, कभी किसी गरीब के यहाँ चोरी होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को कि चलो ठीक है चोरी हो गई है, बट जब अनिल को पता चलेगा चोरी हुई है तो अनिल सिर्फ परेशान होगा, सिर्फ दुखी होगा, और दुखी इसलिए नहीं होगा कि उसके पैसे चुरे हैं, दुखी इसलिए होगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात करा है, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं बाजार से चल के गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया मैदान की। अब वैसी बेंच पे बैठ के भी वो यही सब बातें सोच रहा होता है तो बारिश हो जाती है। इमेजिन करो अब कहाँ उसको देखो एक घर मिला हुआ था, अब पैसे चोरी करके घर तक छिन गया उसके पास से और प्रॉब्लम में वो फंस चुका है। बारिश हो जाती है, बेंच पे बैठा है तो बारिश से बचने के लिए कह रहा मैं वापस बाजार में गया, क्लॉक टावर था घंटाघर जो होता है उसके नीचे मैं बैठ गया उसके शेड में, वहाँ बैठ के उसने वो नोट के नोट थे ना वो गीले हो गए थे बारिश से, बहुत ठंड था नवंबर का महीना था, कह रहा मैंने नोटों को छुआ और फिर मेरे को याद आया कि अरे वाह अगर मैंने ये चोरी नहीं करे होते तो कल अनिल आता मुझे कुछ पैसे दे देता, मुझे कहता पिक्चर देखाऊं मैं और जो है मुझे पढ़ना लिखना सिखाता अनिल। अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलती करी, वो सोचता है अगर ये मैंने पैसे नहीं चुराए हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा और अगर मैं पढ़ लिया, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो ये 600 रुपये तो क्या, मैं तो पता नहीं कितनी ही कमाई कर सकता हूँ। तो यहाँ हरी सिंह चेंज हो गया, उसे समझ में आ गया कि अनिल जो उसे प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन वो इस 600 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिल जो इतना छोटे भाई की तरह उसे प्यार कर रहा है वो इस 600 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही रीज़न था जो गाइस वो ट्रेन में नहीं चढ़ा था। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को मनाता है कि नहीं अब मैं वापस जाऊँगा, और उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा होता है, वो कहता है चोरी करना बहुत आसान है बिन अब वापस करना अपने उस एक्ट को वो ज़्यादा मुश्किल है कि भाई अनडिटेक्टेड रहूँ मैं। बट वो जो भी करता है वो वापस जाता है भाग के घर पे जाता है, अनिल अभी भी सो रहा था, नोट गीले तो हो चुके थे बट वो तकिए के नीचे वापस से सारे नोट को रख देता है और जाके सो जाता है। अब सुबह होती है और जो है उसकी नींद नहीं खुलती है सुबह, तो अनिल उठा हुआ होता है, वो बाहर जाता है तो अनिल उसके लिए चाय बना के लाता है और हरी सिंह कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है। अब चाय देने के बाद अनिल 50 रुपये का नोट अपनी फिंगर्स के बीच में लेकर आता है और ऐसे हरी सिंह को देता है, हरी सिंह को डर लग जाता है, उसे लगता है अनिल को भाई सब पता चल गया। बट जो है अनिल क्या कहता है कि अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, अब से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दिया करूँगा। तो हरी सिंह वो पैसे लेता है, वो कहता है मैंने पैसे लिए, तो वो पैसे नोट वो अभी भी गीला था और वो कहता है
कि वो समझ चुका था अनिल कि कल रात को क्या हुआ होगा, बट उसकी आंखें मुझे कुछ ऐसा फील नहीं कराती, उसने मुझे कुछ फील नहीं कराया। इनफैक्ट वो मुझे क्या कहता है पैसे देने के बाद, चलो आज से मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। और फिर हमारा हरी सिंह हंसता है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली अनिल को पता चल चुका था कि हरी सिंह ने चोरी करी है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक काइंड सोल है, तो वो तब भी कुछ नहीं कहता, वो समझ जाता है कि हरी सिंह अगर वापस आया तो वो पढ़ने के लिए आया है, तो उसे पैसे दे के कहता है कि चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड होता है। यहाँ हमने पढ़ी कि कैसे एक चोर ने एजुकेशन की वैल्यू को समझा और वो चेंज हो गया। तो ये चैप्टर एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, और बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाके आप चैनल को चेक कर सकते हो। बाय बाय। Welcome to my channel. I am Sibrit Sahani. To all the class 10 students, today I'll teach you class 10 English chapter 3, Midnight Visitor. तो ये चैप्टर नहीं है, एक शॉर्ट मूवी है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई छोटी सी पिक्चर देख ली हो तुमने, सस्पेंस थ्रिल बहुत कुछ है इसमें। होने क्या वाला है, यहाँ हम सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली तीन करेक्टर है इस चैप्टर के हमारे, तो चलो। और इस चैप्टर में एक बहुत अहम हिस्सा निभाती है एक बैल्कनी, बैल्कनी होती है ना जो छज्जा होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो चलो जानते हैं इस चैप्टर के करेक्टर्स को। तो मेन करेक्टर तीन है, एक है पॉसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, दूसरा करेक्टर है मैक्स जो एक सीक्रेट एजेंट है, तीसरा करेक्टर है फाउलर, बड़े अलग अलग से नाम है भाई इनके, वो एक राइटर है। तो जो ये ऑसिबल है ये भी सीक्रेट एजेंट है, ये काफ़ी मोटे से हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें देखोगे तो आप कह नहीं सकते हो कि सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक सोच बनी हुई है कि सीक्रेट एजेंट होगा वो ब्लैक कलर के सूट पहन के, टॉम क्रूज टाइप के, पतले से बिल्कुल स्मार्ट से, ठीक है। ऐसे मोटे से सीक्रेट एजेंट हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा जो मैक्स है वो है इस टाइप का, और जो फाउलर है जो एक राइटर है वो एक्चुअली में क्या है, वो ऑसिबल के साथ, ये जो मोटा वाला हमारे बोलना आप समझो कि जो ऐसे क्यूट से हमारे जो ये सीक्रेट एजेंट है उनके साथ में क्यों है, क्योंकि ये एक राइटर है तो इसको ना एक इंस्पिरेशन चाहिए कि वो एक तड़कती भड़कती कहानी लिखे। तो ये ऑसिबल के साथ घूम रहा है कि ये तो सीक्रेट एजेंट है, इसे तो इतने एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, तो इनके एक्सपीरियंस से मैं अपनी एक नॉवल लिखूंगा, मैं कुछ लिखना हूँ, ठीक है। तो तीन एजेंट है, दो एजेंट है ऑसिबल, दूसरा वाला है मैक्स, तीसरा है एक अपना राइटर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें यही बताया जाता है जो ऑसिबल है वो कोई भी हमारे जो सोच है एक सीक्रेट एजेंट की उसको फिट नहीं करता है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसे क्यों इनको सीक्रेट एजेंट बना दिया, ये तो फिट भी नहीं है। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि सीक्रेट एजेंट इन्हें आखिर में क्यों बना रखा है, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, ये दोनों जा रहे होते हैं एक फ्रेंच होटल में, इनके रूम होता है फ्रेंच होटल, बड़ा पुराना सा बेकार सा, ठीक है, बड़ी स्मेल सी आ रही है इसके कॉरिडोर में सीलन वीलन की। दोनों चल के जा रहे होते हैं, ऑसिबल आगे होता है, फाउलर पीछे पीछे होता है। पीछे इसलिए है क्योंकि वो उनसे इंस्पिरेशन लेने आया है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस पे अपनी कुछ बुक टाइप लिखने आया है, तो इसलिए वो उनको फॉलो कर रहा था। कहाँ जा रहे थे, ये फ्रेंच होटल था, छठी मंजिल पे एक छोटा सा कमरा था जो ऑसिबल ने बुक करा रखा था। तो एक बार ऑसिबल के बारे में जान लेते हैं, उनकी अपीयरेंस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो एजेंट ऑसिबल काफ़ी फैट थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, गोलमोलू से थे वो। उनकी जो बोलनी थी उनको फ्रेंच और जर्मन बोलनी आती थी, पैसिबली आती थी, यानी कि थोड़ी बहुत आती थी, बहुत अच्छे से फ्रेंच और जर्मन बोलने नहीं आती थी। और अभी वो एक फ्रेंच होटल में ही थे, ठीक है, तो वो फ्रांस आ रखे होंगे अपने कोई स्पाई वाई काम करने के लिए, तो उनको फ्रेंच और जर्मन अच्छे से नहीं आती थी। और इनफैक्ट जब वो बोलते थे तो उनकी ना अमेरिकन टच था उनकी बोली में, क्योंकि वो बॉस्टन रहे थे तो बॉस्टन से उनकी बोली में अमेरिकन टच आ चुका था ऑसिबल की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब ऑसिबल जो है काफ़ी समझदार थी, तो वो फाउलर को बोलते हैं, अरे फाउलर तू तो बड़ा परेशान होगा, तुम तो मेरे साथ आए थे कि तुम्हें लगा था कि तुम्हें बड़ी अच्छी खासी इंस्पिरेशन मिलेगी, बढ़िया सी जगहों पे तुम घूम रहे होगे, कुछ डेंजरस सा हो रहा होगा, यहाँ पे गोली चल रही है, बंदूक चल रही है, इधर कोई मीटिंग चल रही है, तुम तो ऐसा कुछ सोच के मेरे पास आए थे, बट मैंने तो तुम्हारी सारी शाम खराब कर दी। तुम बेचारे क्या ये बोरिंग से फ्रेंच होटल में, पुराना सा जो है होटल है ये, मैं तुम्हें म्यूजिक हॉल में बिठा रखा था इतनी देर से, कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, तुम काफ़ी परेशान हो गए। उसको ये बोलते हैं, कहते तुमने तो सोचा होगा कि यहाँ ड्रग्स होंगी, यहाँ वाइन होगी, यहाँ गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ कोई मैसेज
लेके सुंदर सी काली आंखों वाली लड़की आ रही है, मुझे वो दिखाते ना पिक्चरों में वो आके सीक्रेट कोड दे के जाते, तुम तो ये सब सोच रहे थे, और अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मैंने तो बस एक फ़ोन कॉल करी है अपॉइंटमेंट के लिए। बट चलो कोई बात नहीं, रास्ते में जाते जाते ये बात कर रहे थे, इतने में वो अपने कमरे तक पहुँच जाते हैं, कह रहे कोई बात नहीं आज तुम्हें कुछ तो एक्साइटिंग मिल जाएगा, क्योंकि आज जो है एक ऐसी रिपोर्ट मेरे हाथ लगने वाली है जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदलने वाली है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है इस रिपोर्ट के लिए, तो डोंट वरी कुछ तो एक्साइटिंग तुम्हें आज मिल ही जाएगा। इतने में वो अपने रूम पे पहुंच जाते हैं और रूम की लाइट खोलते हैं। अब जैसे ही वो रूम की लाइट खोलते हैं तो ऑथेंटिक थ्रिल, ऐसा थ्रिल, थ्रिल मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं आपके, एडवेंचरस, तो उसी के लिए तो आया था फाउलर इंस्पिरेशन लेने के लिए, एक ऑथेंटिक थ्रिल हमारे फाउलर को मिलती है। जैसे ही लाइट खोलते हैं ऑजिबल, ठीक है स्पाई हमारे ऑजिबल, तो वो देखते हैं कि उनके रूम में एक आदमी होता है गन पॉइंट पे ऐसे सामने। वो कौन था? दूसरा वाला एजेंट जिसका नाम था मैक्स, वो कोई और एजेंट था, और वो गन पॉइंट पे ऐसे सामने होता है। फाउलर डर गया, भाई ठीक है थोड़ा बहुत डेंजर चाहिए था, ये थोड़ी कोई मुझे ही बंदूक मारने गोली मारने आ जाए। तो सामने मैक्स होता है। अब यहाँ पे आप देखो फाउलर तो डर जाता है एकदम से कि भाई कोई मुझे गोली मारने आ गया, ऑसिबल बहुत लाइट जैसे कुछ है ही नहीं, सामने किसी ने गोली टान दिया तुम्हें, मैक्स तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, उसको बोलते हैं मैक्स तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो उसको जानते थे, वो था मैक्स। मैक्स कैसा था दिखने में? लंबा सा था, ठीक है, वो पतला था, ऐसा नहीं था मोटा सा इनकी तरह ऑजिबल जी की तरह, और वो थोड़ा ना फॉक्स टाइप के फीचर थे उसके, जैसे वो सुनियो नहीं है डोरेमोन वाला, लोमड़ी जैसा लगता है। तो जो मैक्स है उसके फीचर ऐसे थे, ऐसे वो गन पॉइंट पे रखता है, ऑजिबल जी कोई नहीं घबराते हैं उसे, और उसे कहते तुम यहाँ, मुझे तो लग रहा था तुम बर्लिन में हो, बर्लिन का है जर्मनी में है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आज आया हूँ सो दैट मेरे को वो जो रिपोर्ट है ना तुम्हारी जो आज आने वाली है वो मैं लेके जाऊँगा। तो बेसिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दो सीक्रेट एजेंट उसके पीछे हैं, ऑजिबल को वो मिलने वाली थी, तो ये जो मैक्स है ये किसी और तरफ का स्पाई होगा, ये वो रिपोर्ट लेने आ चुका है, और ये कह रहा है कि या तो मुझे रिपोर्ट दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पे आप सोचो कि ऑजिबल को डर जाना चाहिए था ना कि भाई ये मेरे से रिपोर्ट छीन के ले जाएगा हमें मार देगा, ऑजिबल जी कोई नहीं डरते हैं। जब मैक्स कहता है कि मैं रिपोर्ट कर लेने आया हूँ, वो कहता है मैं वो जो मिसाइल वाली रिपोर्ट है हमें बता भी दिया, कोई हो सकता है न्यूक्लियर वेपन मिसाइल किसके ऊपर कोई रिपोर्ट आने वाली थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते ऑजिबल। इनफैक्ट क्या करते हैं, कमरे के अंदर एक आम चेयर पड़ी थी, कुर्सी पड़ी थी, उस पर जाके बैठते हैं और कहते हैं अब मैं ना इन होटल वालों को नहीं छोड़ने का, हद ही कर दी भैया इन्होंने तो, 2 महीने पहले इन्हें बोला था कि बैलकनी का रास्ता बंद कर दो, 2 महीने पहले भी मेरे कमरे में कोई बैलकनी से आ गया था, आज फिर तुम आ गए हो, ठीक है। अब वो जो मैक्स है वो कहते हैं बैल्कनी, नहीं नहीं मैं बैल्कनी से नहीं आया, मैं तो पास की से आया हूँ। पास की क्या होती है? वो हर कमरे की चाबी जिस ताला जिससे खुल जाते हैं ना जो होटल में होती है स्टाफ के पास में, वो वाली पास की से मैं तो आया हूँ। अरे मुझे पता होता तुम्हारे कमरे में बैल्कनी है तो मैं तो बैल्कनी से आ जाता, मुझे इतनी दिक्कत हुई पास की ढूंढने में। तो ऑसिबल वहीं चेयर पे बैठे बैठे बोलते हैं अरे नहीं वो देखो वो जो सामने वाली विंडो है ना वहाँ से बैल्कनी है। फाउलर भी देखता है कौन सी विंडो है, वो कमरे के अंदर एक विंडो थी, बहुत सिंपल विंडो लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था उस विंडो को देख के कि उसके पीछे कोई बैल्कनी होगी, सिंपल सी विंडो थी। बट ऑसिबल कहते हैं कि ये देखो वो सामने वाली विंडो है ना मेरी बैल्कनी है, उसमें मेरे से जो बराबर वाला कमरा है उसकी बैल्कनी मेरे इस रूम के बाहर तक एक्सटेंड हुई है, ये पहले ना पूरा एक अपार्टमेंट हुआ करता था। अब ऑसिबल जी को देखो कहाँ वो बंदूक तान के एक बंदा बैठा है, इन्हें क्या है ये पूरा रूम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं मैक्स को, वो कहते हैं ये पूरा ना एक अपार्टमेंट हुआ करता था, एक एक कमरे थे ये सारे, ये उधर वाले स्वीट की और मेरी बैल्कनी इकट्ठी जोड़ रखी है, उधर से तो दरवाजा है जाने का, मेरी विंडो से अगर कूदोगे तो वहाँ वाली बैल्कनी पूरी ऐसे आपस में जुड़ी हुई है, उसको समझाते हैं। तो वही मैक्स कहता है अरे पहले ही आ जाता मैं बैल्कनी से, मुझे पता होता तो, आई विश मुझे पता होता तो मैं बैल्कनी से आ जाता, ठीक है। तो वो पूरा उसको बोलते हैं और कहते हैं अब तो मैं होटल वालों को बोलूँगा, मैंने इतने समय पहले उन्हें बोला था कि मेरी बैल्कनी को बंद कर दो, पहले भी कोई आ गया था मेरे यहाँ पे। बस अब इतने में क्या होता है, जो मैक्स है अच्छा क्या कहता है फाउलर को, अरे ऐसे गन पॉइंट पे, अरे तुम बैठ जाओ ना अभी आधा घंटा है रिपोर्ट के आने में, तुम आराम से बैठ जाओ। तो ऑसिबल कहते हैं नो 31 मिनट्स हैं, अभी 31 मिनट्स लगेंगे रिपोर्ट को आने में। और मैक्स को कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी कंपनी को, तुम लोगों को कैसे पता चलता कि ये वाली रिपोर्ट आने वाली है। तो मैक्स कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के हाथ कैसे लग गई ये वाली रिपोर्ट। तो दोनों स्पाई आपस में बात कर रहे हैं एंड इतने में ही क्या होता है मैक्स डर जाता है। मैक्स कौन है? दूसरा वाला स्पाई, लोमड़ी वाला स्पाई, सुनियो जैसा वाला स्पाई जो गन पॉइंट पे रखा हुआ है उसने उन दोनों को, ठीक है। तो
तो वो डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे नॉक नॉक सुनाई देती है दरवाजे पे। वो डर जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो पूछता है ऑसिबल से, तो ऑसिबल बताते हैं कि पुलिस आई है। मैंने पहले से ही पुलिस को बुला रखा था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की और सेफ्टी की ज़रूरत है, तो मैंने पुलिस को बुला रखा है। तो मैक्स पूछता है कि अब क्या करोगे तुम? तो ऑसिबल कहते हैं, अगर मैं क्या करूँ, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अगर तुम नहीं जाओगे या फिर अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो अपने आप अंदर आ जाएंगे। इतने में मैक्स सोचता है, भाई मैं क्या करूँ, बाहर तो पुलिस है। तो मैक्स क्या करता है, मैक्स को याद आया यहाँ खिड़की है, तो मैक्स क्या करता है, उसको बोलता है ऑसिबल को कि मैं जा रहा हूँ बाहर बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ, तुम पुलिस को भगाओ यहाँ से और मैं तुम्हें वहाँ से भी गन पॉइंट पर ही रखूँगा। तो ये वाली फ़ोटो को अब आप देखो, ये रही वो खिड़की, वो खिड़की के सिल पे, जो खिड़की के ऐसे ये बनी होती है ना, वो पूरे ऐसे सीमेंटेड वॉल्स ही होती है, उस पर पैर रखता है और उसको गन पॉइंट पे है। अब भी वो दोनों ऑसिबल आराम से चेयर पे बैठे, बंदूक तानी है सामने वाले ने, आराम से चेयर पे बैठे हैं और फाउलर बेचारा डर के खड़ा है, भाई क्या यार, बुक तो तब लिखूंगा ना जब जिंदा बचूंगा। वो बाहर ऐसे पैर रखता है, कहते हैं तुम उन्हें भगाओ पुलिस वालों को, मैं आ रहा हूँ दो मिनट में, बालकनी में वेट कर रहा हूँ। तो वो एक पैर पहले बाहर रखता है, दूसरा पैर बाहर रखता है और वो बाहर चला जाता है। इतने में दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है। किसकी एंट्री? पुलिस की? नहीं गाइस, पुलिस नहीं आती, इनफैक्ट वेटर आता है उस होटल का और क्या लेकर आता है, एक वाइन की बॉटल लेकर आता है, दो ग्लास लेकर आता है। और फाउलर डर जाता है, अरे पुलिस 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 कहाँ गई, सर सर पुलिस कहाँ गई, अभी हम आके मार देगा। तो जो है ऑसिबल बताते हैं कि नहीं नहीं पुलिस थोड़ी आ रही थी, ये तो हेनरी को मैंने बुलाया था थोड़ी देर पहले, फ़ोन करा था ना एक वाइन के लिए, बस हेनरी है। तो वो कहते हैं, अरे सर वो आ जाएगा बैल्कनी से, वो हमें मार देगा। तो वो कहते हैं, देयर इज़ नो बैल्कनी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट ये सारी ऑसिबल जिनको हम सोच रहे हैं कि ये मोटे से एक स्पाई हैं क्या ही कर पाएंगे, इन्होंने सिंपली काम तमाम कर दिया मैक्स का। जब इनफैक्ट मैक्स जो है खिड़की से बाहर गया भी था ना, मैंने आपको बताया नहीं, बुक में लिखा है, एक चिल्लाने की भी आवाज़ आई थी श्रीली सी। तो क्या हुआ था, मैक्स नीचे गिर चुका था और मर गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि छठी मंजिल थी वो, कोई भी बालकनी थी ही नहीं। उन्होंने ये सारा षड्यंत्र ही क्यों बनाया कि मैक्स को लगने लगे बाहर बालकनी है और वो वहाँ से बाहर कूद जाए। उनको वहाँ चेयर पे बैठते हुए सारा पता था कि थोड़ी देर बाद वेटर आएगा, तो मैं वेटर को ऐसे प्रिटेंड करूँगा कि पुलिस आई है। और यहाँ फाउलर बड़ा दंग रह जाता है कि कहाँ उसको बोला कि पुलिस आ रही है, कहाँ वेटर आ गया, और वो उन्हें कहता है कि भाई बालकनी वाला वापस आ जाए, तो वो कहते हैं कि बालकनी तो है ही नहीं। और यहाँ पे जो हमारे ऑसिबल जी हैं वो बीट कर देते हैं मैक्स को और हमारे सोच को भी, जो हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये जो है सीक्रेट एजेंट नहीं हो सकते हैं। तो अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से देखो, आप समझ चुके हो कि वो एक अमेजिंग स्पाई हैं, अमेजिंग सीक्रेट एजेंट है। तो आप तो चलो बहुत बढ़िया कहानी मिली गई है हमारे फाउलर को। तो विद दिस ये एंड होता है आपका चैप्टर, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ क्लास 10 इंग्लिश के, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। Hi everyone, welcome to my channel. I am Simrit Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक चोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही भयंकर, मतलब आप बहुत सारे पैसों की चोरी होने वाली है इस चैप्टर में। कौन करने वाला है? हॉरेस डैनबाय नाम का एक आदमी। ये 50 साल का एक बूढ़ा अनमैरिड आदमी है जो घर में अकेला रहता है, बस इसकी मेड हाउसकीपर साथ में रहती है। और बेसिकली तो ये ना, इसका एक बिजनेस भी है अपना, ताले बनाने का, ताले वाला इसका काम है, अच्छा खासा बिजनेस है इसका। दो हेल्पर्स भी है इसके पास अपने बिजनेस में। लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा इंसान है, सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी गुड ऑनेस्ट सिटीजन ये है, ठीक है। और इसको एक ही प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, वैसे बड़ा खुश रहता है। इसको ना हे फीवर है। हे फीवर क्या होता है, जैसे आपने लोगों, कुछ लोगों को देखा होगा कि फूलों से या हवा चलती है और पॉलन ग्रेन्स जब घूमते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, तो वैसे इसकी लाइफ सेट है, बस इसको हे फीवर है, ठीक है। अब दुनिया को तो ये बहुत ऑनेस्ट लगता है, बट एक्चुअली में ये एक कम्प्लीटली ऑनेस्ट इंसान नहीं है। 15 साल पहले ये जेल गया था, वहाँ पे इसने जेल की लाइब्रेरी में काम करा था, और अब भी हर साल ये एक चोरी करता है। ऐसी वैसी चोरी नहीं, काफ़ी महंगी सी चोरी करता है, हर साल एक चोरी करता है, एक सेफ लूटता है ये। यहाँ पे सारे नोट्स बने हुए हैं, कोई नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हर साल हॉरेस डैनबाय एक सेफ लूटता है। सेफ लूटने का रीज़न क्या है कि 12 महीने का खर्चा आराम से चल जाए, और दूसरा
दूसरा रीज़न तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बुक लवर है और ऐसी वैसी बुक्स नहीं, जो रेयर बहुत एक्सपेंसिव बुक्स ऑक्शन होती हैं उनको ख़रीदने का शौकीन है ये, तो ये चोरी करता है, लूटता है सेफों को, तिजोरियों को, और उन चोरी के पैसों से 12 महीने का खर्चा चलाता है और महंगी महंगी किताबें खरीदता है। ठीक है, तो अब फिर इसने चोरी करनी थी। अब जुलाई का मौसम था, जुलाई का महीना था और बहुत धूप निकली हुई थी, सनशाइन बिल्कुल बेहतरीन सा अच्छा सा दिन था। ये चल के जा रहा होता है, कहाँ जा रहा होता है, शॉर्ट ओवर ग्रांज की तरफ। ग्रांज होते हैं बड़े बड़े महलों जैसे घर, जैसे आपने कोई ऐसी ब्रिटिश मूवीज देखी होंगी वहाँ आपको दिखाई दी होंगी, बड़े बड़े घर होते हैं, ऐसा लगेगा मतलब कि पूरा मोहल्ला बिठा दो उनके अंदर, इतने बड़े बड़े घर, उन्हें ग्रांज कहते हैं। तो एक ग्रांज में ये जा रहा होता है, लास्ट 2 हफ्ते से ये इस ग्रांज को स्टडी कर रहा था। ग्रांज का नाम है शॉर्ट ओवर ग्रांज, इसके कमरे कहाँ है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ पे हो रखी है, पाथ रास्ते क्या है, गार्डन क्या है, सब कुछ इसने बेहतरीन वे में पढ़ लिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही ना चालू चोर है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे वो धूम धूम में दिखाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सोच सोच के चोरी करना, बिल्कुल वैसे वाली चोरी ये करता है। ठीक है, अब इसने स्टडी कर रखा था पूरे घर को, इसे पता था कि आज दोपहर में जिस दिन ये चोरी करने गया है कि इस ग्रांच के जो लोग हैं वो तो एक महीने से लंदन घूमने गए हुए हैं, इस ग्रांच के दो जो नौकर थे जो वहाँ रह रहे थे देखभाल के लिए, आज दोपहर में उन्होंने जाना था कहीं पिक्चर देखने, तो इसको पता था आज चोरी करने का मौका सही है। तो ये पहले ही बाहर आके खड़ा हो जाता है और ये देखता है कि दोनों जो हेल्पर्स थे, जो नौकर थे घर के, वो घर से बाहर निकलते हैं और घर की चाबी जो होती है वो किचन के डोर पे एक हुक के ऊपर टांग के चले जाते हैं। ये अपने काम पे शुरू हो जाता है, इसने पहने ग्लव्स हॉरिस ने और जो है वो चाबी निकाली, तो ये काफ़ी था पक्का खिलाड़ी है, ये पहले ही ग्लव्स पहन लेता है, कभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट जो है नहीं लीव करता है। देन ही ओपन द डोर एंड वो किचन में जाता है। जैसे ही वो किचन में जाता है गाइस, तो वहाँ किचन के अंदर ना, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, जैसे ही वो किचन के अंदर एंटर करता है, किचन में था एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी। ठीक है, अब डॉगी उसको देखते ही बाहर आते हैं और थोड़ा सा ना अपनी टेल को वैक करते हैं और वो फ्रेंडली वे में करता है। अब आप सोचो भैया कि डॉग अजनबी को देख के ना भड़क जाते हैं थोड़ा सा, अगर वो देखेंगे कि अरे हमारे घर में कौन आ गया, बट दिस डॉग रिएक्टेड इन अ फ्रेंडली मैनर, और इतने में ही ये हॉरिस भी उस डॉग से नहीं डरता है, छोटा सा प्यारे से डॉग से, उसको कहता है शेरी शेरी। अब क्या था भाई, इसने हमें बताता है ये अपने रीडर्स को हॉरिस कि भाई डॉग वॉक से डरना नहीं है। क्या है, अगर मुझे किसी भी डॉग वाले घर में चोरी करनी होती है तो मेरे लिए ज़रूरी 2 चीज़ें, एक डॉग का नाम पता होना चाहिए, जैसे इसका असली नाम शेरी है ऐसे पता था, और साथ में उससे थोड़ा सा प्यार से बात करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो अब उसका जो बहुत आसान था उसका काम कि वो अब आराम से चोरी कर सकता था, डॉग ने उसे कुछ भी नहीं कहना था। अब वो सेफ जिसमें हमारे चोर को चोरी करनी थी, वो सेफ इनके ड्राइंग रूम में थी, बड़े से महल जैसे इनके घर के ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे भी एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी। सो ही गोज़ टू दैट ड्राइंग रूम, उस ड्राइंग रूम में जाके ये उस पेंटिंग को देखता है और सोचता है कि अरे यार मैं पेंटिंग कलेक्ट करना शुरू कर दूँ क्या, फिर सोचता है अरे नहीं मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, पेंटिंग वेंटिंग कहाँ ही कलेक्ट करूँगा, एंड बुक्स ही मेरे लिए सही है। एंड देन उसको जो है एक चीज़ इरीटेट करती है, क्योंकि वो बहुत फैशनेबल से लोगों का घर था, तो वहाँ पे टेबल के ऊपर फूलदान में फूल सजे होते हैं, तो वो फूल उसे, इसको एलर्जी है, इसे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं कि बिकॉज ऑफ दैट फूल्स। ठीक है, अब क्या होता है, वो कहता है ये घर बड़ा में चोरी करना बहुत आसान है, इनका जो बर्गलर अलार्म है, बर्गलर मतलब चोरों का एक अलार्म लगा होता है बड़े बड़े घरों में, अपने आप बच जाता है वो जब कोई चोरी होती है, तो वो कहता है बर्गलर अलार्म भी पुराना सा है, जाके मैंने उसकी वायर कट कर दी, और वो कहता है सेफ खोलनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है, जिंदगी भर से गाइस वो सेफ का ही काम है, उसका तालों का ही काम है, तो वो भी आसान था, बट एक मुश्किल आज उससे हो रही थी चोरी करने में, वो जो फूल थे उसकी वजह से उसको चोरी करने में दिक्कत हो रही थी। इनफैक्ट ये सोचता भी है हॉरिस, उसे पता कैसे चला था यहाँ पे चोरी करूँगा, क्योंकि जो इस घर के ओनर थे वो सोचते हैं कि ये अमीर जब हो जाते हैं ना लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाते हैं, गधे हो जाते हैं, क्या करते हैं ये अमीर लोगों ने, ये जो इस ओनर थे इस वाले घर के, उन्होंने क्या करा था, एक मैगजीन के आर्टिकल में अपने पूरे घर का नक्शा बता दिया, कहाँ कमरे हैं, कहाँ क्या है, सब बता दिया। एंड इनफैक्ट उस घर के ओनर ने ये भी कह दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है जिसमें 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स है। तो भाई सोच लो, वो सोचता है कितने पागल लोग हैं ये। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है अब मैं चोरी करता हूँ, बस दिक्कत क्या आ रही थी, जो उसको फूलों से छींकें आ रही थी। देन वो अपने टूल्स को सेट कर देता है, टूल वो खोलने के लिए तिजोरी को सेट करता है और छींक मारता है, तो छींक से बचने के लिए एक हैंकरचिफ अपनी नाक पे जो है वो बांध लेता है, सो दैट वो अपना चोरी आराम से कर पाए। अब इतने में ही जब वो जोर जोर की छींक मार रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है, तो एक लड़की की आवाज़ आती है और वो उससे पूछती है ये ज़ुकाम हो गया तुम्हारे को या ये हे फीवर है। तो वो बहुत नेचुरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप रिप्लाई करोगे, वो चोर उसे याद नहीं रहा मैं चोरी कर रहा हूँ, बहुत नेचुरली वो रिप्लाई करता है हे फीवर, और फिर वो देखता है भाई
मेरे को तो घर में अकेला होना चाहिए था, कौन आ गया। तभी वो देखता है रेड कलर की एक ब्यूटिफुल सी ड्रेस में एक सुंदर सी बहुत जवान सी बहुत प्रिटी सी लड़की आती है वहाँ पे। वो कहती है अरे मैं तो तुम्हें ऊपर तक सुन रही थी, अगर तुम्हें अपना काम ठीक से करना है तो तुम्हें इसे ट्रीट करवा लेना चाहिए, ये जो तुम्हें इतना ही छीके तुम मार रहे हो। ठीक है, वो वहाँ पे आती है ड्राइंग रूम में आ जाती है जहाँ पे जाके हरेस जो है चोरी कर रहा होता है, और उसको बोलती है दैट अगर तुम्हें पता हो ना कि ये जो है तुम्हें कौन से वाले फ्लावर से एलर्जी हुई है तो तुम उसको ट्रीट भी कर सकते हो, तुम डॉक्टर को दिखा के इसे इलाज अपना करा सकते हो, और इनफैक्ट तुम्हें इलाज करा लेना चाहिए क्योंकि तुम कैसे प्रोफेशन कर रहे हो, मुझे तो ऊपर तक तुम्हारी आवाज़ आ गई छींकने की। तो अब हॉरेस सोचता है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, और वो जो लेडी थी उसके पास भी वो डॉग चला जाता है शेरी। ठीक है, बेसिकली शायद वो उस घर की ओनर थी क्योंकि शेरी उसको जाके बहुत प्यार कर रहा था। ठीक है, अब वुमेन आ जाती है उसके सामने, तो अब सोचता है वो कि मैं क्या करूँ, वो जो हमारा हॉरेस है क्या करूँ। वो अपने मन में सोचता है कि ये जब मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है ना तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये मुझे जाने दे और ये मुझे कुछ भी ना कहे। अब वो औरत जो थी ऐसे रेड कलर की ड्रेस में वो इधर चली जाती है रूम के फायर प्लेस पे, और उसके फायर प्लेस के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं उसे ठीक करने लगती है, अपने घर का सामान संभालती है वो, और फिर उससे पूछती है हॉरेस से कि अब तुम क्या करोगे। तो हॉरेस कहता है कि मैं भाग जाऊँगा। तो वो कहती है मैं तो तुम्हें भागने नहीं दूंगी, तुम भागोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तो हॉरेस कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम पुलिस को फ़ोन ना कर पाओ, कुछ देर के लिए तो नहीं, बेसिकली उसे डराने की कोशिश करता है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे मारोगे। तो वो कहता है नहीं एक्चुअली मैं नहीं करूंगा, बस तुम्हें डरा रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। तो वो कहती है हाँ मैं नहीं डरी तुमसे, हंसती है हल्का सा कि मैं नहीं डरी तुमसे। फिर जो है हॉरेस उसको थोड़ा सा प्लीज करता है, हॉरेस अपने मन में सोचता है कि अरे भाई क्या है मुझे वो ही डर नहीं रही है मेरे से, मालकिन इस घर की मुझसे ऐसे क्वेश्चन करिए तो शायद अगर मैं इसे प्लीज़ करूँ इसे मना लूँ तो ये मुझे जाने दे। तो उसे कहता है प्लीज़ आप मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, भूल जाओ मैं कभी आपके घर पर आया था, मुझे मैं आज के बाद कभी कोई चोरी नहीं करूँगा। जैसे ही वो ये बोलता है मुझे जाने दो तो वो लेडी की वॉइस शार्प हो जाती है और उसे कहती है क्यों जाने दूँ मैं तुम्हारे को, तुम सोसाइटी के एक गलत इंसान हो, तुम चोरी कर रहे हो, अगर आज मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम कल को दूसरी जगह पे जाके चोरी करोगे तुम्हारे जैसे लोगों से, तो मुझे समाज को बचाना है। तो हॉरेस कहता है अरे नहीं नहीं मैं कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे ये मत समझो, मैं तो बड़े अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, वो बुक्स खरीदने के लिए करता है ना, और मैं ऐसे वैसे लोगों को नहीं लूटता हूँ जिनमें बहुत ही ढेर सारा पैसा होता है ना, उन्हीं को मैं लूटता हूँ। और हाँ एक बात मैं बतानी भूल गई, ये जो 15,000 pounds के ज्वेल थे जब इन्हें ये बेचेगा ना तो बस 5,000 तक के बिकेंगे, और 3 नई किताबें आने वाली थी इस ऑटम के सीजन में, यानी कि नवंबर और अक्टूबर के बीच में 3 नई किताब आने वाली थी, इसीलिए ये चोरी करने गया था। तो वो कहता है कि अरे नहीं मैं तो बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, मैं जो है तुम मुझे जाने दो, मैं चोरी करना ही छोड़ दूंगा, प्लीज़ जस्ट लीव मी। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लोगों को तंग करूँगा, मुझे तो जेल से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो लड़की हंसती है, कहती है हाँ 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 ऐसे हंसती है, और हॉरेस जो है उसे बेग करता है, उसे भीख मांगता है कि भाई तुम मुझे प्लीज़ जाने दो। ठीक है, अब जो है वो लड़की क्या करती है, वो हॉरेस के पास तक आती है, ऐसे अपने बालों को ऐसे सही करती है और कहती है अरे मुझे हमेशा ऐसे गलत टाइप के लोग क्यों पसंद में आते हैं। और हॉरेस अब समझ जाता है कि हाँ शायद ये मुझे जाने दे। और फिर वो लड़की क्या करती है, वहाँ टेबल पे सिल्वर कलर के बॉक्स में सिगरेट पड़ी होती है, सिगरेट निकालती है। तो हॉरेस सोचता है कि अरे इसे मैं मना लेता हूँ किसी भी तरीके से, मुझे जाने दे। तो अपना ग्लव्स उतारता है और उसके सिगरेट को लाइट कर देता है और पूछता है मैं क्या करूँगा। तो वो कहती है मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो। तो हॉरेस पूछता है जो आप कहो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो वो उसे बताते हैं कि देखो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने लंदन हम लोग गए हुए थे, मैं पहले आ गई हूँ, मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा दूँ, बट मैंने बैंक में नहीं रखवाई। अब जो है मुझे जाना है कहीं पार्टी में आज, और मैं ना मैं ऐसे ही बोलती हूँ वो मैं ना, तो इतने में वो जो है हॉरेस कहता है आप सेफ का ताला भूल गए हो, जो लॉक होता है पिन कोड होता है वो भूल गए हो। कह रही हाँ मैं वो भूल गई हूँ। तो हॉरेस कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए सेफ तोड़ के सारी ज्वेलरी बाहर निकाल दूंगा, तुम प्लीज़ मुझे जाने देना। तो वो कहती है ठीक है तुम निकाल दो। फिर हॉरेस कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सेफ टूट जाएगी। तो कहती है कोई बात नहीं एक महीने बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं सेफ को वापस जुड़वा लूँगी, तुम बस मुझे ज्वेलरी निकाल के दे दो, मुझे शाम को एक बढ़िया सी पार्टी में जाना है। हॉरेस अपना काम करता है, सारी जो है सेफ को तोड़ के ज्वेलरी उसको दे देता है और अपने घर चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं गाइस इस चोरी को हुए हुए। ठीक है, अब 3रा दिन था, अब हॉरेस फिर से बैठ के सोचता है, पहले तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया कि आगे चोरी नहीं करूँगा उस रेड ड्रेस वाली लेडी को, बट 3रे दिन सोच ही रहा होता है कि यार वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं और चोरी कर लेता हूँ, बट वो सोच भी नहीं पाता कम्प्लीटली क्योंकि तभी 3रे दिन की दोपहर में उसके घर पे पुलिस आ जाती है और वो पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए।
शॉट ओवर ग्रांच की चोरी में, क्योंकि ऑल ओवर द प्लेस उसके फिंगरप्रिंट्स रह चुके थे। वो सबको बताते हैं, अरे भाई मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने तो मालकिन को सेफ में से गहने निकाल के सारे दे दिए थे। बट उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि उस घर की मालकिन पता है कौन थी? बूढ़ी सी लेडी थी, और वो जो है ग्रे है बालों वाली, और वो कहाँ वो कह रहा था सुंदर सी रेड ड्रेस वाली जवान सी लड़की को मैंने जो है गहने दिया। कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करते, और अब वो जेल में है। जेल में फिर से वो जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा है, और वो जेल की लाइब्रेरी में खाली बैठ के उस प्रिटी यंग लेडी के बारे में सोचता है कि पता नहीं कौन थी वो, और उसे बहुत गुस्सा आता है आगे से जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करता है। ऑनर अमंग थीव्स क्या होता है कि एटलीस्ट चोरों में भी ना एक चोर कोड होता है, जैसे ब्रो कोड होता है ना, वैसे चोरों में एक चोर कोड होता है कि चोर एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई जैसे वो लड़की चोर थी, वो चाहती तो हॉरिस को कहती आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों चोरी करते हैं, उसने हॉरिस को ही चोरी में फंसा दिया। तो इसलिए उसे गुस्सा आता है जब भी आगे से कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है। तो विद दिस ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था ना चैप्टर, कहां लग रहा था वो मालकिन है और कहां निकली वो भी एक चोरनी। तो ये चैप्टर एंड होता है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ यू। वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन सहानी, एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये चैप्टर पे ही आपकी सेकेंड बुक का नाम है, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या होने वाला है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक इनविजिबल मैन के बारे में। हाँ, थोड़ा सस्पेंस तो खत्म कर दिया है मैंने इस चैप्टर का, बट है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके ऊपर एक बहुत फेमस बेस्ट सेलर नॉवल्स है, नॉवल है एक, उसका नाम है द इनविजिबल मैन, जो H.G. वेल्स ने लिखी थी। है तो पूरी नॉवल, जब मैं 12th में थी तो हमारी प्रॉपर ये नॉवल थी, पता है आपको, इनविजिबल मैन। अब आप लोगों के लिए क्लास 10th में इसका एक चैप्टर डाल दिया गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोच लो इसके ऊपर तो आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो होता क्या है, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपको बता रखा है कि दो बच्चे हैं अपने घर के बाहर, लंदन में है ये घर इनका, और बहुत ठंड का समय है, ठीक है, लंदन की सर्दियां खुद इमेजिन कर लो कितनी ठंड होती होगी। वहां उन बच्चों को दिख रहा है कि उनके घर के बाहर नंगे पैर के निशान आ रहे हैं, जैसे कभी आप पोछे के ऊपर चल के जाते हो तुम्हारी डांट पिटती है, निशान पड़ते हैं ना हमारे पैरों के, वैसे ही एक इंसान के, आदमी के पैरों के निशान आ रहे हैं, बट आदमी तो दिखाई दे नहीं रहा। अब आप सोचोगे कि भाई डर लग जाए इंसान को, भूत आ गया, यानी कि पैरों के निशान आ रहे हैं बट कोई दिखाई नहीं दे रहा था उन बच्चों को, तो उसमें मिट्टी किससे जा रहे थे वो निशान। तो वो बच्चे ना ऐसे पीछा पीछा करते हुए जा रहे होते कि भाई ये क्या मिस्ट्री हो गई है, ये क्या है भाई रहस्य कि कोई पैरों के निशान जा रहे हैं बट इंसान तो दिख नहीं रहा। तो कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, सिंपल सी मिस्ट्री है जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ये एक साइंटिस्ट के पैरों के निशान है जिसका नाम है ग्रिफिन। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग साइंटिस्ट है, इसने एक रेयर ड्रग बना ली है जो आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती है बिल्कुल ग्लास की तरह, और साथ ही के साथ में सॉलिड भी रहेगी ग्लास की तरह, यानी कि यू विल बिकम इनविजिबल। तो इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इसने वो पूरी जो है ड्रग जो इसने बनाई थी इनविजिबल होने की दवाई, वो पी लेता है ये और ये इनविजिबल हो जाता है। तो इसने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी, अगर ये इसको सोसाइटी के भले काम में लगाता तो आप सोचो इनविजिबल मैन बन चुका था ये, बट ये बहुत ना लॉलेस इंसान था, यानी कि कानून को फॉलो करने वाला नहीं था, एक क्रिमिनल टाइप का था ये हमारा ग्रिफिन द साइंटिस्ट। तो इसने क्या करा गाइस, इसकी अपनी ना मकान मालिक जो था इसका लंदन में, उससे बनती नहीं थी और कुछ उससे लड़ाई टाइप हो जाती है, तो जब ये इनविजिबल होता है तो उस दिन गुस्से में आकर ये क्या करता है, अपने उस मकान मालिक के पूरे घर को आग लगा देता है। एक्चुअली में वो उसको इसको कहता है कि तुम चले जाओ मेरे घर से, किराए पे मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तो ये पूरे घर को ही आग लगा देता है। और वहाँ पे जब ये आग लगा देता है तो लोग इसे पकड़ने वाले होते हैं कि इसने आग लगाई है, तो वहाँ से बचने के लिए ये अपने सारे कपड़े उतार देता है, क्योंकि अब ये इनविजिबल था, इफ ही विल रिमूव क्लोथ्स तो ये इनविजिबल हो जाता था। तो ये पूरे अपने कपड़े उतार के भागता हुआ वहाँ से आया था घर को आग लगा के, और भागते भागते इसका पैर पड़ गया था कीचड़ पे, और कीचड़ के जो निशान थे वो दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे। जब कीचड़ पे पैर पड़ेगा और आप चलोगे फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर तो निशान आएंगे ना पैरों के, उसको वो दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे जब उसके पैर पे से कीचड़ हट जाता है तो वो बच्चों को फुटप्रिंट्स दिखने बंद हो जाते, बच्चे पीछा करना बंद कर देते हैं। बट अभी भी इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई लंदन की सर्दियाँ, इतनी ठंड हवाएं चल रही थी, एंड ही वॉज नेकेड, उसने कुछ कपड़े नहीं पहने थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितनी ठंड होगी वहां पे। तो इसलिए वो सोचता है भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है,
लंदन स्टोर में जाता है, जैसे बड़े बड़े मॉल में वो नहीं होता, पूरा एक स्टोर होता है, डिपार्टमेंट स्टोर, खाना भी है, कपड़े भी हैं, तो ये उस मॉल में या लंदन स्टोर वट एवर यू कैन से वहाँ जाता है, वेट करता है सब उसके बंद होने का, जब सब लोग चले जाते हैं, लाइट वाइटें बंद हो जाती है, वहाँ इंटर होता है और बिना कोई पे करे वहाँ जाके, जैसे कई बार हम इमेजिन करते हैं ना मॉल में, यू आर लाइक यू कैन टेक एनी थिंग, तो ये वही करता है। पहले तो सबसे पहले जाके कपड़े पहनता है, सूट बूट पहन लेता है अच्छा सा, अपने आप को बिल्कुल गर्म कर लेता है, क्योंकि और कोई पैसे भी नहीं देता, अपने आप डब्बे खोल है एंड सब कुछ चीजों को यूज करना शुरू कर देता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। एक क्रिमिनल इंसान ही ऐसा कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान ना ऐसा करने से पहले 6 बार सोचेगा कि यार मैंने पैसे तो दिए नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं, बट ये एक क्रिमिनल था, इसने कपड़े वपड़े वहां से चुराए और पूरे कपड़े पहन लेता है, ये एक ओवर कोट पहन लिया, एक हैट लगा ली, शर्ट पहन ली, बढ़िया से तैयार हो जाता है, फिर जाता है वहां पे जहां पे खाना वाना होता है, वहां जाके मीट लेता है, वाइन लेता है और अपना आराम से बैठ के खाता है, और रात को जो है जैसे उसे नींद आने लगती है तो रजाइयों का ढेर होता है, ऑब्वियसली रजाई वाले सेक्शन में, क्विल्ट वाले सेक्शन में, फर्नीचर वाले में होगा, तो वहां क्विल्ट के ढेर में सो जाता है। अब इसके लिए बहुत अच्छा होता ये रोज़ रात को वहाँ आके छुप सकता था, बट क्या होता है सुबह इसकी जल्दी नींद नहीं खुलती है, और इतने में स्टोर और खुल चुका था और सब लोग अंदर आ चुके थे, एंड रात को ये कपड़े पहन के सोया था, तो दैट मींस ही वॉज विजिबल एट दैट टाइम, तो वो जो वहाँ का स्टाफ था, वहाँ के जो गार्ड्स थे, वो आके इसे पकड़ते हैं, ठीक है, और ये उस भागता है, आप ये फोटो में देख सकते हो, ये गार्ड इसको पकड़ रहे हैं और ये भागता हुआ है। अब इसको भागने के लिए कि नहीं तो वो पकड़ के जेल में डाल देते, वहाँ से कैसे निकलता, तो वो क्या ये क्या करता है, ही स्टार्टेड रिमूविंग His clothes again. ये आप देख सकते हो, इसने अपने हैट उतार के फेंकी, देन ये शर्ट रिमूव कर देता है सो दैट कि फिर से इनविजिबल हो जाए, तो ये अपने सारे कपड़े जो है रिमूव करके भागता हुआ आ जाता है। अब वंस अगेन ये इसी प्रॉब्लम में आ गया था कि अगेन लंदन की सर्दी में रात को ही वॉज नेकेड इन द वो पूरी की पूरी रोड्स पे, घर भी नहीं था, घर भी जला के आ गया, अपना भी तो जलाया था, ठीक है। अब ये सोचता है मैं क्या करूं, तो नेक्स्ट ये अटैक करता है ड्ररी लेन की एक थिएट्रिकल शॉप को। ड्ररी लेन एक बहुत फेमस लेन है लंदन में, वहाँ पे थिएटर्स हैं और थिएटर्स की दुकानें हैं, तो उस थिएटर की दुकान पे जाता है ये और सोचता है वहां से अपने लिए कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े लूंगा। वो ड्ररी लेन की अब ये थिएट्रिकल शॉप पे जाता है और वहां जाके ये अपना कुछ ऐसा सा गेटअप बना लेता है, अपने फेस पे बैंडेजेस चारों तरफ बांध लेता है जिससे विजिबल लगे, बड़े बड़े चश्मे लगा लेता है, हैट लगा लेता है, कोट पहन लेता है, मफलर डाल लेता है, साइड विस्कर्स लगाता है, ये जो साइड की कलमे होती है ना वो लगा लेता है, नाक लगाता है, नकली नाक लगा लेता है। ये थिएटर की कंपनी वाली जो शॉप थी उसमें ये सब कुछ मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ से चुराता है, और जो है सिर्फ वहाँ पे चोरी नहीं करता है, इनफैक्ट जो उस थिएटर की जो कंपनी का ओनर था, वो जो दुकान का ओनर था मिंटू, से उसको पीछे से जोर की मारता है, हमला करता है उस पर, और उसके लॉकर में जितने भी पैसे थे वो चुरा के बाहर आ जाता है। अब ये सोचता है ग्रिफिन, ये ऐसा सा तैयार हो चुका है ग्रिफिन, अब ये सोचता है कि भाई मेरे लिए लंदन में रहना सेफ नहीं है, इतनी ठंड है, किसी भी समय पकड़ा जा सकता हूँ, अब हवा भी तो फैल गई थी कि भाई इनविजिबल होकर कोई आदमी घूम रहा है, तो ये सोचता है मैं ना किसी छोटे से गाँव में जाके रुक जाता हूँ। तो ये अपनी ट्रेन की टिकटें बुक करता है आइपिंग नाम के एक छोटे से विलेज की, तो ये आइपिंग विलेज में जाता है, आइपिंग विलेज में जाके ये एक धर्मशाला में रुकता है जिसका ओनर कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, ठीक है, ये वहाँ जाके रुकता है। जब इतनी सर्दियों में कोई विजिटर, कोई मतलब कि कोई टूरिस्ट आया आइपिंग विलेज में, तो पूरा गांव हैरान था कि भाई ये क्यों इस समय पे हमारे यहाँ पे आया है, बट जो उस ओनर थी ना उस धर्मशाला की, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग कहते थे भाई क्या अजीब सा दिखने वाला, आप इमेजिन करो ये दिख कैसा रहा इस समय पे, लोग बातें तो करेंगे ही ना कि कौन आ गया है, बट वो जो ओनर थी ना धर्मशाला की, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सर्दियों में वैसे भी सीज़न ऑफ था, कोई आता तो था नहीं, एटलीस्ट एक तो उनके यहाँ गेस्ट आया था, तो वो कुछ भी नहीं कहती इसको, ये बड़ी बदतमीजी से भी बात करता है उनसे, बहुत तंग करता है सबको, गंदे तरीके से बोलता है, बट वो बड़ी खुश थी कि इसने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, और ये उन्हें बताता है कि देखो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ इसलिए मेरा फेस जला हुआ है, तो बैंडेजेस हैं, और मेरा यहाँ आने का रीज़न है मुझे एकांत चाहिए, सॉल्टिट्यूड चाहिए, तो मुझे कोई तंग ना करे। वो भी खुश, उसे अपने पैसों से मतलब था, उनका नाम क्या था, मिसेस हॉल, वो इसको यहाँ पे दो कमरे बुक करता है, ये दोनों कमरे इसके पास रहते हैं, एंड ही लिव देयर। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, चोरी का पैसा भी खत्म होना स्टार्ट होने लगता है, चोरी का पैसा एंड होने लगता है, और जब मिसेस हॉल अपनी धर्मशाला के लिए पैसे मांगती हैं इससे ग्रिफिन से, तो वो कहता है कि अरे मेरा ना एक चेक आने वाला है, अभी मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी पैसे, मेरा चेक बस अभी किसी भी मोमेंट आ जाएगा तो आई विल पे यू।
ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, सुबह सुबह की बात, एक दिन की, क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन थे कहाँ के, इनके आईपिंग विलेज के, उनके घर में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा होता है। सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब उन्हें अपने घर की स्टडी में, जो स्टडी रूम होता है वहाँ पे, एक आवाज़ आती है कि कोई उनके स्टडी रूम की ड्रॉर में से पैसे चुरा रहा है। तो वो उठते हैं, उनकी वाइफ भी उठती है, वो एक पोकर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा सा डंडा होता है उसे मारने के लिए, उसे लेते हैं और वो नीचे स्टडी में जाके ऐसे पोकर को ऐसे हिलाते हैं हवा में, पोकर को, और वो जो है बोलते हैं सरेंडर नाउ, मतलब कि जो भी है मुझे सरेंडर कर दो। बट दोनों वाइफ और हस्बैंड, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, हैरान हो जाते हैं कि जब वो रूम में गए तो रूम में उन्हें गाइस कोई भी नहीं दिखता है। जो अलमारी वो जो थी ड्रॉअर वो खुली हुई थी, उसमें से घर के खर्चे के पैसे निकल चुके थे, गायब थे, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो चिमनी में हर जगह दिखते हैं बट कोई दिखाई नहीं देते हैं। और इसीलिए क्लर्जीमैन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कह रहे ये क्या हो गया भाई, चोर है तो दिखाई तो दे, एक सेकेंड में ऐसे कौन हो गया, क्या भाग गया। तो उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लगती है ये सुबह सुबह। अब इसी समय सुबह सुबह कुछ और भी बड़ा अलग सा होता है इनके ये छोटे से गाँव में, वो कहाँ होता है, ग्रिफिन के रूम में, धर्मशाला में। अब धर्मशाला में सुबह सुबह का टाइम था, दोनों मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जो ओनर थे धर्मशाला के, वो जगे हुए थे। तो वो देखते हैं कि ग्रिफिन के रूम का दरवाजा खुला था, यूजुअली ये दरवाजा बंद अंदर से लॉक करके रखता है। तो वो सोचते अरे भाई ये कहाँ गया इतनी सुबह सुबह। तो वो बड़े इधर क्यूरियस होते हैं इसको देखने के लिए कि कैसे रहता है एंड ऑल दैट। तो वो ग्रिफिन के रूम में जाते हैं, रूम में जाके वो देखते हैं कि बेड जो शीट थी और बेड था बिल्कुल सीधा लगा हुआ था। वो बेडशीट को टच के देख करके देखते तो काफ़ी ठंडी थी, जैसे सर्दियों में बैठी ठंडी हो जाती है ना, नहीं बैठती बहुत देर तक। तो और हर जगह उन्हें मतलब देख के लगता है कि कोई भी रूम में नहीं है। इतने में ही जब उन्हें लग रहा होता है रूम में कोई नहीं है, मिसेज हॉल को लगता है कि किसी ने उनके नाक के पास आके ऐसे स्निफ करा है। और तभी क्या होता है, बेड पोस्ट, जो बेड के आगे ऐसा पोस्ट बना होता है उसके ऊपर से एक हैट रखी होती है, हैट उठ के ऐसे यूं कोई फेंक के मारता है दोनों हस्बैंड वाइफ को। और इतने में ही उस कमरे की चेयर जो होती है, मिसेज हॉल डर जाती हैं, उस कमरे की जो चेयर होती है वो यूँ हवा में उड़ जाती है और वो मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल के ऊपर ऐसे कुछ उड़ के आती है और वो दोनों कमरे से बाहर गिर जाते हैं और दरवाज़ा अपने आप कमरे का बंद हो जाता है। तो मिसेज हॉल बहुत डर जाती हैं, उन्हें लगता है कि उनके कमरे पर कोई जादू टोना हो गया या कोई भूत आ गया, ईविल स्पिरिट आ गई हैं कि क्या हो रहा है। अब तुम्हें तो पता है वो इनविजिबल मैन ही था, देखो कितना बदतमीज़ इंसान है वो। उसे गुस्सा आ गया कि ये दोनों मेरे कमरे में मेरी बिना परमिशन की क्यों है, इसलिए चेयर उठा के उन दोनों को, बूढ़ा बूढ़ी को फेंक के उसने मार दी। अब मिसेज हॉल और पूरे मोहल्ले में, उनके पूरे आईपिंग विलेज, पूरे गांव में दो बातें फैल गई, एक चोरी वाली, दूसरी है लोगों को लग रहा था कि कोई विच क्राफ्ट हुआ है, कोई काला जादू टाइप हुआ है, जो चेयर वेयर ऐसे हुई है। और जो हमारी मिसेज हॉल थी वो परेशान रहती थी, कहती मेरी मम्मी बैठती थी इस चेयर पे, भूत आ गया लगता है मेरी चेयर पे, पता नहीं क्या क्या, वो काफ़ी परेशान होती है। तो इसलिए शक जाना शुरू हो जाता है इस ग्रिफिन के ऊपर। तो अभी इस चोरी के लिए ग्रिफिन के पास ना पूछताछ करने के लिए आ जाने वाले थे इस आईपिंग विलेज के कांस्टेबल, जिनका नाम था मिस्टर जेफर्ट्स। उन्होंने आना था इस ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि जो है ग्रिफिन ने पैसे भी पे कर दिए थे अब मिसेज हॉल को अपनी, उसके जो उसको पेमेंट करनी थी ना वो पैसे पे कर देते। तो मिसेज हॉल को शक होता है कि अभी थोड़े दिनों पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे, आज क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है, आज इस पे सारे पैसे आ गए। तो शक कहीं ना कहीं ग्रिफिन के ऊपर जाना जो है वो गाइस शुरू हो जाता है। और अभी जो है मिस्टर जेफर्स भी आने वाले थे, यानी कि जो कांस्टेबल था वो भी आने वाले थे इसकी वो करने के लिए, क्या कहेंगे उसको, पूछताछ करने के लिए। बट मिसेस हॉल ना, उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ग्रिफिन ने क्या करा है, ये साइंटिस्ट ने मेरी चेयर ख़राब कर दी, मेरे कमरे में पता नहीं क्या हुआ है, कोई विच क्राफ्ट हो गया एंड ऑल दैट। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो जाती हैं ग्रिफिन के पास पूछताछ करने। वो ना पुलिस का आने का वेट नहीं करते, वो खुद जाती हैं उसके पास और कहती है तुम क्या कर रही हो हमारे साथ, तुमने हमारे रूम में क्या कर दिया, कमरा बंद था, तुम बंद कमरे के अंदर कैसे पहुँच गए, तुम तो इतने दिनों से कह रहे थे तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, आज तुमने अपना सारा बिल पे कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ग्रिफिन को आ जाता है गुस्सा। अब ये ना बहुत शॉर्ट टेम्पर था, इसे आ गया गुस्सा, ये नहीं कि प्यार से टाल दी बात को कि अरे नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा, नहीं, कहता अच्छा तुम्हें जानना है ये सब कैसे हो रहा है, अभी बताता हूँ तुम्हारे को। तो अपने सर पे से जो बैंडेजेस थी उनको ऐसे ऐसे करके ओपन करना शुरू कर देता है, खोलना शुरू कर देता है सारी बैंडेजेस को। और कुछ ऐसा सा सीन होता है मिसेस हॉल के सामने, यानी कि एक हैट है, नीचे धड़ पे पूरे के पूरे कपड़े हैं और फेस गायब है बिल्कुल, समथिंग लाइक दिस, आप समझो जैसे इस फोटो में दिख रहा है, ये देखो पूरी शर्ट है, ये हैट है और फेस नहीं,
नहीं है। मिसेज हॉल डर जाती हैं और इतने में ही मिस्टर जेफर्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली उसने अपनी रिवील कर दी थी आइडेंटिटी कि हाँ भाई मैं इनविजिबल हूँ। अपने चश्मे उतार के फेंक देता है, बैंडेजेस फेंक देता है, विस्कर्स फेंक देता है, नोज नकली उतार के फेंक देता है, दिखा देता है मैं इनविजिबल हूँ। इतने में कॉन्स्टेबल आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे मुझे तो ऑर्डर आया है कि इसे अरेस्ट करना है। अब ये हेडलेस है, चाहे मुंडी कटा घूट की तरह लग रहा था ना, ये अगर मुंडी कटा है मैं तो इसे तो भी अरेस्ट करके जाऊँगा। तो वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जो ना मिसेस हॉल के धर्मशाला का जो बाहर का जो हॉल था वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ग्रिफिन क्या करता है, जब भी कोई उसे पकड़ना चाहता है तो ही स्टार्ट्स रिमूविंग हिज क्लोथ्स, इनविजिबल होके भाग जाए। तो वो अपनी शर्ट रिमूव करता है। तो मिस्टर जेफर्स बोलते हैं कि इसे कपड़े मत रिमूव करने देना वरना ये इनविजिबल हो जाएगा, भाग जाएगा। सब कोशिश करते हैं, किसी को यहाँ मुक्का लग रहा है, किसी को पैर लग रहा है, किसी को ग्रिफिन कहीं मार रहा है कि, और सब इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसे हवा में इसको पकड़ के नीचे गिर गया, इवन मिस्टर जेफर्स बेहोश हो जाते हैं इसको पकड़ने के चक्कर में। एंड जो है ग्रिफिन सक्सेसफुल हो जाता है सारे क्लोथ्स रिमूव करके, इनकी धर्मशाला से भी भाग जाता है और मिस्टर जेफर्स नीचे अनकॉन्शियस गिर जाते हैं और ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ग्रिफिन ने, ये देखो ये फोटो देखो, ये मिसेज हॉल हो गई और ये मिसेज हॉल पे गुस्सा करके इसने सारी बैंडेजेस हटा दी। ये आ गए मिस्टर जेफर्स इसको पकड़ने के लिए। एट द एंड ये अब मिस्टर जेफर्स, मिसेज हॉल, यहाँ आईपिंग के लोगों को भी बुद्धू बना के भाग जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, तो कभी आपको टाइम मिले तो ये नॉवल पूरी पढ़ना, द इनविजिबल मैन, बहुत इंटरेस्ट नॉवल है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी पढ़ा दूंगी। तो आपको तो इतना ही पढ़ना था अपने चैप्टर में, यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो जाके आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस को भी देख सकते हो और बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, आपकी ये सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता है बिल्कुल भी नहीं। तो चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें हम रिचर्ड ई ब्राइट जो एक बहुत महान साइंटिस्ट है इनके बारे में जानेंगे और जो है इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे इन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी करी अपनी छोटी सी हॉबी की वजह से, ये आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये है रिचर्ड ई ब्राइट जी। ठीक है, एंड ही आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और चलो जानते हैं अभी हम जितना हमारे चैप्टर में गिवन है इनके बारे में। तो रिचर्ड ई ब्राइट ने 22 साल की उम्र में पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला डाला था बिल्कुल। ऐसे दुनिया में ऐसी इनके बारे में बात होने शुरू हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलके एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, एक थ्योरी निकाली थी ऑन हाउ आर सेल्स वर्क, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उस पर इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक 22 साल के हार्वर्ड में पढ़ते थे, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स थे ये, वहाँ के किसी बच्चे की थ्योरी जो है बहुत फेमस साइंटिफिक जर्नल में जो है पब्लिश हुई थी। उस जर्नल का नाम था, यहाँ पे आप देख लो, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो देखो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जब अपनी कोई थ्योरीज बनाते हैं तो वो बड़े बड़े जो साइंटिफिक न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें छपती है, जर्नल्स में छपती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। और फिर वो बाद में उस थ्योरी बनाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो है उस पर पूरी जाँच होती है। तो अभी रिचर्ड ई ब्राइट अपनी थ्योरीज पर एक्सपेरिमेंट आज के समय पर भी कर रहे हैं और यही इनकी थ्योरी इस वाले जर्नल में जो है छपी थी। अब जब ये थ्योरी छपी तो बड़ी वाहवाही की बात थी क्योंकि पहले कभी किसी कॉलेज स्टूडेंट की जो थ्योरी थी इतने बड़े नामी पेपर में जर्नल में नहीं छपी थी। ऐसा था जैसे कि पहली बार कोई बेसबॉल खेलने गया और वो होम रन मार दे, ऐसा कंपैरिजन करते हैं बाहर के देश में लोग इस चीज़ का, एक छोटे से बच्चे की जो थ्योरी है इतनी बड़ी थ्योरी उसने डिस्कवर करी है इस बात पर। तो बचपन से ही रिचर्ड ई ब्राइट बताते हैं उनका बचपन के बारे में, अब हम जानेंगे रिचर्ड, एक इंटरव्यू टाइप का ये चैप्टर आपका। तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है कहाँ के रहने वाले थे, ये पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में एक शहर है रीडिंग, ठीक है, पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में है रीडिंग नाम का, वहाँ के रहने वाले हैं ये। और ये इतने बढ़िया साइंटिस्ट बने कैसे ये हम जानेंगे, तो ये बताते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास इतने फ्रेंड व्रेंड नहीं थे कि हम बास्केटबॉल खेलें, हम फुटबॉल खेलें, ज़्यादा मेरे घर के आसपास में बच्चे नहीं थे, अकेले थोड़ी मैं बास्केटबॉल फुटबॉल खेलता। तो मेरे एक एक काम था, मैं ना आई यूज़ टू कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ों को कलेक्ट करता था, कभी फॉसिल कलेक्ट कर लिया, कभी स्टैम्प कलेक्ट कर लिया, कभी कॉइन कलेक्ट कर लिया, कभी बो की चैन की तरह पत्थर कलेक्ट कर लिया, वो शिनचैन वाला बोचैन ना, उसकी तरह ये चीज़ों को कलेक्ट करते थे। वैसे ही एक बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने शहर में आसपास में जितनी भी बटरफ्लाइज मिलती थी इन्होंने वो भी कलेक्ट करी थी। ठीक है,
तो ये बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करते थे, और जो है बहुत जो है ना एस्ट्रोनॉमर टाइप के भी थे ये, यानी कि इनको स्टार गेज करने में, स्टार्स को देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के ये बच्चे थे, बहुत ब्राइट थे बचपन से ही, इंटेलिजेंट भी थे। तो इनके साइंटिस्ट बनने में दो चीज़ों का हाथ था, एक ये काफ़ी ना खुद से इनका मन था नई नई चीज़ों को जांचना परखना, और बहुत ही दिमाग तेज था इनका। तीसरी चीज़ क्या थी, इनकी मदर जो इनकी मम्मी थी इनको बहुत सपोर्ट करती थी बचपन से ही, कभी इन्हें टेलीस्कोप लेकर आती थी कि बच्चा मेरा नाइट में स्टार्स को देखेगा, कभी जो है कैमरा ला के देती थी छोटे से बच्चे को, कभी ट्रिप्स पे लेके जाती थी उनको कि वो नई नई जगहों को देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, कभी वो जो माउंटिंग मटेरियल होती ना ट्राईपॉड वगैरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल्स जो है इक्विपमेंट्स लैब के सब उन्हें खरीद के देती थी इनकी मम्मी, वो इनक्रेज करती थी अपने बच्चे को। और उनकी मदर बताती भी हैं, इस इंटरव्यू में आप उनकी मदर के बारे में भी जानोगे कि उनकी मदर खुद भी बताती है कि रिचर्ड जो रिची उनका वो उनको प्यार से बोलती हैं, वो कहती है रिची मेरी पूरी दुनिया था, हर समय मैं उसके साथ ही रहती थी। और जब थर्ड ग्रेड में रिची थे तो उनके फादर की भी डेथ हो गई थी, उसके बाद से तो और भी ज़्यादा वो हर समय अपना रिचर्ड के साथ रहती थी, अपने बच्चे के साथ ही रहती थी। तो उनकी मदर उन्हें ना बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती थी, कभी उन जब वो स्कूल चले गए थे ना, पहले तो जब स्कूल में एडमिशन नहीं था तब भी रहते थे मदर के साथ, जब स्कूल चले गए थे वो तो उनकी मम्मी कई बार ना जैसे कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं खुद दोस्त नहीं बनाते, तो रिचर्ड भी ऐसे ही थे, तो इनकी मदर दोस्त भी बनवाती थी उनके, कभी किसी को घर पर बुला लिया फ्रेंडशिप हो जाए। और वो कहती है रोज रात को ना मैंने नए नए वर्क बताती थी अपने बेटे को, काम से मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा करवानी है या कुछ भैया उनसे ये करो तुम वो करो, नहीं, कह रही मैं उन्हें लर्निंग थिंग्स करवाती थी, यानी कि जब भी बेटा मेरा खाली होता था तो उसे कोई चीज़ जैसे स्पेलिंग्स दे दी लर्न करने को, समथिंग लाइक दैट, मैं हमेशा उसे बिजी रखने की कोशिश करती थी और इन्जॉय करती थी हम दोनों। ऐसे उनका मदर और आप सब का रिलेशनशिप समझो। अब फिर क्या होता है, जब रिचर्ड ई ब्राइट सेकेंड ग्रेड में थे, सेकेंड ग्रेड मतलब है सेकेंड क्लास, ठीक है। अब ये जो अमेरिका का ये जो स्कूल सिस्टम है इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक एक स्कूल रहता है, फिर सिक्स टू लेकर एट तक मिडिल स्कूल रहता है, एंड वेन नाइन्थ टू लेकर ट्वेल्थ तक हाई स्कूल रहता है, ठीक है। जो नाइन्थ क्लास है उसे फ्रेशमैन ईयर कहते हैं, टेंथ क्लास को सॉफ्टमोर कहते हैं, इलेवंथ क्लास को हाई स्कूल जूनियर कहते हैं, और ट्वेल्थ क्लास को हाई स्कूल सीनियर कहते हैं। अब जब रिचर्ड ई ब्राइट नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक में थे, इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो आपको याद रखना, अगर मैं बोलूँ हाई स्कूल जूनियर तो मतलब है 11, अगर मैं बोलूँ हाई स्कूल सीनियर तो मतलब है 12, तो कन्फ्यूज़ मत होना कि इन्होंने कौन सी क्लास में क्या एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो जब ये सेकेंड क्लास में थी ना, तभी इन्होंने अपने आसपास के एरिया में मिलने वाली 22 प्रकार की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर चुके थे ये, तो नहीं 25 स्पीशीज़ की बटरफ्लाई इनके आसपास में मिलती थी। ये देखो आप बुक में से ये फोटो देख सकते हो, ये सारे नाम लिखे हैं, ये सब इन्होंने कलेक्ट कर ली थी, और यहाँ पे उनका ये बटरफ्लाई कलेक्शन एंड होने वाला था। वो कुछ और चीज़ सोचते, बट उनकी मदर इतनी ज़्यादा इंकरेजिंग थी, तो वो क्या करती हैं, वो उनके लिए एक बुक मंगाती है, अपने बेटे के लिए एक बुक मंगाती है, जिसका नाम था उन्हें गिफ्ट कर दिया द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बहुत ही फेमस चिल्ड्रन बुक है। इस बुक में जो है एक पीछे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था, और बच्चों को कहा गया था कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। क्या एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को कराने वाले थे एक टोरंटो की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कर्ट, और उन्होंने इस बुक के पीछे लिखा हुआ था कि जो भी बच्चे चाहे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, वो क्या करें कि बटरफ्लाइज उनके घर के आसपास में जब ये मोनार्क बटरफ्लाई मिले, ये जो भी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसको पकड़ के उनके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा दे। क्यों लगा दे, क्योंकि ये बुक में लिखा गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं, कहाँ से माइग्रेट करती है, किस तरीके से वो जो है सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट करके आती हैं। तो बटरफ्लाइज की माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए ये वाली बुक लिखी गई थी, और एंड में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें लिखा गया था कि जो जो बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं अगर उनका मन हो तो वो भी अपने आसपास के एरिया में बटरफ्लाई देखे, उस पर टैग लगा दे, और फिर ढूंढा जाएगा कि वो कितनी दूर माइग्रेट करके गई हैं। तो रिचर्ड तो थे ही इतने ज़्यादा ईगर बच्चे इन सब चीज़ों के लिए, तो वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिचर्ड की मम्मी लेटर लिख के भेजती है ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, और वो बहुत सारे ना स्टिकर्स भेज देते हैं बटरफ्लाई को टैग करने के लिए, और फिर क्या, रिचर्ड ई ब्राइट का साइंटिफिक जर्नी शुरू हो जाती है। उनके जो घर के नीचे का बेसमेंट था उसमें इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बटरफ्लाइज को रेयर करना भी शुरू कर दिया। क्यों करा था, क्योंकि देखो इनके शहर में ना रीडिंग में जो बटरफ्लाई वाला जो सीज़न था वो बहुत कम देर के लिए आता था, और फिर एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना पॉसिबल नहीं था इनके लिए, उन्हें बहुत ऐसा लग रहा था टाइम चला जाएगा इसमें। तो इन्होंने क्या करा, एक मोनार्क बटरफ्लाई ली, मोनार्क बटरफ्लाई देख लो कैसी होती है, उसको लेकर आए, उसके एग्स कलेक्ट करे, और उसको अपने बेसमेंट में ही इन्होंने पूरा उसको रेयर करना शुरू कर दिया। इनके बेसमेंट में पता नहीं इतने सालों तक
इन्होंने इस तरीके से पूरी जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है ना, कैटरपिलर, प्यूपा, फिर बटरफ्लाई बनना, खुद से उनको रेयर करवाना शुरू करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से इनकी ये जर्नी शुरू हो गई। फिर जब पूरी वो बटरफ्लाई बन जाती थी तो ये बटरफ्लाई के पीछे एक स्टिकर लगाते थे, उसे उड़ा देते थे, फिर देखते थे कि कहाँ जाके बटरफ्लाई मिलेगी। धीरे धीरे ये वाली चीज़ से भी वो बोर होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको ना इस वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बस दो बार उन्हें बटरफ्लाई के मिलने की खबर आती है, वो भी अपने घर के से 75 माइल के डिस्टेंस पे बटरफ्लाई मिल चुकी थी। ठीक है, तो माइग्रेशन के जोन को जो है पूरे उसके मैप को, रूट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो, तो इसलिए वो धीरे धीरे से बोर होने लगते हैं। एंड देन अभी तक कि वो कौन से क्लास में आ चुके होते हैं, ही वॉज इन 8th ग्रेड नाउ, नहीं 7th क्लास में आ चुके थे वो। अब जब वो 7th क्लास में आते हैं तो उन्हें रियल साइंस क्या होती है ना उसके बारे में पता चलता है। ये काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। काउंटी मतलब लोकल, शहर का जो साइंस फेयर होता है ना, उसमें जहाँ हर स्कूलों के बच्चे जाते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे हार जाते हैं रिचर्ड ईब्राइट। पहली बार ये हारते हैं और इन्हें ना बहुत बुरा लगता है कि सब बच्चों को प्राइज मिल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। क्या करा था इन्होंने, इन्होंने सब बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, इन्होंने सिर्फ फ्रॉक के टिश्यू की स्लाइड्स दिखाई थी बहुत नीटली। उस दिन इन्हें समझ में आता है कि साइंस मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करना, सिर्फ स्लाइड्स दिखाना नहीं है। तो अब रिचर्ड सर को समझ में आ चुका था कि मतलब तब तो वो छोटे ही थे, पर उन्हें समझ में आ गया था कि भाई मेरे को अगर साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होंगे। अब उन्होंने बचपन से तो सिर्फ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज पे ही स्टडी करी है, तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर अर्कट को उनसे टच में थे वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको जो है उन्होंने क्वेश्चन करा कि मैं क्या क्या जो है एक्सपेरिमेंट करूं, और उन्होंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भर के उन्हें बताया कि आप ये सब कर सकते हो। फिर पूरे हाई स्कूल के दौरान, हाई स्कूल मैंने अमेरिकन का आपको बता दिया क्या हुआ, 9th 10th 11th 12th फुल पूरा जो उनका रहा, हर साल उन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, साइंस फेयर में पार्ट लिया, फर्स्ट भी आए, जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आए, और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस उन्होंने करी। फाइनली उनका हॉवर्ड्स में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम कि क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी क्लास में जो है एक्सपेरिमेंट्स करे थे। ठीक है, इतना सिंक्रोनाइज्ड वे में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ गाइस। यही चैप्टर है जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, और मैंने कहा था आपको कि है नहीं, बस ये 8th to 12th क्लास तक उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट्स करे उनको आपको नोट्स बना लेना है, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो 8th क्लास में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, जो ये वाली बटरफ्लाई होती है इसे कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई, तो जो इसका कैटरपिलर होता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको कोई डिजीज हो जाती है जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है, और वो डिजीज जो है लेकर आता है एक बीटल। मतलब ऐसी सोच थी कि एक बीटल है वो ये डिजीज लेकर आते हैं, उससे कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो इसलिए रिचर्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने उन बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर को ग्रो करा, और उसका रिजल्ट तो नहीं आया, बट उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है साइंस फेयर में दिखाया, और अब की बार वो जीत जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम उनके नेक्स्ट क्लास का एक्सपेरिमेंट पे, दैट इज हिज 9th क्लास एक्सपेरिमेंट। अब 9th क्लास के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक थ्योरी को जो है पढ़ा और उसको स्टडी करा। वो थ्योरी क्या थी, ऐसा कहा जाता है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। वैसे अगर आप दूर से देखोगे तो तुम्हें वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई सेम लगेंगे, बट इनके जो डिजाइन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस होते हैं। तो कहा जाता है कि जो वाइसरॉय है वो मोनार्क को कॉपी इसलिए करती है क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को नहीं खाती, क्योंकि मोनार्क को जो है मोनार्क टेस्टी नहीं लगती है बर्ड्स को। ऐसा कहा जाता है कि बर्ड जो होती है ना चिड़िया, वो मोनार्क बटरफ्लाई को ज़्यादा नहीं खाती, उसे वो पसंद नहीं है। तो रिचर्ड ईब्राइट ने उसको स्टडी करा, उन्होंने देखा कि भाई बर्ड क्या करती है, कुछ और बर्ड फूड तो खाए ना खाए, बाकी इंसेक्ट्स सब छोड़ दे, वो जो है मोनार्क बटरफ्लाई को ज़रूर खा जाती है। तो दैट मीन्स जो लोग कहते थे उससे डिफरेंट है, बट फिर बाद में उनको ये पता चलता है कि हाँ जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क को कॉपी तो ज़रूर करते हैं। तो दिस वॉज द 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट, और इस प्रोजेक्ट को पहला प्राइज मिल जाता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में साइंस फेयर में, तो ये इनकी पहली विक्ट्री थी। ठीक है, अब जब वो 10th क्लास में आ जाते हैं या फिर सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल यू कैन से दैट, तो रिचर्ड ईब्राइट एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करते हैं, और यही चीज़ आगे वो जो उन्होंने थ्योरी पब्लिश करी ना ऑन हाउ सेल्स वर्क, उस पर इनकी मदद करती है। ठीक है, अब क्या ये करते हैं, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता लगाते हैं। इन्हें क्या लगता है, इनको डॉक्टर अर्कट भी सजेस्ट करते हैं इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करने को, जो ये मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा होता है, प्यूपा स्टेज आपको पता होगी। ऐसा कहा जाता है कि इसके प्यूपा के जो प्यूपा है उसके ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। अब पूरी दुनिया को ये लगता था कि जो ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं मोनार्क के प्यूपा पे, ये ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावट के, जैसे हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें आप कोई
फूल देखोगे, वो सजावट हो रखी होती है, ऐसे लाइन बनी है, कुछ बनी है, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है हमारा। तो ऐसा लगता था कि मोनार्क के प्यूपा पे जो ये गोल्डन स्पॉट है ये क्या है, ये ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावट के। बट जो इनके डॉक्टर अर्कट थे, जो इनके प्रोफेसर थे रिचर्ड डी ब्राइट के, उन्हें यकीन नहीं था, तो उन्होंने कहा इस पर एक्सपेरिमेंट करो। जब रिचर्ड डी ब्राइट ने एक्सपेरिमेंट करा तो पता चला कि वो गोल्ड स्पॉट सिर्फ दिखावे के, सजावट के नहीं थे, वो एक बहुत एसेंशियल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे पूरी बटरफ्लाई की ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये जो उनका जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, इसको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी फेयर में, तो यानी कि साइंस फेयर के विजेता बन जाते हैं। और जैसे ही इसके विजेता बन जाते हैं, इन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग में एंट्रिंग मिल जाती है। तो पहले नेशनल लेवल का कर रहे थे, अब इन्हें इंटरनेशनल वाले में एंट्री मिल जाती है इन द क्लास 10th, और जूलॉजी डिपार्टमेंट में फिर वहाँ पर थर्ड मिल जाता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो इंटरनेशनल लेवल पर जूलॉजी में इसको थर्ड प्राइज मिल जाता है। और फिर उनको एक और चीज़ मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने में, वो था कि इन्होंने लैबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिलता है, यानी कि एक बहुत फेमस लैबोरेटरी, एक बहुत फेमस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह में इन्हें एंट्री मिलती है। एक छोटे से बच्चे को ये वहाँ जाके भी लैब में रिसर्चेस में हाथ बटाते हैं, वहाँ जाके और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहे थे ये कॉम्पिटिशन, कि उनको एक नए नए एक्सपीरियंस मिलते थे। अब जब वो 11th क्लास में आते हैं, 11th क्लास मतलब हाई स्कूल जूनियर जब वो बन जाते हैं, तब रिचर्ड डी ब्राइट ने और एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करे मोनार्क प्यूपा पे, और उस साल भी उनको पहला प्राइज मिलता है और एक और साल मिल जाता है वहाँ लेबोरेटरी में काम करने का। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक बटरफ्लाई की कलेक्ट करने की हॉबी से ये प्रॉपर उनके करियर में भी, और उनके मतलब कि पूरा उनका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, फिर जो है आप बात करो 12th क्लास में, या 11th लिखा है सॉरी, जो 12th क्लास की अगर बात करो, तो 12th क्लास में उन्होंने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या शो करा, वो जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना 12 गोल्डन स्पॉट्स, उसको प्रूव कर रहे हैं उन्होंने कि हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मोनार्क का विंग लिया, मोनार्क बटरफ्लाई का एक पर लिया, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वो विंग को अगर वो गोल्डन स्पॉट्स वाला हार्मोन सिक्रीट जो है प्रोवाइड करा जाए, तो वो जो है एक नया बटरफ्लाई का विंग जो है वो बना देता है। तो इस वाले प्रोजेक्ट को भी उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है, एंड वही वाले जो एक और डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी में उनको जाने का मौका मिल जाता है, लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उनकी अलग अलग एक्सपेरिमेंट वो करते रहे बटरफ्लाइज पे, और उनको जो है जीत भी मिलती रही और एक्सपीरियंस भी मिलता रहा। अब 12th क्लास ख़त्म, अब हमारे रिचर्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे भी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहाँ पे रह के इन्होंने हार्मोन जो गोल्डन स्पॉट्स जो रिलीज़ करते थे ना मोनार्क प्यूपा के, उस पे और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट करे। अब जब इनका कॉलेज का गाइस सेकेंड ईयर था, तब इनको जूनियर ईयर मतलब होता है कॉलेज का सेकेंड ईयर, कॉलेज के सेकेंड ईयर में एक दिन ऐसा होता है जब ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन को देख रहे होते हैं, ठीक है, एक्सरे फोटोज़ देख रहे होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की, और तब इन्हें बहुत बड़ी जो उन्होंने थ्योरी पब्लिश करी ना हाउ सेल्स वर्क, वो समझ में आ जाती है। ऐसा कहा लिखा है बुक में कि जैसे ही उनको पता चला कि अच्छा मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया, तो इन्होंने यूरेका नहीं बोला, यूरेका मतलब होता है ना कि कोई साइंटिस्ट नया आविष्कार करते हैं, कुछ पता लगाते हैं तो यूरेका बोलते हैं, उन्होंने यूरेका नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने मतलब ऑब्वियसली वो खुश बहुत हुए होंगे, उन्हें क्या पता चलता है, उन्हें पता चलता है दैट द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए आपको पता होगा, डीएनए वो सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल में जो कंट्रोल करते हैं हमारी हेरिडिटी। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली है जो बताती है कि कैसे सेल डीएनए को रीड करता है। अभी इस थ्योरी पे प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं वो, और बहुत सारी रिसर्चेस जो है होनी उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी थ्योरी इन्होंने निकाली थी, और इसी के बारे में आपको फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर में बताया गया था, जो बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश की गई थी। अब ये थ्योरी में उनकी हेल्प उनके एक दोस्त ने भी करी थी, जिनका नाम है जेम्स आर वोंग। पूरी रात बैठ के ये दोनों फ्रेंड्स जो है अलग, अब थ्योरी बना तो ली फिर उसको प्रूफ भी तो करना होगा, तो मॉडल्स बनाते रहते थे और बहुत मेहनत करते थे अपनी इस थ्योरी को जो है प्रूफ करने के लिए और आगे इस पे रिसर्च करने के लिए। अगर ये सही मानी गई जो उन्होंने पर्टिकुलरली इस थ्योरी में पता लगाया, अगर वो प्रूव हो गई, अगर उसको समझ में गया, तो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज उससे हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ आपने देख लिया कि कैसे रिचर्ड ई ब्राइट जो है गाइस, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कैप्चर करने से, और कहाँ उन्होंने
सेल्स के बारे में पता लगा लिया, कहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढने तक वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब लास्टली आपको यहाँ बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि रिचर्ड ईब्राइट सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट थे और सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे हर समय, नहीं गाइस। इवन दो उन्होंने हॉगवर्ट्स में वो सेकंड आए थे अपने पूरे बैच में, 1500 लगभग बच्चे थे उसके अंदर, एंड टोटल आई रिमेंबर बुक में लिखा है, आप खुद देखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की अपनी क्लास में वो सेकंड आए थे, बट वो सिर्फ इन चीज़ों को टाइम नहीं देते थे, वो बाकी चीज़ों को भी बहुत टाइम देते थे। वो एक ऑलराउंडर थे, वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, इंसेक्ट्स की फ़ोटो खींचते थे, साइंटिफिक चीज़ों की फ़ोटोज़ खींचा करते थे, वो गुड कैनोइस्ट भी थे, यानी कि वो जो बोट होती है ना लंबी वाली उसको चलाया करते थे, वो पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे से, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे। ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के मेंबर थे, तो अपनी साइंटिस्ट तो वो कर ही रहे हैं, पूरी रिसर्चेस तो कर ही रहे थे, उसके साथ में ही वॉज ऑलराउंडर। उनके एक सोशल साइंस के टीचर हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में बता रखा है, रिचर्ड ब्राइट के जो है सोशल साइंस ट्यूटर रिचर्ड ए वियरर, इनका नाम याद रखना। उन्होंने अपने स्टूडेंट की तारीफ करते हुए बताया कि मुझे यकीन नहीं होता था ये बच्चा जो है कैसे टाइम निकालता है, पूरे पूरे समय या तो रिसर्च करता है इंसेक्ट्स के ऊपर और फिर भी ये जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, यूनाइटेड नेशन क्लब्स के लिए, हर चीज़ों के लिए टाइम निकाल लिया करता है। और रिचर्ड ईब्राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं अपने सोशल साइंस टीचर का उनके डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, लास्ट में जो उनके ये सोशल साइंस के टीचर है वो बताते हैं कि रिचर्ड इतना अच्छे बढ़िया जो है साइंटिस्ट इसलिए बन पाए, वो कुछ इंग्रेडिएंट्स बताते हैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है दैट क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि आपका माइंड तेज होना चाहिए। दूसरा क्यूरोसिटी, चीज़ों को जानने की चाहत की, जैसे कि वो गोल्डन स्पॉट थे, है तो है भाई, उन्होंने कहा नहीं भैया ये खाली सजावट के नहीं है, इसमें कुछ और चक्कर भी है। वहाँ से कहाँ वो डीएनए और सेल्स तक पहुँच गए उसको स्टडी करते करते। एंड थर्ड इज़ विल टू विन। वो कहते हैं दैट रिचर्ड ईब्राइट बहुत कॉम्पिटिटिव थे, एक बार काउंटी फेयर में हार के अगर कोशिश करी कि नहीं मैं जीतूंगा, बट उन्होंने कहा कि मेरा जो ये स्टूडेंट है रिचर्ड ईब्राइट, ये कॉम्पिटिटिव है ना गुड सेंस है, ऐसा नहीं कि जबर उसको जीतना है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए समथिंग लाइक दैट, नहीं, अपने लिए जीतना था और इसी वजह से वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बने। और ये उनकी सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, उनकी लाइफ का इतना बड़ा चेंज, जो बुक उनको उनकी मदर ने दी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एस। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। आई होप अब बहुत ही आसान लगा होगा ये चैप्टर आपको। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका नेक्स्ट चैप्टर। बाकी अगर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मेरा चैनल को भी चेक कर सकते हो। बाय। Hi everyone, welcome to my channel. I am Sibin Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, आप सोचो कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, तो जो आपको लगेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो होने क्या वाला है इस चैप्टर में, मटिल्डा नाम की एक लेडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके ख्वाब ऐसे थे कि भाई उसकी बहुत अमीर घराने में शादी हो, उसको बहुत महंगी महंगी चीज़ें पसंद है, जैसे कि डायमंड के नेकलेस हो गए, बड़े बड़े पार्टीज़ में जाना, टेस्टी खाना खाना, लैविश खाना खाना, उसे आम जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। बट किस्मत का क्या कह सकते हैं, वो एक आम जिंदगी में ही रहने वाली थी और वो किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो हमेशा ना परेशान रहा करती थी कि काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा होती, काश मेरी भी किसी अमीर से लड़के से शादी हो जाती, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था उसके साथ में। तभी जैसे ही चैप्टर शुरू होता है लिखा गया है दैट मटिल्डा बहुत सुंदर थी, यानी कि अगर उसकी सुंदरता को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एरर ऑफ डेस्टिनी हो चुका है, थोड़ा सा कुछ एरर हो चुका है किस्मत के अंदर कि वो मतलब कि वहाँ पे पैदा हुई, उसे लगता था कि मैं गलत घर में पैदा हुई, मुझे तो किसी अमीरों के यहाँ पे पैदा होना चाहिए था। जब उसकी शादी होने का टाइम आया तब भी वो सोचती थी काश मेरे पे बहुत सारी डाउरी होती, काश मेरे कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए, बट वो सब नहीं हो पाता। तो वो फाइनली एक क्लर्क से जो है शादी करती है। ठीक है, जो उसके हस्बैंड थे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया करते थे एंड उनकी काफ़ी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ थी। बट कहते हैं ना, जब इंसान खुद खुश ना रहना चाहे तो कुछ भी कर लो आपको खुश नहीं रह सकता। तो मटिल्डा के
हस्बैंड इतने प्यार करते थे उसको, बेसिक नेसेसिटी सब मिलती थी उसको घर के अंदर, बट उसे चाहिए था अल्टीमेट लग्जरी। तो वो हर समय घर पे बैठ के परेशान होती रहती थी, अरे मेरा घर कितना अजीब सा है, दीवारों पे पेंट अच्छा नहीं है, झूमर अच्छा नहीं है, हर समय बैठ बैठ के परेशान होती रहती थी। उसकी एक दोस्त भी थी जिनका नाम था मैडम फॉरेस्टिया, जिसको वो कॉन्वेंट स्कूल से जानती थी, तो उनके घर जाती थी, वो काफ़ी अमीर थी उसकी दोस्त, तो उनके घर जाती थी और फिर अपने घर वापस आती थी तो परेशान होती थी कि भाई मेरी दोस्त तो इतनी अमीर है, मैं नहीं हूँ। डिनर के समय पे बता रखा है कि जब भी डिनर होता था तो उसके हस्बैंड काफ़ी ना बहुत हैप्पी थे वो अपनी लाइफ से, वो मटिल्डा का बनाया हुआ खाने की डिश ओपन करते थे, खाने को देख के कहते थे अरे वाह तो ये सब्जी बनी है, वाह इससे बढ़िया क्या चाहिए मेरे को। और वहीं मटिल्डा, उसे कोई अपनी फैमिली लाइफ में भी खुशी नहीं मिलती थी, वो क्या सोचती थी काश बड़ा सा महल में मैं होती, पार्टी चल रही होती, लैविश डिनर हो रहे होते थे। तो यही सीन चलता था मटिल्डा का अपनी लाइफ में, उसके पास ना ही सुंदर सुंदर फ्रॉक्स थी, ना ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी, ना ही बड़ी बड़ी पार्टियों के इन्विटेशन, ना ही उनमें जाने के लिए अच्छा पहनावा था, तो वो हर समय वो सब इमेजिन करती थी। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर लॉजेल यानी कि जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो आते हैं घर एक कार्ड लेके, इनविटेशन कार्ड लेके, और बहुत खुश होकर मटिल्डा को कहते हैं देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो कार्ड को ओपन करते हैं और मटिल्डा उसको पढ़ती है, तो वो ये कार्ड था आप देख सकते हो, एक इन्विटेशन लेटर था, उनके ऑफिस से उनको मिला था, एक बहुत बड़ी बॉल पार्टी, ठीक है, तो ये बाहर के देशों में होता है, बॉल पार्टी होती है, वो सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के लेडीज जाती हैं, बॉल डांस करते हैं वहाँ पे, तो वो पार्टी का इनविटेशन आया था। अब आप सोचो कि मटिल्डा को तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो तो ऐसी पार्टी में जाने का सोचती थी, बट मटिल्डा खुश होने की जगह वो पेपर जो लेटर था उसको फेंक देती है, और उसके हस्बैंड कहते हैं अरे क्या हो गया, मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी, ये बहुत एक्सक्लूसिव इन्विटेशन है, ऑफिस के सारे इम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिला है, सिर्फ मुझे मिला और बहुत कम लोगों को, पूरा ऑफिशियल कल्चर, वो पूरे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ आए होंगे नामी ग्रामी, तो हमें चलना चाहिए। तो मटिल्डा कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ पे, क्या सोचते हो मैं क्या पहन के चली जाऊँगी, वही प्रॉब्लम कि भाई पार्टी है तो कपड़े चाहिए पहले। तो वो उसके हस्बैंड कहते हैं दैट तुम वो ड्रेस पहने लाना जो हम थिएटर पहन के जाते हैं, जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में शोज देखने जाते हैं, इतनी सुंदर तो लगती हो। तो मटिल्डा को गुस्सा आ जाता है और वो लेटर वापस करके कहती है ये लेटर अपने किसी उस दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ पे मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े हों। बड़ी बड़े परेशान हो जाते हैं मिस्टर लॉजेल, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट मिस्टर लॉजेल अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, तो वो उससे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बताती है कि मेरे को एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए होगी। फिर वो पूछते हैं अच्छा ठीक है अच्छी ड्रेस जो है कॉस्ट्यूम जो है तो थोड़ी सिंपल, बहुत भी वो नहीं, कैसे कितने पैसों तक की आएगी वो। तो मटिल्डा दो मिनट सोचती है, ऐसे एकदम से भी नहीं बताते क्योंकि उसे पता है उसके मिडिल क्लास शौचालय उसका हस्बैंड है, एकदम से परेशान हो जाएगा जितने पैसे मैं बोलने वाली हूँ, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बोलती है दैट आई थिंक सो 400 फ्रांक्स में मेरा काम हो जाएगा, 400 फ्रांक्स के अंदर मेरा काम हो जाएगा। फ्रांक्स मतलब फ्रेंच करेंसी, आप काइंड ऑफ समझ जाओ, ठीक है। तो उसका हस्बैंड पहले डर जाता है भैया इतने पैसे, तो फिर वो कहता है अपनी वाइफ की खुशी के लिए ठीक है इतने सारे पैसे, पता है आपको वो बहुत समय से बचा रहा था अपने लिए गन खरीदने के लिए, जो वो हंटिंग करने जाता तो यूज़ करता लार्क्स को हंट करने में, जैसे वो हैरी अपना गोल्फ क्लब के लिए पैसे बचाता है और मिक्सी ले जाती है ना शॉपिंग के लिए, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो भी अपने सारे का सारा सेविंग को सरेंडर कर देता है मटिल्डा की ड्रेस के लिए मिस्टर लॉजेल, ठीक है। अब बॉल का दिन आने वाला था और बॉल के दिन से पहले जो है अब मटिल्डा फिर से परेशान दिख रही होती है घर में। अब मिस्टर लॉजेल पूछते हैं मैडम अब क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हारे पे ड्रेस भी आ गई। तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, भाई देख लो क्या औरत है ये, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। तो वो पूछते हैं अरे अब क्या हो गया, मैं पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास ड्रेस से मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, ये बोलती है वो अपने हस्बैंड को। तो उसके हस्बैंड कहते हैं तुम फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लेना, आजकल बड़े ट्रेंड में है फ्लावर्स की ज्वेलरी। तो वो कहती है नहीं इतनी अमीर औरतों के बीच में मुझे बेइज्जती नहीं करानी है अपनी, मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं अच्छा तुम भूल गई हो, तुम कैसी हो पागल हो क्या, तुम्हें याद नहीं तुम्हारी एक अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उससे जाके कोई गहना उधार क्यों नहीं ले लेती। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है अरे आप तो बहुत अच्छे हो, मेरे को ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। फिर मटिल्डा जाती है अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के घर पे उससे कुछ जो है गहने उधार लेने के लिए। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है तो वो भी उसकी एक अच्छी दोस्त थी, मैडम फॉरेस्टियर ने अपने क्लॉसेट में ओपन करा और भर के ज्वेलरी उसके सामने रख दी, उसमें कुछ पर्ल के कॉलर्स थे, कोई गोल्ड का ज्वेल्स लगा हुआ क्रॉस था, बहुत सारे ब्रेसलेट्स, मटिल्डा सब ट्राई करती है ऐसे कुछ पसंद नहीं आता। उससे पूछते कुछ और नहीं है बहन तेरे पास, वो कहते देख लो जो है तुम्हारे सामने जो तुम्हें पसंद हो। तभी मटिल्डा की नज़र पड़ती है ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स पे, उसे ओपन करती है उसमें था एक डायमंड का नेकलेस, बहुत ही प्रिटी डायमंड का नेकलेस था वो।
तो मटिल्डा वो डायमंड का नेकलेस ट्राई करके देखती है और उसको वो पसंद आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड से कहते हैं मैं ये ले लूँ, वो कहती है हाँ ज़रूर। वो लेकर वो आ जाती है और फिर बॉल का दिन आता है, यानी कि पार्टी का दिन आता है। जिस दिन पार्टी का दिन आता है, मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस मतलब क्या हुआ कि मटिल्डा ने जो सोचा था उस दिन उसे मिल गया। जब वो पार्टी में गई, पार्टी का हर आदमी हर इंसान उससे उसका नाम पूछ रहा था, हर कोई मटिल्डा के साथ डांस करना चाहता था। वो बिल्कुल ना नशे में झूम रही थी कि वाह मेरे साथ तो सब बड़े हो रहा है जो जो मैंने सोचा था। 4 बजे तक मटिल्डा डांस करती रहती है, सुबह के 4 बजे तक, और उसके हस्बैंड 12 बजे ही एक रूम में वहाँ पे बाकी जेंटलमैन्स के साथ सो गए थे। सारी लेडीज 4 बजे तक वाइन पी रही थी, डांस कर रही थी, इंटॉक्सिकेटेड मज़े कर रही थी। ठीक है, अब जब बिल्कुल ही पार्टी के एंड होने का टाइम होता है तो दोनों उसके हस्बैंड और मटिल्डा बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो उसके हस्बैंड क्या करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो वो एक रैप लेके, जैसे हम सर्दियों में शॉल डालते हैं, एक रैप लेके वो मटिल्डा को उड़ा देते हैं। मटिल्डा ऐसे झटकाती है अपने कंधों को और भाग के बाहर जाती है। वो कहते हैं अरे क्या हो गया, अभी मेरे को टैक्सी बुलाने दो। वो भाग के बाहर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि वो जो उसका रैप था वो कहती है दैट अमीर अमीर औरतों को देखो उनके फर के रैप हैं, फर वाले शॉल्स थी, उनकी अमीरी झलक रही थी उनके रैप्स में भी, और वो उसका उसको शो कर रहा था कि वो इतनी गरीब है उसके उससे रैप से, तो वो उसे लग रहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बाहर भाग के जाती है और उसके हस्बैंड उसके पीछे पीछे भाग के जाते हैं। अब वो इस रोड पे आके पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। अब सुबह होने वाली थी, ऑलमोस्ट इतनी ठंड थी फ्रांस में, तो वो बेचारे दोनों सड़क पे चलते रहते हैं, इधर उधर आवाज़ लगाते हैं टैक्सी को, कोई टैक्सी नहीं मिलती नहीं है। बहुत दूर जाके इनको रिवर के पास में थोड़े थोड़े जो है ओस भी गिर रही थी, सुबह सुबह बहुत ठंड का माहौल था, तब उन्हें जाके एक ओल्ड कैरेज मिलती है जो उस समय पे चलती है, सुबह प्रातःकाल के समय पे चलती है वहाँ पे, उसमें वो उसको हायर करके अपने घर तक पहुँचते हैं ओल्ड कैरेज के अंदर। जब वो घर जाते हैं फाइनली, चलो घर पहुँच गए, भागी वो इसलिए थी क्योंकि उसका रैप पे कार सा था। घर जाती है तो सोचती है चलो फाइनली अब मैं अपने आप को एक बार शीशे में देखूंगी। तो मटिल्डा जैसे घर पहुँच के जो है, जैसे हम भी कहते हैं पार्टी से आके एक बार आखिरी सेल्फी ले लेते हैं घर आके, समथिंग लाइक दैट, तो मटिल्डा शीशे में खुद को देखने के लिए वो रैप हटाती है, वो गरीब सा रैप जो ऐसे लग रहा था अपना, और जोर की चिल्लाती है कि मिस्टर लॉजिल आ जाते हैं। वो अभी चेंज ही कर रहे थे, वो आ जाते हैं, उन्हें सुबह ऑफिस भी जाना था अभी 10 बजे। तो वो चिल्लाती है, वो पूछते क्या हुआ, तो वो कहती है नेकलेस नहीं है मेरे पास, मेरा नेकलेस कहीं चला गया। फिर वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं मटिल्डा की ड्रेस के फोल्ड में, रैप में, पॉकेट में, हर जगह ढूंढते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिलता। मिस्टर लॉजर फिर से जो है पूरे चेंज करते हैं और फिर कहते हैं चलो मैं उस रास्ते पे देख के आता हूँ जहाँ पे हम लोग गए थे। पूरे रास्ते पे वो ढूंढते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मटिल्डा ना पूरी ड्रेस चेंज भी नहीं करती है, बहुत टेंशन में वहीं बैठी रहती है कि क्या होगा क्या होगा। सुबह के करीब जाके मिस्टर लॉजर वापस आते हैं और कहते हैं मैंने पुलिस को भी बता दिया, हर जगह मैंने पता करा लिया, मुझे नहीं पता चला वो कहाँ पे है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि आपने एक काम करो, अपनी फ्रेंड को ना लेटर लिख के भेज दो कि तुम्हारा जो फ्रेंड का नेकलेस है वो टूट चुका है, उसका जो एक हुक है वो टूट गया है, हम थोड़े दिनों में ठीक करवा के भिजवा देंगे। अब वो मटिल्डा और उसके हस्बैंड एक हफ्ते तक वेट करते कि शायद उन्होंने इश्तिहार डलवाया था कि किसी को नेकलेस मिले तो बता दे, इनाम मिलेगा, पुलिस कुछ बता दे, बहुत वेट करते हैं, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो अब मिस्टर लॉजल कहते हैं कि अब तो हमें तुम्हारी फ्रेंड को नया नेकलेस ही खरीद के जो है वो देना पड़ेगा। और वो नया नेकलेस कहाँ मिलता है उनको, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट मिलने वाला था उनको, वो मिल रहा था उनको पैलेस रॉयल नाम की शॉप पे, जहाँ पे वो नेकलेस 40,000 francs का था, अब वो उनको मिल जाता 36,000 francs का। अब आप इमेजिन करो, वो 400 francs उन्हें इतने भयंकर लग रहे थे, कहाँ अब उनको 36,000 francs जोड़ने थे एक नेकलेस खरीदने के लिए, तो उनकी लाइफ अब रुइन होने वाली थी। जो मटिल्डा उसके हस्बैंड थे उनके पास ऑलरेडी 18,000 francs थे जो मिस्टर लॉजल के फादर ने उनके लिए छोड़े थे, तो वो उसको यूज़ करते हैं, बाकी बचे हुए पैसों को लोन पे लेते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स से, कहीं बैंक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जहाँ वो हाथ फैला सकते थे वहाँ जाके उन्होंने लोन मांगा और 36,000 francs इकट्ठे करे और एक नया नेकलेस खरीद के लाए। और मटिल्डा गई मैडम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस करने। अब जब मटिल्डा नेकलेस वापस करने जाती है तो भी उसे ना बहुत डर लग रहा होता है मटिल्डा को कि कहीं मेरी दोस्त जो है उसे पता ना चल जाए कि ये मैंने चेंज करके नेकलेस दिया है और कहीं वो मुझे चोर ना समझे, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं होता, जब वो मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस करती है वो चुपचाप अलमारी में रख देती है। अब मटिल्डा के बुरे दिन शुरू है। पहले तो वो बस ना खुद की ज़िंदगी को खुद परेशान करती थी सोच के कि डिनर पे नहीं जा रही हूँ, ये वाले लैविश वाले, ये वो फलाना ठमकाना। अब उसके सच्ची में बुरे दिन शुरू हुए थे। अब उसको
ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा था जैसे उसने पहले कभी जी नहीं। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा जो उनका घर था, एक छत पे किराए पे कमरा लेना पड़ा, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, घर में पानी भी नहीं था, 4-5 मंजिल नीचे जाके पानी लेकर आना, सब्जी लेकर आना, पूरा दिन घर का काम करना। इनफैक्ट जो मिस्टर लॉजल थे उनके साथ भी ऐसे ही था। देखो उनको तो, वो तो खुश थे अपनी लाइफ में, बट उन्हें भी मटिंडा की गलती सहनी पड़ी। उन्हें भी अपनी वाइफ को शायद पहले ही समझा देना चाहिए था कि वो जो कर रही है वो गलत है, कितना जॉब पार्टी में भाई फिर तुम्हें नहीं चाहिए। तो वो बट वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे उससे। तो फिर मिस्टर लॉजल भी बहुत मेहनत करते रहे, वो बुक्स लिखते थे, पूरे पूरा दिन ओवर टाइम करते थे, रात को एक एक पेज कॉपी करने के 5-5 पैसे लिया करते थे, 5 सू गिवन है। बहुत मेहनत करी दोनों ने, लगभग 10 साल निकल जाते हैं तब जाके मटिल्डा और उसके हस्बैंड लोन को चुका पाते हैं। कितने का लोन हो गया उनका, 18,000 उनके पास थे, 36,000 का खरीदना, तो माइनस कर लो, समझ जाओ कितने सारे पैसों का लोन उनके ऊपर था। ठीक है, कभी कभी मटिल्डा जब फ्री होती थी तो आराम से चेयर पर बैठ के सोचती थी कि अगर उस पार्टी वाले दिन उसका वो जो है नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता। फाइनली एक संडे को जब उसका लोन वोन वो चुका चुकी थी, उसके बाद संडे को जो है मटिल्डा चैम्स एलिजीज में एक जगह है वहाँ पे घूमने गई थी। क्यों घूमने गई थी, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे वो देखती है उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर घूम रही थी एक बेबी के साथ में। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं इससे बात करूँ जाके, अपने मन में सोचती है अपनी दोस्त से, फिर सोचती है हाँ अब तो कर ही लेती हूँ, अब तो मैंने अपना पूरा लोन चुका दिया है। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उसे कहती है हाय जीन, और मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचानती नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर को लगता है ये कौन है, ये तो उससे बड़ी वो ओल्ड लग रही थी, मटिल्डा बहुत बूढ़ी लगती थी, और वैसी नहीं जैसे पहले बन ठन के तैयार होकर रहती थी बिल्कुल, वो आप कैसे मैले से कपड़े पहनती थी, आयन भी नहीं सही से, हाथ रेड हो चुके थे, बोलने का तरीका बदल चुका था, कोई लैविशनेस कोई कल्चर नहीं था उसके बोलने के तरीके में, बिल्कुल वो पहले जैसी अब नहीं रही थी मटिल्डा, फोटो में भी देख सकते हो तुम। तो वो मैडम फॉरेस्टियर पहले तो पहचानती है, मैडम लगता है ऐसे कौन मुझसे कौन बोलने आ रहा है, बट जो वो बताती है मैं मटिल्डा लॉजल हूँ, तो वो हैरान हो देती है मटिल्डा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इतनी ब्यूटीफुल थी। तो वो मटिल्डा उसे जवाब देती है मैडम फॉरेस्टियर को, ये सब तुम्हारी वजह से हो गई थी। मेरी वजह से, मेरी वजह से कैसे हुआ। तो उसको बताती है जो मैंने तुम्हें डायमंड का नेकलेस तुमसे लिया था वो मुझसे खो गया था। तो वो कहती है खो गया था, अरे तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। कहती है हाँ मैंने वापस करा था, बट वो खरीद के वापस करा था उसके लोन के वजह से, 10 साल से मैं और मेरा हस्बैंड इतने परेशान हैं, अब फाइनली वो लोन हमने चुका दिया है। और यहाँ मिस मैडम फॉरेस्टियर ये बात सुन के कि उसने इतना भारी लोन लेके नेकलेस खरीद के उसको दिया था, ऐसे परेशान होकर कहती है मटिल्डा तुमने मुझे एक नया रियल डायमंड नेकलेस खरीद के दिया था। तो मटिल्डा कहती है हाँ। तो कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वॉज फेक, दे वर नॉट इवन वर्थ 500 francs। यानी कि एट दी एंड क्या पता चलता है, दैट मटिल्डा की दोस्त कहती है कि मैंने जो तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था वो तो नकली था, वो तो फेक था, उसकी कीमत तो 500 francs भी नहीं थी। और यहाँ पे चैप्टर एंड। और अब आप सोच लो कि मटिल्डा ने क्या किया होगा मैडम फॉरेस्टियर के साथ, और क्या सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से, बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर पढ़ के, कि वो फेक नेकलेस था, 500 फ्रांक्स की भी उसके लगभग कीमत नहीं थी। तो देख सकते हो आप कि मटिल्डा का एक झूठ बोलना भी गलत साबित हुआ। शायद अगर वो अपनी दोस्त को पहले जाके बता देती तो उसकी दोस्त उसको बता देती तो उसकी लाइफ ऐसी ना होती, और शायद अगर मटिल्डा जो था उसके पास उसमें खुश रहती तो मटिल्डा को 10 सालों तक ये सब नहीं झेलना पड़ता। शायद अगर मिस्टर लॉजल ने भी झूठ बोला, अगर उन्होंने मटिल्डा को समझाया होता, वो भी गए होते मैडम फॉरेस्टियर के घर पे उन्हें बताने, तो शायद वो इस चीज़ से बच जाते, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर तो ऑनेस्ट थी, उन्होंने तो कहा बहन मेरा तो नकली था, और वो परेशान हो जाती है मटिल्डा के लिए। तो वट एवर इट इज़, ये चैप्टर हमें बहुत बड़ी सीख देने के लिए है दैट हमें चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, गलती हो जाए तो माननी चाहिए, और जो है उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अभी अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाके चैनल चेक कर सकते हो, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी, एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर भोली। तो ये जो चैप्टर है हम इसमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भोली। वैसे उसका असली नाम सुलेखा है बट उसे सब लोग भोली बोलते हैं। भोली क्यों, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी और बहुत सीधी सी है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र करा है और वो उस सबसे बाहर निकल के आई एक पावर की वजह से। वो पावर क्या थी वो आपको पता चलेगी, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है ये जो हमें बहुत बड़ी सीख भी देने वाला है। तो जानते हैं हम अपनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची भोली के बारे में।
तो भोली का असली नाम है सुलेखा, बट जब ये बहुत छोटी थी, सिर्फ 10 महीने की थी गाइस, तब ये अपने झूले में से गिर गई थी और इसको सर पे चोट लग गई थी। तब से इसको ना बैकवर्ड चाइल्ड माना जाता है कि इसके सर पे चोट लग गई है, और इसको क्या बोले जाने लगा, भोली द सिंपलटन, यानी कि बड़ी सिंपल सी है ये, जैसे इसमें दिमाग कम है, काइंड ऑफ लाइक दैट। ये इसके फादर का नाम है रामलाल और इसके फादर की 4th डॉटर है ये, ठीक है। तो 4 बहनें हैं ये टोटल में, इससे बड़ी 3 बहनें भोली से बड़ी और है, ठीक है। एट द बर्थ, यानी कि जब भोली का जन्म हुआ था, तो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्यारी सी थी ये, बट क्या होता है जब ये 2 साल की थी तो इसको अटैक होता है स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स जाने के बाद इसके पूरे फेस पे ब्लैक ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स रह जाते हैं लाइफ टाइम, एंड इस वजह से उसकी पूरा फेस जो है वो पॉक मार्क्स से भर जाता है, पूरी की पूरी बॉडी पे से लेके फेस तक सब जगह इसको छोड़ के उसके ऊपर पॉक मार्क्स थे। अब सुलेखा यानी कि जो हमारी भोली है, एक और चीज़ उसके साथ होती है दैट वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती है, और जब वो बोलना शुरू करती है तो वो बहुत हकला के बोलती है, स्टैमर करके, और जब कभी कभी वो कोशिश भी करती है कि चलो आज मैं बोलूँगी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बहनें, उसके आसपास के लोग उसकी मिमिक्री करते हैं, तो डर के मारे बेचारी हमारी भोली कुछ बोलती ही नहीं है। अब चलो ये सब तो उसके साथ जो हुआ, उसके अलावा आप सोचो कि चलो ठीक है उसकी फैमिली उसे प्यार करे, उसका साथ दे, बट ऐसा नहीं था। भोली की फैमिली में कोई उससे प्यार नहीं करता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके फादर का नाम रामलाल है, इतनी बड़ी फैमिली थी उसकी, 7 भाई बहन थे और टोटल में ये रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के 4 लड़कियाँ, उनमें से एक भोली थी। बट भोली को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करा जाता था, सब भोली को नीचा दिखाते थे, कोई उससे बात भी नहीं करता था ठीक से, उसकी मदर उसे तैयार भी नहीं करती थी, ना कपड़े पहनाती थी धुले हुए, ना कंघी करती थी उसकी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो उसका बचपन कैसा बीता होगा। वैसे इसका जो पापा थे काफ़ी मतलब अच्छे खासे फार्मर थे, काफ़ी पैसा था इनके घर में, कभी खाने पीने की कमी नहीं रही। इनफैक्ट इसके फादर ने अपने लड़कों को बाहर सिटी में, शहर में, गांव में रह के पढ़ने भेज रखा था। इसकी जो बड़ी बहन थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। जो 2nd नंबर की बहन थी मंगला, उसकी शादी तय थी। और जो 3rd नंबर की बहन थी कमला, वो अभी भोली से कुछ ही बड़ी थी। बट यस, भोली पर तो कोई ध्यान नहीं देता था। जो यहाँ आपको बता रखा है कि किस तरीके से उसके फादर को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि हर बेटी की शादी तो हम कर लेंगे, बट उन्हें लगता नहीं था कि कभी भोली की शादी हो पाएगी, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, भोली के गांव के अंदर, ये देखो उसके फादर है, ये हमारी छोटी सी भोली एज पर द एनसीईआरटी, ठीक है। तो भोली के फादर के गांव में कौन आते हैं, तहसीलदार आते हैं अपने हॉर्स पे, वो आते हैं, प्राइमरी स्कूल ओपन होता है उनके यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसकी ओपनिंग में आते हैं, तो फिर वो जो तहसीलदार है भोली के पापा रामलाल जी को कहते हैं कि तुम जो है एज अ इनिशिएटिव अपनी एक बेटी को पढ़ने भेजो स्कूल में, क्योंकि जो है तुम गवर्नमेंट के बंदे हो, तुम गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑफिसर हो, अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो उससे अच्छा लोगों को लगेगा कि हम भी अपनी डॉटर्स को पढ़ने भेजें। तो रामलाल घर आता है और अपनी वाइफ को जो है, ये देखो ये रामलाल की वाइफ हो गई, ये उसकी बड़ी बहन है और ये रही हमारी भोली साइड में बैठी हुई। तो रामलाल बताते हैं अपनी वाइफ को कि अरे मुझे तहसीलदार ने कहा है कि मुझे अपनी किसी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजना होगा। तो रामलाल को उसकी वाइफ डांटती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, अगर हम अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो उससे शादी कौन करेगा। तो देखो गाइज आप कि कैसे वहाँ पे जो है देयर इज दिस थिंग दैट जो लड़की पढ़ने जा रही है उसकी, उन्हें लगता है कि शादी भी नहीं होनेगी, हम कैसे भेज दें। तो वो कहता है फिर उसका पापा, भोली का पापा रामलाल, कि नहीं, अगर मैं बात नहीं मानूंगा तहसीलदार की, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं तहसीलदार की बात को टाल दूँ। तो फिर वो कहती है इसकी मम्मी, भोली की मम्मी, कि हम एक काम करते हैं, हम ना भोली को स्कूल भेज देते हैं, वैसे भी कहाँ ही इसकी शादी होने वाली है, इसके पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स है और है ये पागल, तो इससे अच्छा इसको भेज देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्कूल वाली इसके बाद इसकी टेंशन ले, टीचरें संभालेंगी इसको। तो वो ऐसे ही करते हैं, भोली को सुबह उसके फादर स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, बट भोली को जैसे ही उसके फादर लेके जा रहे होते हैं, वो जोर जोर के चिल्लाने लगती है कि मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसने 2-3 दिन पहले देखा था कि उनके घर की जो गाय थी लक्ष्मी, उसको ऐसे ही ले जाके जो है उन्होंने सेल दिया था, वो कभी वापस नहीं, तो उसे लगता है पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ मुझे वापस आऊँ भी मैं घर या ना हूँ, तो बहुत डर जाती है। फिर उसके फादर कहते हैं तुम पागल हो, क्यों चिल्ला रही हो, स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, वो नहीं सुनती। तो उसके फादर कहते हैं वाइफ को कि तुम एक काम करो, इसे अच्छे से नहला दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम अपनी बेटी को कैसा रखते हैं। तो जिस दिन बाहर स्कूल जाना था उस दिन उन्हें याद आया कि वो भोली को किस कंडीशन में रखा करते हैं। भोली को हमेशा पुराने फटे हुए कपड़े मिलते थे, उसकी मदर उसके कपड़े धोते भी नहीं थी, प्रेस
भी नहीं करती थी, कभी उसके बाल नहीं सुलझाती थी, कभी तेल नहीं लगाती थी उसके बालों में। आज जब स्कूल भेजना था तो उसको एक ड्रेस मिलती है, वो भी पुरानी, उसकी बड़ी बहन कमला की, छोटी हुई भी, श्रिंक हुई भी, बट एटलीस्ट चलो वो धुली हुई थी, मैली नहीं थी। वो उसको तैयार करके, कंघा करके, उसके बालों में तेल लगा के तैयार करके उसको स्कूल के लिए रेडी करा जाता है। तब जाके तो भोली को यकीन होता है कि ये मुझे किसी ढंग की जगह ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही भोली और उसके फादर स्कूल पहुंचते हैं तो भोली को उसके फादर हेडमिस्ट्रेस के पास यानी प्रिंसिपल मैम के पास छोड़ देते हैं, और भोली को बहुत सारे क्लासरूम्स दिखते हैं, यानी कि अलग अलग रूम्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ बैठ के पढ़ाई कर रही होती हैं। तो भोली को अच्छा लगता है देख के कि चलो मेरे एज के कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, और वो सोचती है काश इनमें से कोई मेरी एक दोस्त भी बन जाए। एक क्लासरूम में भोली को बिठा दिया जाता है, भोली वहाँ जाके बैठ जाती है। वहाँ की जो लेडी टीचर थी वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ा रही है। भोली क्लासरूम को देखती है, घोड़े को देखती है, हॉर्स को, कहती है अरे तहसीलदार पे ऐसा हॉर्स है। काओ को देखती है तो उसे अपनी काओ लक्ष्मी याद आती है। पैरेट को देखती है तो देखती है अरे ये मैंने पैरेट भी देखे हुए अपने गांव में। अलग अलग चीज़ों को नोटिस कर रही होती है कि इतने में भोली की टीचर भोली के पास आती है और कहती है व्हाट्स योर नेम, क्योंकि वो नई बच्ची थी। तो वो बोलती है भ भ, अपना नाम बोलने की कोशिश कर रही होती है कि बोल नहीं पाती क्योंकि वो हकलाती है, रोने से लगती है और हेड डाउन करके बैठ जाती है। इंटायर क्लास में फिर वो कुछ नहीं बोलती। जैसे छुट्टी का टाइम होता है तो भोली की क्लास टीचर उसके पास फिर आती है, छुट्टी होती है तो भोली की मैम उसके पास फिर से जाती है और उसको बहुत प्यारी आवाज में बोलती है गेट अप, मतलब ऐसे प्यार वाली आवाज से किसी ने उसको आज तक नहीं बुलाया था। तो वो उठती है और फिर उसकी मैम पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो सो दैट उसको लगता है कि इतने प्यार से मेरे से बात करें आज तक किसी ने करी नहीं। तो वो कोशिश करती है, वो फिर से बोलती है भ भ ऐसे करके अपना नाम लेने की कोशिश करी होती है कि उसकी जो मैम थी बहुत प्यार से कहती है हाँ कोई बात नहीं बोलो पूरा नाम, तो वो अपना पूरा नाम बोल देती है भोली। ठीक है, तो भोली को खुद बड़ा हैरानी होती है कि आज मैंने अपना पूरा नाम कैसे ले लिया, क्योंकि उन्होंने उसे मोटिवेट करा था और प्यार से इनकरेज करा था कि कोई कितना भी समय लगे तुम अपना नाम अच्छे से लो। ठीक है, भोली खुद ऐसी हैरान सी हो जाती है। फिर उसकी मैम उसे कहती है कि देखो आज जैसे तुमने अपना ये नाम लिया है ऐसे तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगी, आज मैं जो तुम पढ़ना शुरू करोगी मैं तुम्हें एक बुक दूंगी, उसके बाद जो है मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बुक दूंगी, मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और एक दिन ऐसा होगा तुम पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी, फिर कोई तुमसे नहीं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसे समझाती है, उससे पूछती है आपसे तुम रोज स्कूल आओगी भोली, तो भोली ऐसे करती है, वो कहती है नहीं ऐसे नहीं करना है पूरा बोल के बताओ, तो बोलती है यस बोलती है पूरा, और उसे वो समझाती है कि अब से तुम पढ़ना शुरू करोगी। उसको एक बुक देती है ABCD वाली और क ख ग वाली टाइप की बुक उसको देती है, और भोली अपने स्कूल से जैसे ही बाहर आती है तो उसको लगता है अरे भाई मेरी लाइफ तो बिल्कुल नई शुरुआत हो चुकी है। उसे लगता है मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, पेड़ों पे फूल उग गए हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने भोली को एनकरेज करा था और उसे ऐसा समझाया था कि हाँ वो कुछ कर सकती है। ऐसे ही समय बीतता गया, भोली बहुत अच्छी पढ़ी लिखी जो है आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है। इनका जो पूरा का पूरा विलेज था वो अब टाउन बन गया था, और वहाँ पे एक 10th क्लास का स्कूल भी खुल गया था, सिनेमा हॉल भी खुल गया था, बड़ा बड़ा मतलब डेवलपमेंट उनके गांव में होने शुरू हो जाते हैं। अब भोली बड़ी हो गई थी, तो अब एक दिन भोली सुनती है, रात का समय होता है, कि उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। उसके फादर बोलते हैं रामलाल कि क्या हम भोली के लिए जो रिश्ता आया उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट हम। तो उसके फादर बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो बूढ़ा है, बहुत बड़ा है, मेरी उम्र का होगा, साथ में वो थोड़ा सा लंगड़ा के भी चलता है, उसकी पुरानी शादी से जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हैं, भोली की उम्र के होंगे लगभग, बहुत बूढ़ा आदमी है, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसकी मदर कहती है देखो आप कैसी मदर है उसकी, क्या हो गया 40-50 साल क्या उम्र होती है एक आदमी के लिए, हम भोली की शादी उससे कर देंगे, वैसे भी उससे कौन शादी कर रहा है, वो तो पूरी उम्र कुंवारी रह जाएगी अगर अब हम उसकी शादी नहीं करेंगे। तो फिर उसके फादर कहते हैं पता नहीं भोली मानेगी भी या नहीं, तो उसकी मदर कहती है उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो पागल क्या कहेगी। एंड फाइनली भोली ये सब कुछ सुन रही होती है अपने रूम में से, एक खाट पे बैठी हुई थी वो, तो भोली अपने फादर मदर की इज्जत रखने के लिए कि वो भी परेशान ना हो सारी ज़िंदगी, तो वो हाँ कर देती है उस आदमी से शादी करने के लिए। उस आदमी का नाम क्या था, भिशंबरनाथ, वो बहुत अमीर था, उसका अपना किराना विराने की दुकान थी, ग्रॉसरी की, और जो है अच्छा खासा पैसा था, बैंक बैलेंस था, उसके फादर बताते अच्छा पैसा है उसके पास, बट हाँ वो 40-50 साल का था, उसके पहले भी बच्चे बहुत बड़े बड़े थे, बट फिर भी भोली अपने फादर मदर के लिए हाँ कर देती है। अब जिस दिन शादी का दिन होता है तो बहुत बड़ी सी बारात आती है भोली के लिए, बड़े बड़े बैंड बाजे लेके भिशंबर आता है भोली के जो है भोली से शादी करने के लिए। अब भोली की बहनें आ रखी थी इस बीच में,
और पता है आपको कि भोली की बहनें इतनी जेलस होती हैं भोली से उसकी वो बारात देखकर कि भाई इसकी तो अमीर घर में शादी हो रही है। अब क्या होता है, जैसे ही वरमाला का टाइम होता है तो भोली को बुलाया जाता है, तो जो बिशमरनाथ है वो जो है भोली उसको वरमाला पहनाती है, और जब उसको पहनाने का टाइम आता है तो कोई उस भोली का घूंघट हटाया जाता है। तो फिर जैसे ही बिशमरनाथ भोली की शक्ल देखता है तो अपने दोस्त को कहते हैं अरे इसके तो पॉक मार्क्स है, तो उसका दोस्त कहता है क्या हो गया, तो तू भी तो लंगड़ा है तो क्या फ़र्क पड़ता है इसके पॉक मार्क्स है, तो कहते हैं नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगा, अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी तो मैं 5,000 रुपये लूँगा तब मैं इससे शादी करूँगा। ठीक है, पहले भी शंबरनाथ कोई डाउरी नहीं ले रहा था, कोई दहेज नहीं ले रहा था, अब कहता है वरमाला के समय पे कि अगर इससे शादी करनी होगी तो मैं 5,000 रुपये लूँगा। तो यहाँ पे जो है उसके फादर बिशम्बर वो सॉरी भोली के फादर बहुत परेशान हो जाते हैं रामलाल जी, वो कहते हैं कि आप 2,000 रुपये लीजिए मेरे से और प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, 2,000 रुपये लेके आप शादी कर लीजिए और मेरी इज्जत का मान रखिए एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं कि नहीं अगर तुम चाहो, वो कहते हैं मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी अगर तुम वापस चले गए थे, तो वो कहते हैं नहीं अगर तुम्हें इतना वो है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो तो मुझे 5,000 रुपये दो। तो भोली के फादर जाते हैं सेफ में से 5,000 निकाल के लाते हैं और बिशम्बरनाथ को दे देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही बैंड बाजा बारात शुरू हो जाता है और भोली को वरमाला डालने के लिए जो है फिर से घूंघट हटाया जाता है, और अब की बार जब घूंघट हटाया जाता है तो भोली नीचे नहीं देख रही थी, वो बिशम्बरनाथ की आंखों में देखती है। जैसे ही वो वरमाला डालने वाला होता है वो वरमाला उठा के ऐसे साइड करती है और वो जो हवन अग्नि चल रही थी उसमें जाके जल जाती है, और वो बोलती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। सब बड़े हैरान कि ये क्या हो गया, ये तो भाई पागल सी लड़की, बोलना तो इसे आता नहीं था, अब ये कैसे जो है ये लड़की ऐसे बोलने लग गई है। वो अपने फादर को बोलती है पापा मैं ऐसे गंदे इंसान से, मतलब यानी कि इतने लालची इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अपने पैसे इससे वापस ले लीजिए। सब बहुत हैरान हो जाते हैं, बिशम्बरनाथ भी हैरान, उसके फादर कहते हैं बेटा ऐसे मत करो, मेरी इज्जत का तो ध्यान रखो। तो वो कहती है आपकी इज्जत के लिए ही मैंने इससे शादी करने के लिए हाँ करा था, बट ऐसे इंसान को जो इतना लालची है इतना कायर है मैं अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। जब वो ऐसे बोलती है तो एक बूढ़ी औरत उनके गांव की बोलती है ये क्या निकली, इसको तो हम बड़ा सीधा समझते थे, इसको तो हम बिल्कुल डमकाओ समझते थे, कितनी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है, कितना बोल रही है ये। तो भोली मुड़ती है उस आंटी की तरफ और आंटी को बोलती है हाँ आंटी आज मैं बोलूँगी, जिंदगी भर तो तुम मुझे ऐसा ही समझते थे, बट आज मैं जो है तुम्हारी वजह से ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जो इतना ग्रीडी है, इतना कायर है और इतना छोटी सोच का इंसान है। तो वो आंटी को भी चुप करा देती है। अब फाइनली बिशम्बर वापस चला जाता है भाई कि मेरी तो हो गई है बिल्कुल ही बेइज्जती। वो वापस चला जाता है अपनी बैंड बाजा बारात लेके, और वो बैंड वाले क्या करते हैं विदाई वाला म्यूज़िक चला देते हैं जाते हुए, और एट द एंड भोली के पापा बहुत परेशान होकर बैठे होते हैं, जो वो फायर थी अब वो बुझ चुकी थी और वो बहुत परेशान होते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। तो भोली उनको जाके कहती है कि वो कहते हैं उसको भोली तुम सारी ज़िंदगी कुंवारी रह जाओगी अब क्या होगा, तो भोली उनको जाके समझाती है दैट टू क्या हो गया, मैं आप लोगों की केयर करूँगी, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों की सेवा करूँगी, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी जिंदगी कुंवारी रहने में भी, मैं जो हमारा स्कूल है ना वहाँ पे अपने टीचर की तरह अपनी मैम की तरह मैं भी वहाँ पे जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी सेवा करूँगी मम्मी आपकी भी और पापा की भी। और वहाँ पे जब वो बोलती है अपनी मैम को कहती है मैम ठीक है ना मैं स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू कर दूँगी, तो यानी कि वो जो पूरी वेडिंग सेरेमनी एक बूढ़े इंसान से उसकी शादी कराई जा रही थी उस पूरे बीच में उसकी वो मैम जिसने उसे बोलना सिखाया था वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, और वो चुप रहती है, वो बस देखती रहती है उस बच्ची को जिन्होंने उसको एक मास्टरपीस बनाया था। एंड फाइनली चैप्टर एंड हो जाता है। तो भोली क्या कहती है मैं टीचर बन जाऊँगी बट मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी आपके लिए भी जो इतना ग्रीडी है, जिसमें जो इतना ज़्यादा मतलब कि एक अच्छा इंसान नहीं है। एंड फाइनली ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपने देखा ना कि वो बच्ची जिसको सबने जो है बिल्कुल ही बुरा फील कराया उसको एक ही चीज़ों पर उठा के ला पाई, वो क्या थी पावर ऑफ एजुकेशन और उसकी एक अच्छी मेंटोर उसकी टीचर। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एग्जाम में लॉन्ग आंसर आते हैं इस चैप्टर से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी गिवन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे तो वो देख सकते हो, बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो चैनल को चेक कर लो। तो विद दिस बाय बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का आखिरी चैप्टर बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और यहीं से आपका 10th इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है ये प्ले के फॉर्मेट में डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगता है बच्चों को, इतना मजाकिया चैप्टर है, बस हंसते रहोगे और अच्छे से समझ भी जाओगे। होने क्या वाला इस चैप्टर में, ये चैप्टर में एक प्ले दिखाया गया है
हमारे को, और ये चैप्टर चल रहा है फ्यूचर में 25वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब कैसा है ये चैप्टर में ना, एक म्यूज़ियम दिखाया गया है, उस म्यूज़ियम के हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट की एक हिस्टोरियन है, वहाँ पे एक शो चल रहा है, उस शो में 25वीं सदी के बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, उन्होंने प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे एक प्ले दिखाया जाएगा। क्या प्ले है वो एक सच्ची घटना पे प्ले दिखाया गया है कि 25वीं सदी के लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि जो है 2040 के अंदर अर्थ के ऊपर एक मार्स से इन्वेजन हुआ था, यानी कि मार्स से लोग जो है अर्थ के ऊपर हमला करने आ गए थे, और वो हमला होने से बच जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनोखी बुक के वजह से। तो आज आप इस चैप्टर के थ्रू जानोगे कि वो कौन सी बुक थी जिसकी वजह से मार्स वालों ने हमला नहीं करा और हमारी अर्थ बच गई, और 25वीं सदी में ये प्ले दिखाया गया है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होने का है, 25वीं सदी में पहुंचते हैं, हम सब 25वीं सदी में पहुंच गए हैं। 25वीं सदी में ही नहीं, सिंपल हम पहुंचेंगे 25वीं सदी के एक म्यूज़ियम में ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, हमें वहाँ पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे हिस्टोरियन, एक मैडम हिस्टोरियन है, वो जो है बताती हैं सबको कि आज हम प्ले देखेंगे। वो एक हिस्टोरी स्कोप ऑन करते हैं, यानी कि वो एक प्रोजेक्टर पे एक प्ले चला देती हैं। उस प्ले में क्या दिखाया जाएगा कि कैसे 2040 में मार्स से हमलावर आए थे और वो भाग गए थे एक बुक की वजह से। वो कहती नहीं है, क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज़ होगी जिसकी, जो मार्स से हमलावर आया और वो बिना हमला करे वापस चले गए थे? कोई एटम बम बनाया था, कोई मिसाइल बनाया था, और बुक थी तो कौन सी थी? इंसाइक्लोपीडिया थी, कोई मिसाइल की बुक थी, क्या बुक थी? तो वो बताएंगे आज इस चैप्टर के थ्रू कि कौन सी ऐसी बुक थी जिसने हमें अर्थ को जो है वो बचा लिया था, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रोजेक्टर ऑन करती है तो वहाँ पे एक सीन शुरू हो जाता है, वहाँ मार्स के बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं, और वही लोग हमारे इस चैप्टर के मेन करेक्टर है। कौन कौन है वो मार्स के लोग, यहाँ पे आप देखते हो चैप्टर का पहला करेक्टर हो गया हिस्टोरियन। बाकी के करेक्टर में से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जिसकी फोटो तुम यहाँ देख सकते हो। ये ऐसा पोटैटो शेप का हम्प्टी डम्प्टी जैसा है, और इसका नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये मार्स का रूलर है, मार्स का राजा है, ठीक है। उसके साथ में इसका अप्रेंटिस नूडल, यानी कि जो इसका सेनापति है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पोजीशन पे है, अप्रेंटिस नूडल, ठीक है। तो नूडल कौन सा मान लो तुम, इनमें से जो तुम्हें सबसे इंटेलिजेंट दिख रहा हो उसको मान लो नूडल, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं नूडल, है नहीं, चलो इस वाले को मानते हैं, ये हो गया हमारा अप्रेंटिस नूडल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैप्टन ओमेगा, ठीक है, ये गर्ल है कैप्टन ओमेगा। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट आयोटा, ये मान लो आयोटा हो गया। और लास्ट आ गया सार्जेंट ऊप, जो बहुत ही फनी सा है, तीनों लड़कियां ही हैं ये, सार्जेंट ऊप हो गया, ठीक है, इनमें से एक को ऊप मान लो। और कुछ बैक स्टेज वॉइस है, जब भी थिएटर में कोई प्ले होता है ना तो पीछे से आवाज़ें आती हैं, एक बैक स्टेज वॉइस हो गई। तो पर्दे राइज होते हैं, यानी कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन चलती है और अब आपको वो प्ले दिखाया जाएगा। आपको नहीं दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है 25वीं सदी के म्यूजियम में, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस प्ले को। तो उस प्ले में क्या दिखाया जाता है, ये माइटी थिंक टैंक, ये मार्स का रूलर है, ठीक है। और ये अपने आप को ना बहुत बनता है, इसे लगता है कि इससे ज्यादा समझदार तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। अपने सीन वन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सीन वन शुरू होता है तो जो हमारा पहला करेक्टर है, ये हम्प्टी डम्प्टी जैसा, ये कौन है, माइटी थिंक टैंक, ये यहाँ का राजा है मार्स का। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है, ऊंचे सिंहासन टाइप पे बैठा होता है, इसने एक केप पहन रखा होता है जिसपे सलमे सितारे बने होते हैं, ठीक है। और कुछ ये बिल्कुल ही अपने आप को मतलब राजा ही है बेसिकली, ये मार्स का रूलर है ये, ठीक है। तो ये वहाँ पे बैठा होता है और ये ना स्पेस कंट्रोल रूम में बैठा होता है मार्स के, और वहाँ पे लिखा होता है बाउ लॉ बिफोर एंटरिंग, यानी कि अगर तुम्हें एंटर करना है स्पेस रूम में तो पहले झुक के एंटर करना होगा, यानी कि इसको रिस्पेक्ट देनी होगी, इस माइटी थिंक टैंक को। तो वहाँ पे नूडल आता है, उसका जो सेनापति आप कह सकते हो मेरी लैंग्वेज में, उसका अप्रेंटिस जो है नूडल, नूडल आके माइटी थिंक टैंक को कहता है ओ मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर है? तो ये माइटी थिंक टैंक सड़ जाता है, गुस्सा होता है, कहता है तुमने मेरी सैल्यूटेशन सही से नहीं बोली है, ये जो इसने बोला ना ओ माइटी थिंक टैंक, ये सही से नहीं बोली है, ढंग से बोलो। तो फिर नूडल ठीक से बोलता है गाते हुए, ओ माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो कहते हैं हाँ भाई, अब ठीक तुमने बोला है। और फिर उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कनेक्ट करो उस मैन स्पेस प्रोब से, यानी कि उस स्पेसशिप से मुझे कनेक्ट करो जिसको हमने उस प्लैनेट पे भेजा है, क्या नाम है उस बेवकूफ से प्लैनेट का,
बोलता है ऐसे माइटी थिंक टैंक, तो नूडल कहता है अर्थ सर, अर्थ कह रहा हाँ हाँ वही इनसिग्निफिकेंट सा प्लैनेट जिसको जाके मैंने अपनी लीडरशिप के अंडर में लेना है, उसको जरा कनेक्ट करो वहाँ पे जो स्पेसशिप हमने भेजा है, बट हाँ उससे पहले मुझे मेरा मिरर दो, मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो नूडल मिरर पकड़ाता है और वो मिरर पकड़ के बोलता है आईने मेरे आईने ये बता दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कौन है भला ऐसे करके, तो उसका मिरर रिप्लाई करता है यू, बट मिरर थोड़ी देर से रिप्लाई करता है यू, तो मिरर को भी गुस्सा करता है अगली बार से जल्दी रिप्लाई करना, ठीक है। ऐसे मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये माइटी थिंक टैंक, ठीक है। फिर नूडल को वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे कनेक्ट करो, और नूडल को ये भी कहता है अपने आप को मिरर में देखते हुए, नूडल अगर तुम मेरी तरह एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारा भी सर मेरी तरह हो जाएगा, यानी कि उसे घमंड है अपने हम्प्टी डम्प्टी जैसे शक्ल का, सर का, ठीक है। अब कुछ समय बीत जाता है और नूडल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है स्पेसशिप से जो अर्थ पे आया होता है। नूडल ऐसे कुछ बटन बीप बीप कर रहा होता है और उसको विजन मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन पे नूडल को दिख रहा होता है कि उसकी जो टीम है जिनको उन्होंने अर्थ पे भेजा है वो अर्थ पे पहुँच चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अर्थ की सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 3 मार्स के लोग आ चुके हैं, और वो कौन 3 है ये देख लो, ठीक है मैं पहले ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो इधर है ये है कैप्टन ओमेगा, ये जो इधर है ये लेफ्टिनेंट आयोटा, और ये है सार्जेंट ऊप। ये तीनों यहाँ आ चुके हैं और ये यहाँ लाइब्रेरी में आई है, अब इन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि लाइब्रेरी है या बुक्स है, दे डोंट नो एनीथिंग। अब देखते हैं कि ये इस जगह को क्या समझते हैं और आखिर में कैसे एक बुक हमें हमला होने से इनके द्वारा बचा लेती है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। अब नूडल जो है प्रॉपर विजन दिखा देता है कि वो अपने सर को बोलते हैं थिंक टैंक जी जल्दी देखो हम मुझे दिखने लग गए हमारे दोस्त वहाँ अर्थ पे पहुँचे हुए। तो थिंक टैंक चश्मा लगा के देखता है अपना और उसे वो लोग दिखाई देते हैं। फिर वो कहता है इनसे वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ, तो नूडल वॉइस कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ जो ओमेगा था ना, ओमेगा थी सॉरी, वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर उसने गले में एक लॉकेट सा पहन रखा था, उसमें डिस्क थी उसमें से आवाज़ आती है हेलो हेलो। तो जो ओमेगा आयोटा है उनको बस आवाज़ें आएंगी अपने लीडर्स की, और उनको तो विजुअल्स भी मिल रहे हैं, वो स्क्रीन पे से देख भी रहे हैं, ठीक है। तो वो कैप्टन ओमेगा को पूछते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हो, तो कैप्टन ओमेगा बताती है कि सर हम पहुँच चुके हैं एक अर्थ के स्ट्रक्चर में, ये स्क्वायर सा स्ट्रक्चर है हमें समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं यहाँ पे क्या भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये ऐसा बुक दिखा के कहते हैं कि ये रखी हुई है। लेफ्टिनेंट आयोटा कहता है मुझे भी नहीं पता क्या है, और जो सार्जेंट ऊप है वो कहता है अरे मैं तो पता नहीं इतनी ही गैलेक्सीज में गया हूँ, 7 गैलेक्सियाँ मैंने घूमी है, ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, कौन सी चीज़ बुक मैंने कभी नहीं देखी। तो थिंक टैंक कहता है अच्छा एक दिखाओ मुझे जरा क्या चीज़ है, तो वो जो है बुक उठाते हैं और थिंक टैंक को ऐसे दिखाते हैं, तो थिंक टैंक को तो दिख रहा है ना सब कुछ, तो वो जो इनका लीडर है थिंक टैंक कहता है अच्छा आई थिंक तुम लोग ना आई थिंक सो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में आई हो, यानी कि एक कैंटीन टाइप की जगह में आई हो तुम, यहाँ कुछ खाने पीने का मिल रहा होगा। अच्छा हाँ ये अर्थलिंग खाते बहुत हैं, हाँ तो मैं बताता हूँ तुम्हें, वेट अ सेकंड, तुम आई हो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में और ये जो चीज़ तुमने अपने हाथ में उठाई है ये एक सैंडविच है, ये जो अर्थ के लोग हैं ये बहुत भुक्कड़ हैं, बहुत खाते रहते हैं हर समय, तो ये सैंडविच है, ये जो ऊपर वाला जो गत्ते का पीस है ये भी एक ब्रेड है, नीचे वाला भी ब्रेड है, एंड बीच में दिस पेपर्स को हमारे कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ अ फिलिंग टाइप होती है ये, तो ये सैंडविच है, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, खा के देखो इसको। तो वो तीनों परेशान भाई क्या खाना पड़ेगा इसको, क्रेडिबल तो लग नहीं रही थी बुकों ने भी, इतना तो समझ थी उन मार्सन्स को भी। तो ओमेगा कहता है सर मैं कैसे खाऊंगा जब तक मेरा लेफ्टिनेंट कुछ नहीं खाएगा, उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो वो लेफ्टिनेंट को दे देता है, आयोटा को देता है कि आयोटा तू खा ले। अब आयोटा भी बहुत चालू थी, आयोटा कहती है मैं क्यों खाऊं, तो वो सार्जेंट को दे देती है, सार्जेंट तुम खा लो। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मार्स के लोग भी ऐसे ही हैं, खुद कुछ ना करना पड़े तो दूसरे पे डाल दो, ठीक है। तो वो जो है ऊप को बेचारी को जो है बुक खानी पड़ती है, तो ऊप बुक खाती है, बड़ी मुश्किल से स्वैलो करती है क्या, और बोलते हैं फिर वो थिंक टैंक पूछता है टेस्ट कैसा था, तो ऊप कहती है पता नहीं भाई खाते कैसे ऐसे बिना उसके बिना पानी के निगलते कैसे, मार्स की डस्ट से भी गंदी है, इससे अच्छा तो मार्स की मिट्टी ही खा लो, ठीक है। तो इतने में कैप्टन नूडल अप्रेंटिस नूडल वो समझदार है मैंने कहा था, तो वो कहता है सर थिंक टैंक जी मेरे दिमाग में एक बड़ी फालतू की बात आ रही है बता दूँ, तो वो कहता है अच्छा ठीक है फालतू की है तो बता दो। तो वो नूडल काफ़ी समझदार नूडल कहता है मैंने डॉक्यूमेंट्री में अर्थ से रिलेटेड वीडियोस में देखा है कि ये जो चीज़ है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब थिंक टैंक कैसा है इसे सबके आइडियाज़ सुनाने होते हैं, अब जैसे ही इसने सुना कि भाई कम्युनिकेशन डिवाइस है तो बस आधी बात सुन के नूडल को सुन के आधी बात अपने ओमेगा वोमेगा वो जो अपने स्पेस से बंदे भेजे थे हमारी लाइब्रेरी में उनको ऑर्डर कर देता है हाँ 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 मुझे पता है
मुझे बट बताओ, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। ये सैंडविचेस को ये जो अर्थ के लोग हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो लिसन टू इट। अब ओमेगा कहता है लिसन टू इट, ओमेगा कहती है अच्छा सर सुनना है इनको, कहता है हाँ क्या मेरी बात पे कोई शक है। तो तीनों ओमेगा आए उठा और वो तीनों बुक को कान से लगा के सुनना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं सर कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारे की थिंक टैंक, गुस्सा तो कहते शायद हम कोई डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, अर्थ वालों के कान थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। ऊप कहते हैं नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहे। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है माइकी थिंक टैंक, मतलब अच्छा मेरे तुम मेरे पे शक कर रहे हो कि मैंने गलत सोचा है, तो यानी कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती है। तो इतने में ही नूडल्स फिर से कहता है सर मेरे दिमाग में एक बड़ी हल्की सी कोई बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बताऊँ आपको। तो थिंक टैंक कहता है हाँ बताओ, क्योंकि वो भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड था, पता है ना इसकी आइडिया तो चेपूंगा मैं। तो वो कहता है कि सर ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ये आई वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है, लिसनिंग वाला नहीं है। तो फिर सीधा वो उनको बोलता है अपने ओमेगा ओप को, हाँ 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 ये देखने वाला है, ओपन इट एंड लुक एट इट, देखो उसे। तो वो जो है एक बुक उठाते हैं वहाँ से और उसको देखते हैं। अब कौन सी बुक उठाते हैं ओमेगा आयोटा ऊप, ओमेगा आयोटा ऊप बुक उठाते हैं नर्सरी के बच्चों की पोयम की किताब मदर गूस, ठीक है। और जो है वो जैसे ही बुक को ओपन करते हैं तो वो कहते हैं, ऊप कहता है सर इसमें तो कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ये तो मतलब हमारे अल्फाबेट्स वगैरह को देख के। वो कहता है सर इन्हें तो कोडिंग आती है, ये तो बड़े समझदार निकले अर्थ के लोग, हम तो इन्हें पागल समझ रहे थे, बिल्कुल ही प्रिमिटिव से ये बेचारे से होंगे, ये तो भाई इन्हें तो लिखना पढ़ना आता है, इन्होंने तो कोड वोड बना रखे हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा इन कोड में लिखा क्या है। तो नूडल कहता है सर एक बात मुझे याद आई, हमारी जो है केमिकल टीम ने एक वाइटामिन्स दिए थे, अगर वो वाइटामिन्स खा लिए जाएं तो बहुत इंटेलिजेंस आ जाती है, शायद तब ये अर्थ की भाषा समझ पाए। वैसे ही जैसे ही आइडिया सुना ये नूडल का, माइटी थिंक टैंक राजा जो था ओमेगा आयोटा को कहता है तुम वो वाइटामिन्स खाओ। वो तीनों अपने लॉकेट में से वाइटामिन निकालते हैं, उस वाइटामिन को खा लेते हैं और ऐसे हुआ ऐसे करते हैं वो दोनों तीनों के तीनों, और उनको जो है अब पूरी अर्थ की लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी। फिर वो जो है बुक को ओपन करते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें लिखी हुई थी नर्सरी की पोयम में नर्सरी की राइम, ठीक है। अब पहली राइम पढ़ती है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, मुझे कैसे पता चला भाई ओमेगा लड़की है, क्योंकि गिवन है एनसीईआरटी में विद द दीज ब्रैकेट्स, तो ये रही ओमेगा और ये देख सकते हो ये पोयम को ओमेगा जी रीड कर रही हैं, ठीक है। तो ये देख लो ये क्यूट सी ओमेगा है, आई है हमारे पे हमला करने के लिए, ठीक है। तो ओमेगा रीड करती है पोयम नंबर वन, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रारी हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेट्स ऑल इन अ रो। अब ऊप हंसने लगती है सुन के, कहती है हा 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 प्रिटी मेट्स, प्रिटी मेट्स मतलब जवान लड़कियां समझ लो तुम, ठीक है। तो वो हंसती है कि यार ये क्या लिख रहा है, इनकी जवान लड़कियां गार्डन में है, मतलब कि यंग लेडीज आर इन द गार्डन। तो वो बड़ी जोर की हंसती है, तो ठिंग टैंग कहता है ये हंसने फिरने का टाइम नहीं है, सीरियस हो जाओ, देख तो लो ये अर्थ वाले है कैसे, मैं तो इन्हें पागल समझ रहा था, इन्हें कुछ आता ही नहीं है, इन्हें तो मेटल सिल्वर उगाना आता है, इनको तो एग्रीकल्चर आता है, इन्हें तो माइनिंग आती है, मैं तो इन्हें बहुत प्रिमिटिव पुराने ज़माने का समझ रहा था, इनके पास तो पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं, मे बी ये एक्सप्लोसिव, ये बम पटाखे उगा लेते हो धरती के अंदर जमीन के अंदर। वो जल्दी से उसको बोलता है नूडल को, हमारी इन्वेजन फ्लीट का है, इन्वेजन फ्लीट मतलब गाइस बस हम तो बच गए इस किताब की वजह से, ये मार्स का जो ये थिंक टैंक था ये पूरा अपना मार्स से हमलावर लेके वहाँ बैठा हुआ था, बिल्कुल हमारे अर्थ के बाहर स्पेस में, अगर ये बुक ना होती तो ये हमला कर ही देते हमारे पे, ठीक है। तो वो कहता है हमारी स्पेस फ्लीट जो है ना उसको अभी एक मिनट हॉल्ट दे दो, उन्हें कहो भी रुक जाए, हम भी रुक के हमला करेंगे, ठीक है। तो नूडल कहता है ठीक है सर, मैंने उन्हें कह दिया टू होल्ड, ठीक है। अब आयोटा दूसरी वाली पोएम पढ़ती है, आयोटा पढ़ती है हे डिडिल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट एंड डिश रन अवे विद स्पून। अब वो फिर हंसती है, कहती है डिश यानी कि प्लेट भाग गई चम्मच के साथ, बहुत जोर की हंसती है। तो फिर वो कहता है अरे ये हंसने का टाइम नहीं है, देखो तो भाई ये अर्थलिंग की सिविलाइजेशन क्या भयंकर लेवल पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इनके डोमेस्टिकल एनिमल्स को गाना बजाना आता है, इनकी काउ मून पे पहुंच चुकी हैं, पता चले ये मार्स पे बतेरी काउ भेज के हमारे पे हमला करा दे, इनके डॉग के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, इनका डॉग हंसता है, और इनकी तो प्लेट चम्मच भी कुछ अलग ही टाइप की है, भाई आज नहीं इन पे हमला कर सकते। वो नूडल को कहता है भाई हमारे इन्वेजन फ्लीट जो बॉम्ब बूम सारे भर के लाए हुए हैं ना अर्थ पे हमला करने के लिए, उन्हें वापस भेज दो, खतरनाक है ये अर्थ के लोग, पता चले काओ भेज दे हमारे मून तक तो पहुँच ही गई है इनकी काओ। तो यानी कि ये जो कुछ भी नर्सरी राइम्स में लिखा हुआ है ये उसको सच समझ रहा था, कौन, ये माइटी थिंक टैंक। अब लास्ट वाली पोएम पढ़ती है ऊप,
वो रीडिंग करना शुरू करती है, उस पर लिखा हुआ था हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी गिर गया, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी टुगेदर अगेन। ऊप फिर एकदम से हैरान हो जाती है और देखती है हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर और थिंक टैंक को यूं दिखाती है और थिंक टैंक चलाते, ओ माई गॉड ये तो मैं हूँ, भी बिल्कुल ऐसा दिखता था। वो डर जाता है, कहता अब भी तेरी ये इंडिया सॉरी ये जो अर्थ के लोग हैं ये तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, इनको पता था मैं हमला करने आने वाला हूँ, ये कितने समझदार हैं। एंड हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, यानी कि हम्प्टी डम्प्टी हार जाएगा, भाई ये अर्थ के लोग तो बहुत भयंकर है, मैं नहीं कर रहा भाई इनके ऊपर हमला, पता चले मेरे ही पीछे आ जाए, मैं तो जा रहा हूँ अर्थ छोड़ के, बस मैं तो जा रहा हूँ मार्स ही छोड़ दूंगा मैं। और ऑर्डर करता है अपने उन दोस्तों को, दोस्त नहीं मानता था वो उनको अपने, वो जो अपने भेजे हुए थे इसने आयोटा ओप वगैरह को, कहते तुम जल्दी बाहर निकलो ये अर्थ की ये जिस भी जगह में तुम हो अभी ये सेंट्रलवेल लाइब्रेरी में जो वो थे यहाँ से बाहर निकलो, कोई ये क्लू मत छोड़ना कि शक हो जाए उन्हें कि हम यहाँ पे आए थे, जल्दी भागते हैं यहाँ से और मैं तो मार्स पे भी नहीं रहूँगा, पता चले ये मुझे मार्स पे आके अटैक कर दे, हम तो दूसरे प्लैनेट पे रहने जा रहे हैं अल्फा सेंटोरिया पे। और भाग जाता है थिंक टैंक अपनी पूरी अपने पूरा की स्पेसशिप वगैरह लेके, मार्स पे भी नहीं रहता, अर्थ पे हमला करना तो दूर की बात, वो भाग जाता है। और यहाँ पे वो जो प्ले चल रहा था 25वीं सदी पे म्यूजियम में एक प्रोजेक्टर पे, वो एंड हो जाता है और फिर से हिस्टोरियन मैडम एंटर हो जाती है। अब हिस्टोरियन मैडम हंसती हैं और बताती हैं कि देखो इस तरीके से एक नर्सरी के पोएम की बच्चों की किताब ने हमारे अर्थ को बचाया था इन 2040। अब वो कहते हैं देखो अब तो आप लोगों को पता ही है कि सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब तो मार्स के लोग और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अब तो मार्स का रूलर नूडल बन चुका है, वही अप्रेंटिस नूडल, अब मार्स के लोगों को जो है पता है बुक्स और सैंडविचेस का डिफरेंस, इनफैक्ट मार्सोपोलिस यानी कि मार्स में जो एक सिटी है वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खोली गई है। तो बेसिकली ये हमें इस वाले चैप्टर से एक इन्फॉर्मेशन और मिल रही है अकॉर्डिंग जो ये जहाँ पे प्ले चल रहा है उस समय पे जो है मार्स के साथ कांटेक्ट भी है, अप्रेंटिस नूडल अब वहाँ का राजा बन गया क्योंकि वो बहुत समझदार था, तो वो राजा है और अच्छे से मार्स को चला रहा है। बट हाँ अभी भी मार्स के लोग 25वीं सदी के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा पता है किससे डरते हैं, वो हर बुक पढ़ लेते हैं अर्थ ही बट मदर गूस को अब भी नहीं पढ़ते हैं। तो विद दिस ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, बहुत ही फनी चैप्टर था, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से डोंट वरी, बहुत ज़्यादा भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, जो भी आएंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस चैप्टर की नहीं हर चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी क्रिएट कर दी है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। नोट्स चाहिए अगर इस चैप्टर के बाकी चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है वहाँ से देख सकते हो, बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो चैनल देख लो। विद दिस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो आई होप सारे चैप्टर हो चुके होंगे तुम्हें क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में बस चुके होंगे और अब तुम रेडी होगे बोर्ड एग्जाम में आग लगाने के लिए, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर स्कोर करने के लिए। तो आज हमारा लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब आएंगे हम धीरे धीरे अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो एंड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हो। डन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।